रीबा अफजल के कलम से निकली एक खूबसूरत तहरीर कुर्बते शबनम भी गिरा है। गुड मॉर्निंग डेट ब्लैक पैंट पर वाइट टी शर्ट और ऊपर जैकेट पहने वालों को जेल की मदद से सेट किए। वो अपनी गिरे आंखों में चमक लिए सीढ़ियाँ उतरता बोला था, ये आंखें ही तो सबको दीवाना बनाए रखती थीं। उसकी बहन का कहना था और वो हमेशा जवाबन हंस दिया करता था। गुड मॉर्निंग मेरे शेर, उसके डैड ने अपने खूबरू बेटे को देखा। क्या हुआ सब, बहुत खुश लग रहे हैं? जियान ने काफ़ी का मुख टेबल से उठाकर लबों को लगाया था जबकि ब्रेड का पीस मुंह में रखती उमजा ने मुस्कुराहट दबाई। हाँ डैड, अपने इकलौते बेटे की शादी करने वाले हैं और लड़कियां देखी जा रही हैं, वो हंसते हुए बोली थी। लेकिन उसकी बात पर जियान हाथ मुस्तफ़ा को ज़रा बराबर हंसी नहीं आई बल्कि उसका चेहरा संजीदा हो चुका था। व्हाट द हेल, मुझे शादी नहीं करनी किसी से भी। कॉफ़ी का मग टेबल पर रखता गुस्से से तने असाब को काबू करता बोला, पर क्यों नहीं करनी, आखिर तुम समझते क्यों नहीं हो? जियान, इन सब से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कभी ना कभी तो शादी करनी ही है। मुस्तफ़ा साहब न रूठी लेजे में चाय का कप मेज पर रखते बोले, जिस पर उसने लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त किए थे। डेड ने बता चुका हूँ मुझे किसी से शादी करनी है, इसके अलावा अगर मैं शादी किसी और से करवाने की कोशिश की तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा वापस अमेरिका। कुर्सी धकेलता उठा, चेहरा सुर्ख जबकि गिरे आंखों में सर्द तासुर था। आर यू आउट ऑफ योर माइंड जियान, वो नहीं मानेगी, मैं गुमराह को अच्छे से जानता हूँ। मुस्तफ़ा साहब का लहजा कोशिश के बावजूद तल्ख हुआ जबकि दूसरी जानिब जियान की रगें तन गई, उमदा खामोशी से सब देख रही थी। डेड, ये मेरा मसला है, जब मैं आपसे शादी का कहूँ तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, मैं ज़िंदगी में उमरा ही आएगी चाहे कैसे भी। वो गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल गया। मुस्तफ़ा साहब ने आप इस सर फिरे को तासुब भरी नज़रों से देखा। अब कहाँ जा रहे हो, वो लेजो को नॉर्मल रखते पीछे से बोले, केस के सिलसिले में कुछ सबूत चाहिए, वो इकट्ठे करने हैं, वो बेलचक लेजे में बोलता वहाँ से निकल गया जबकि उमदा ने आंखों ही आंखों में अपने डैड को तसल्ली दी थी। तुम्हें पता है हमारी जो केमिस्ट्री का प्रोफेसर है बड़ा हैंडसम है यार, साइमा ने कैफे में बैठी उमदा को देखते चहक कर कहा, जिस पर उमदा ने आंखें घुमाई। बस करो साइमा यार, हर रोज़ कोई ना कोई प्रोफेसर तुम्हें पसंद आ रहा होता है, नादिया उमदा से पहले बोल उठी। जिस पर उमदा की हंसी छूटी वहीं साइमा ने बुरा सा मुंह बनाया, देख लेना जब तुम उसे देखोगी ना तो देखती ही रह जाओगी, साइमन सबको चैलेंजिंग अंदाज में कहती उठ खड़ी हुई। बाकी सब लड़कियों ने सवाली नजरियों से देखा। चल महविश यार, केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है, वो 10 मिनट पहले ही उठ खड़ी हुई तो महविश को भी साथ मिलाया जो खुशी खुशी उठी थी। सबने गोया घूर कर उन्हें देखा था। तुम लोग आ रहे हो कि नहीं, साइमा ने आवाज़ बुलंद कहा तो सबको चारों नचार उठना ही पड़ा। चलो देखते हैं इनका नया क्रश, उमदा बैग उठाती हुई बोली थी। घंटों से थोड़ा ऊपर घुटनों ऊपर आती शॉर्ट फ्रॉक के नीचे ब्लू जीन्स और गले में स्टॉलर लिए वो बालों की पोनी टेल बनाए चुंगम चबा रही थी। अंदाज हमेशा की तरह लापरवाह सा, उनके कदम क्लास की जानिब उठे। क्लास में जाते ही कई लड़कियों ने उसे देखा लेकिन वो मगरूर लड़की सकून से अपनी सीट पर जा बैठी। 10 मिनट बाद वो पैंट के साथ ग्रे हाई नेक और ऊपर कोट पहने रजिस्टर हाथ में थामे क्लास में दाखिल हुआ था। कई लड़कियों ने दिल थामे उस यूनानी देवता को देखा जो उन सब से बेखबर था। उन सब में उमदा हाथ मुस्तफ़ा भी थी जिसकी नज़रों से देखने के बाद अब पलटने का नाम नहीं ले रही थी, जिसे दोबारा कभी देखने का मौका ना मिलेगा। उमदा बुक तो खोल लो, पास बैठी महविश ने कोहनी मार को उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ छोड़ा तो वो चौंक गई, बबल चबाते बुक खोल कर सामने रखी लेकिन उसकी नज़रें अब भी उसे ही तक रही थी। मिस 31 रोल कॉल ले रहा था, कई बार भी बोलने पर जब जवाब न मिला तो कदरे गुस्से में बोला, मिस उमदा हाद मुस्तफ़ा के क्लास में है, वो इर्द गिर्द देखता बोला। सबकी नज़रें उमदा पर गईं जबकि महविश ने उमदा को एक बार फिर हिलाकर उसे ख्याली दुनिया से बाहर निकाला था। जी 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 प्रोफेसर, वो हाथ खड़ा करते ज़रा हिचकिचा कर बोली, तो क्या आपको अपना रोल नंबर नहीं पता, आपकी तवज्जो क्लास में नहीं है तो आप क्लास से बाहर जा सकती हैं, उसे देखते हुए हल्की खुफगी से बोला जिस पर उमदा लब भींच कर रह गई। ओके एज़ यू विश,
सदा की जिद्दी लड़की को कहां पूरी क्लास के सामने अपनी इंसल्ट गवारा थी, जल्दी से बैग उठाया और क्लास से बाहर निकल गई, जबकि पीछे से प्रोफेसर असीम अकबल ने खान ने नफी में सर हिलाया और वापस क्लास की जाने मुतवज्जा हुए थे। वेयर आर यू गोइंग इब्राहिम, जेक ने जल्दी से पैकिंग करते हुए देखा तो परेशानी से पूछा। वो इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद थे, बरसों की उनकी यूनि ख़त्म हुई थी, जबकि इब्राहिम का इरादा वहाँ मज़ीद रहकर इंजॉय करने का था, लेकिन अपने डैड की फ़ोन कॉल पर उसे जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुँचना था। पाकिस्तान, वो अंग्रेज़ी लबो लहजे में बोलता, बिल्कुल अंग्रेज़ मालूम हुआ था, और कुछ नए नक्श भी ऐसे थे जो उसने अपनी माँ से चुराए थे। जब उसके डैड यहाँ आए तो इधर ही सूजन इब्राहिम की वालदा पर अपना दिल हार बैठे और उन्हें उन्हीं से शादी कर ली थी। कुछ अरसे पहले ही उनकी डेथ हुई थी। इब्राहिम इस फेज से मुश्किल से निकला था, वो यहाँ रहकर पढ़ना चाहता था जबकि उसके डैड वापस चले गए थे। बट वाई यू सेड डैट यू शुड स्टे हेयर फॉर अ फ्यू मोर मंथ एंड देन यू शुड लीव, बट वाई सू सून, जेक काफ़ी परेशान हुआ था। यूनि में वो बेस्ट फ्रेंड्स थे और अब उसको यूँ चले जाना अकेले उसे ज़रा हजम नहीं हो रहा था। हाँ मुझे पता है बड़ी, पर डैड की कॉल आई थी, कुछ ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा। अगर तो चाहे तो जा सकता है मेरे साथ। इब्राहिम शाहनवाज चौधरी अपने बैग में मुख्तलिफ चीज़ें रखता सुकून से बोला। उसके चेहरे पर कहीं भी परेशानी नहीं थी और हो भी नहीं सकती थी, वो कभी किसी चीज़ को सर पर सवार नहीं करता था। साथ साथ उसने जैक को आने की दावत भी दी थी, जिसकी चेहरे पर अब खुशी थी। उसके साथ रहते जैक थोड़ी बहुत उर्दू जान चुका था। हाँ हाँ शुक्र, जैक अपनी नोट टूटी फूटी उर्दू में बोला तो इब्राहिम की हंसी छुट गई। यू मीन शुक्रिया, इब्राहिम की तोसी करता बोला था और फिर बैग पैक किए जैक को साथ लेकर एयरपोर्ट के लिए निकला। जानता था जैक काफ़ी उदास होगा, इसलिए उसकी टिकट भी करवा चुका था कि अगर वो जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन उसके कपड़े रखने का वक्त नहीं था, सो पाकिस्तान से ही उसे कुछ खरीद कर देना था। राजन बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? अनुषी को भी अब माँ की ज़रूरत है, और यहीं आकर राजन का सब्र टूटा था। उसकी आंखें रज्जई की वजह से सुर्ख थी, उसके इर्द गिर्द पड़ने वाले सिया हल्के वाजे थे, चेहरा सुर्ख और निढाल था, जबकि जबड़े बिछे हुए थे, और उस वक्त वो सफ़ेद मल गिजे से कुर्ते शलवार में था। मैं खुद अनुषे का ख्याल रख सकता हूँ डैड, वो अपनी 4 साल की बेटी को देखना मोहब्बत से बोला, जबकि अपनी बीवी की डेथ पर वो जैसे टूट ही गया था। कितनी मोहब्बत थी उसे समझ से, जिस सब के खिलाफ जाकर उससे शादी की थी, और अब यूं ही उदास रहता था। सुबह से शाम पुलिस स्टेशन में गुजारता और फिर अपनी बेटी के पास, हंसना तो जैसे भूल ही गया था, जबकि जिसकी वजह से ये सब हुआ वो भी कहाँ चैन में थी, बेकसूर होते हुए भी खुद को कसूरवार समझ रही थी, क्योंकि राजन मीर ने ये फैसला सुनाया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि हानम जाई को जान से मार दे, लेकिन वो खामोश था। ऐसा कैसे चलेगा? बच्चों की जानिब देखकर अनुषे कितने सवाल पूछेगी, बेहतर यही है कि तुम शादी कर लो ताकि अनुषे को एक मार तुम्हें एक साथी मिल सके, दादा जी ने अटल लहजे में कहा। उसकी हालत उनसे भी कहाँ देखी जा रही थी। ठीक है दादा, अनुषे को माँ मिल जाएगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो भी लड़की आएगी मैं हरगिज़ उसे बीवी के तौर पे कबूल नहीं करूँगा, और ना ही उसे बीवी होने का मकाम कोई हक मिलेगा मुझसे, ना कोई मकाम ना इज्जत। वो सख्त तासुरात समेत उनकी बात पर घुटने टेकता अपनी बात सामने रख गया, क्या पता वो लोग उसे फोर्स ना करे, जबकि उनके चेहरे पर सुकून छा गया था। ठीक है बरखुरदार और सकीना बच्चे, तुम हानम को तैयार करो और उस तक खबर पहुंचाओ कि कल उसका निकाह है राजन मीर के साथ, दादाजी ने अटल लहजे में कहा। तो हानम का नाम सुनकर वहाँ बैठे तमाम अफराद को जैसे सांप सूंघ गया, और यही हाल इंशरा का भी था जो कब से उसका ख्वाब में थी कि अब राजन इसका होगा। व्हाट द दादा जी, मैं इस लड़की से हर की शादी नहीं करूँगा। राजन का लहजा तल्ख से तल्ख सर हुआ था, जबकि बाकी सब ने पहलू बदला। बरखुरदार, हम नहीं चाहते कि बाहर से आए बच्ची की तुम ज़िंदगी बर्बाद करो, कि तुम इस बीवी होने का हक दर्जा नहीं दोगे, इससे बेहतर है कि ये बात घर में रहे। वैसे भी तुम्हारे मुताबिक तुम हानम को पसंद नहीं करते, तो यही बेहतर है कि तुम अपनी बात पर कायम रहो, या तो तुम हानम से निकाह कर लो, या फिर जो भी लड़की इस घर में दुल्हन बनकर आएगी उसे तुम पूरे इख्तियार दोगे, फैसला तुम्हारे हाथ में है।
दादाजी ने सबको देखते अपना फैसला सुनाया। सबकी नजरें राजन की जानिब उठी थी, उसे न जाने किस कश्मकश में डाल दिया था। दादों ने न वो किसी लड़की को पूरे इख्तियार दे सकता था और न हानम से शादी कर सकता था, लेकिन उस एक फैसला तो ज़रूर करना था। इंशिरा ने बेकरार से उसे देखा था। ठीक है, मुझे मंजूर है, मिनेका कर लूँगा हानम जई से। वो उसका पूरा नाम लेता लफ्ज़ चबा चबा कर संजीदा चेहरे समेत बोला। सबके चेहरे पर खुशी दौड़ गई, वहीं इंशिरा जैसे पत्थर की होकर रह गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो अभी अभी अपने ऑफिस से निकला था। इरादा क्लाइंट से मिलने जाने का था, लेकिन उसे वहाँ अकेला देख वो फिक्रमंदी सा हुआ। वो स्टॉप पर खड़ी थी। शुक्र तुम आ गए, वो बग़ैर जवाब दिए अपनी कहती जल्दी से गाड़ी में बैठी। डैश बोर्ड से पानी की बोतल उठाकर दो घूंट भरे। वो बिना पलके झपकाए उसे देखता रहा जब तक कि वो उसकी जाने मुतवज्जा नहीं हो गई। दरअसल मैं अपनी फ्रेंड की तरफ गई थी और रास्ते में कार ख़राब हो गई। अब ड्राइवर कार ठीक करवाने गया है तो सोचा मैं बस से आ जाऊं, पर शुक्र तुम आ गए, वो रिसानियत से बोलती। जिस पर रियान ने मुस्कुरा कर उसे देखा। ओके चलो, तुम्हें एक गुड न्यूज़ भी देनी है, बगैर उसे बोलने का मौका दिए वो फिर से बोले तो वो हल्का सा हंस दिया। उम्रा इस 4 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी इन दोनों में काफ़ी दोस्ती थी। लेकिन जयान के लिए वो दोस्ती अब दोस्ती नहीं रही थी और उसके लिए अपने दिल में जज्बात रखता था। दोनों घर पहुँचे। घर खूबसूरत और कुशादा था, जिसके दो पोर्शन थे। उम्रा गाड़ी से फ़ौरन उतरी और उसे खुदाफिस बोल कर चली गई। वहीं जयान भी क्लाइंट से मिलने का फैसला मुलतवी करता घर में दाखिल हुआ, जहाँ सबके चेहरे उतरे हुए थे। उसने शदीद परेशानी से आबरू झुका कर उम्रा की जानिब देखा, जो डैड के साथ ही बैठी थी। वो भाई ये मिठाई आई है, ताई अम्मी देकर गई हैं, उम्दा ठहरे हुए लहजे में बोली। उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अपनी पूरी बात बता दे, तभी दरमियान में छोड़ दी। हूँ, अच्छी बात है, मिठाई है, खा लो, इसमें ऐसी बताने वाली या परेशान होने वाली क्या बात है। वो लॉयर था, जानता था कोई ख़ास वजह हो सकती है, लेकिन खुद को ही दिल को तसल्ली देता वो बात हवा में उड़ा गया था। बरखुरदार उम्रा का रिश्ता तय हुआ है, उसकी मिठाई है, मुस्तफ़ा साहब बेलचक लहजे में बोले। तो ये था विमरा का सरप्राइज, जो वो गाड़ी में बोल चुकी थी। उसका दिल क्या वो सब कुछ तहस नहस कर दे और उसकी दिल की दुनिया उजाड़ने को सरप्राइज बोल रही थी। बगैर मुस्तफ़ा साहब की सुने आंधी तूफान बना, वो दूसरे पोर्शन में गया और फिर नॉक किए बगैर सीधा उसके कमरे में जा घुसा। गिरे आंखें गुस्से की वजह से लाल थी, वहीं माथे की रखी फूली हुई थी। ये सब क्या है? जियान दरवाज़ा नॉक करते हैं। उम्रा जो कि शीशे के सामने खड़ी थी उसे देखती तीखी लहजे में बोली। कहीं ना कहीं वो जानती थी कि जयान उसे पसंद करता है। व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन उम्रा, ये मिठाई ये सब क्या है? तुम शादी कर रही हो किसी और से? वो मजीद उसकी जानिब कदम बढ़ाता हुआ बोला। गुस्सा था कि मानो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाँ कर रही हूँ, सब करते हैं, तो वो खुद को नाल रखते हुए बोली। हाथों में अब लोशन लगाने लगी थी। सब करते होंगे, बट तुम्हारी शादी मुझसे होगी, बिकॉज आई लव यू उम्रा। क्या तुम्हें एक बार भी पता नहीं चला? ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे दिल की कोई यूँ कुचल नहीं सकती, वो शिद्दत के आलम में बोला। उम्रा की आँखें हैरत से फैली। वो कभी सोच नहीं सकती थी कि वो यूँ इस कदर बेबाकी से अपनी बात कहेगा। उसका चेहरा गुस्से से सूख हुआ था। एक दो बार वो पहले भी उस मुद्दे पर आया था, लेकिन उम्रा ने उसे रिसानियत से मना कर दिया था। तब वो उम्रा को लगा था कि वो समझ चुका है, जबकि उसके अंदर मौजूद मोहब्बत उन इश्क की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। चटाख गुस्से की शिद्दत से होते सूस चेहरे समेत उसने अपने छोटे रेयान हाथ मुस्तफ़ा को थप्पड़ जड़ दिया। मैं कितनी बार तुमसे बकवास कर चुकी हूँ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, कम से कम तुम अपनी और मेरी उम्र तो देखो, वो गुस्से में बोली थी। गुस्से की शिद्दत की वजह से उसकी आवाज़ कांप उठी थी, जबकि रेयान के लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त थे। उम्रा आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझसे बड़ी हो, मैं तुमसे इश्क करता हूँ और मुझे तुम किसी भी कीमत पर चाहिए हो। तिजनिकी के आलम में अपने से 4 साल बड़ी अपनी कज़न को देखता बोला, जिस पर उम्रा ने नेम का दिल किया इस डेट इंसान को किसी जानवर के आगे फेंक दे, पर मुझे फ़र्क पड़ता है, मैंने हमेशा तुम्हें अपना छोटे भा। उसके अल्फाज मुँह में ही रह गए जब वो करजदार आवाज़ में बोला था, जस्ट शट अप उम्रा, अपनी मेरी मोहब्बत की तोहिन कर रही हैं, मैं आपका भाई नहीं हूँ, समझिए आप, और ये आप जितनी जल्दी समझ लें आपके लिए बेहतर है, वो ऊँची आवाज़ में सख लहजे समेत बोला। कि उसकी बेबाक बातों पर उम्रा का दिल कांप कर रह गया।
चाहे जैसी मर्जी आपको मैं अपना करूं कर रहूंगा अपनी शिद्दत या अपने पागलपन से। वो अपनी ग्रे आंखों में जुनून समेटते बोला तो बुमराह ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। उसकी आंखों में नफरत महसूस करते ज़ियान ने सख्ती से मुट्ठियाँ भींची और वहाँ से चला गया, जबकि वो पीछे पत्थर की होकर रह गई थी। वो कुछ समझना नहीं चाहती थी, वो जानती थी उसकी बात पर ज़ियान को कुछ नहीं बोला जाएगा, सब उसी को सुनाएंगे, लेकिन वो एक ढीठ इंसान था जिसे किसी की परवाह नहीं थी। दुल्हन बनी वो अपनी ज़िंदगी के इस अचानक मोड़ पर गुमसुम थी। वो मना नहीं कर पाई कि सकीना बेगम के साथ दादाजी आए थे। वो मना करने का हक भी कैसे रखती, वो तो खुद को गुनाहगार समझती थी कि शायद इस तरह की अज़ियत मिले और उसके सर से इस कत्ल का धब्बा हट जाए। रेड कलर के दुल्हन के जोड़े में बालों के लटे चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो हर तरह से तैयार थी, रेड लिपस्टिक से सजे होंठ और उसकी चमकीली ब्राउन आँखें उदासी और रोने की वजह से हल्की सी सुर्ख हो रही थी। उसका सुखोवार सराफा किसी को भी इम्तिहान में डाल सकता था। वो जब चाहे चुपचाप बैठी थी, किसी सोच में गर्क थी, जब मौलवी साहब के साथ उसके बड़े कमरे में दाखिल हुए। मौलवी साहब ने निकाह परवाना शुरू किया, वो उसकी मर्जी के मुंतजी थे जो न जाने कहाँ खोई हुई थी। अपने कंधे पर पड़ने वाले अपनी माँ के हाथ के दबाव ने उसे होश की इस जालिम दुनिया में लापटखा और उस लब जब से पेवस करते साबत में हिला दिया। 3 दफ़ा पूछने से अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हों में वो दास थी। निका नामे पर साइन किया था जैसे अपनी अजियत के परवाने पर साइन कर दिया हो। वो रोई नहीं थी, रो रो कर शायद आँखों की झीलें खुश्क हो चुकी थी। निका से थोड़ी देर बाद ही राजन मीर के कमरे में पहुँचा दिया था और अब उसका दिल सूखे पत्ते की मानन कांपने जा रहा था। दिल का बस ना चलता वरना पसलियाँ तोड़ बाहर निकल आता, लेकिन वो हिम्मत करती बैठी रही थी। कुछ देर में आने वाले के पैरों की धमक ने दिल की रफ्तार मजीद इजाफा किया था। वो मकरूर अंदाज में चलता 2 कदम आगे आया और कमरे के वस्त में खड़ा हो गया। वो उसे कई लम्हे तके गया, गुस्से से शरीर नफरत के एहसास से या फिर भड़ास से वो देख ना सकी। उसे सुनने को बेताब थी, हालांकि जानती थी कि वो क्या कहना चाहता होगा और उसका अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है, हमेशा रहेगी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी थी, खासकर तुमसे तो हरगिज़ नहीं, जो इन सब हालात की वजह है। वो शादी की पहली ही रात नई नवेली दुल्हन से बनी हानम जई को देखता सख्ती से मुठ्ठियाँ बनाता 2 टोक लहजे में बोला। वो आहिस्ता से बेड से उठी, घूंघट ऊपर किया और चलती हुई उसके ऐन सामने खड़ी हो गई। उसकी इतनी जुर्रत पर राजन का दिल अश अश कर उठा। सेम हेयर, मुझे भी शादी नहीं करनी थी, खासकर एक बच्चे के बाप से तो हरगिज़ नहीं, लेकिन मैंने की है ना, सो आप मुझ पर रोक तो झाड़ियो हिम्मत। वो बगैर किसी खौफ के बोली तो राजन मीन ने अपनी शोला पर आंखों से उसे देखा। दिल चाहा अभी उसकी चलती जबान को ब्रेक लगा दे, लेकिन वो खामोश रहा, जबकि वो अंदर से मानो टूट ही गई थी। पहले ही इतने इल्ज़ाम उस पर कुछ देर पहले बने शोर ने भी सेहत तक ज़्यादा लेजे में धुतकार दिया था। मैं खुद क्या समझती हूँ, हाँ मुझे 2 टेक की लड़की हो तुम, काश के तुम मेरी पहली बीवी मेरी मोहब्बत की बहन ना आती तो भी तुम्हारा हशर बिगाड़ देता। वो दुरुस्तगी से उसका बाजू दबोचता हुआ बोला। एक पल को सहम गई, लेकिन खुद को उसके सामने मजबूत रखना था। इतना ही शौक था अपनी बीवी का तो उसके साथ आप भी मर जाते, यहाँ क्यों हैं और मुझसे शादी क्यों कीमत करते। वो आंसू समेत बोली तो कोशिश के बावजूद आंसू बह निकले। अपनी बहन के लिए इतने तलख अल्फाज हर किस नहीं बोलना चाहती थी। हाँ सही कहा तुमने, लेकिन मैं जिंदा हूँ ताकि मेरी इज्जत ज़िंदगी गुजारने वालों की ज़िंदगी अजाब कर सकूँ, और तुमसे स्टार्ट लिया है। नाउ फील द चेंज डियर वाइफ, वो उस पर कारदार नज़र डालता हुआ बोला और एक झटके से उसके बाजू को छोड़ा, जैसे वो कोई अछूत हो। जबकि हानम का चेहरा सूख पड़ा, वो बगैर कुछ कहे मुड़ी थी जब उसका दुपट्टा उसके सर से निकल कर ज़मीन बोस हुआ। सख्ती से उसका चेहरा शर्म की वजह से रुक हुआ, जबकि राजन ने एक नज़र उसके सरापे को देखा। पिछला गला गहरा होने की वजह से उसकी गर्दन वाजे हो रही थी। राजन ने फौरन नज़रें घुमाई थी जबकि वो गुस्से से मुड़ी, कई पिन उसके सर में चुभी थी, लेकिन उसकी सारी गलत फहमियाँ खाक हुई थी जब से अपना दुपट्टा टेबल पर अटक कर ज़मीन पर पड़ा नजर आया। वो शर्म और हिचकिचाहट से वहीं खड़ी रही जब वो धाड़ की आवाज़ में बोलता उस पर लर्जा तारी कर गया, दफा हो जाऊँ यहाँ से।
उसके होशुबा सराफे को देखता और नज़र चुराते हुए बोला, उस तोहिन पर अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए बाहर जाने को पलटी और जाकर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। राजन ड्रेसिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर तक वो ट्राउजर पहने बाहर निकला, शर्ट लेस उसका कसरत ही जिसमें वाजे हो रहा था, और रात को ऐसे ही कंफर्ट में सो जाता था। और एक नापसंदीदा हस्ती की वजह से वो अपनी रूटीन चेंज करे उसे हरगिज गवारा नहीं था। वो सादे से शलवार कमीज में ड्रेसिंग रूम से बाहर निगाहें चुराती वो बेड पर जाने लगी, जब उसकी खड़क आवाज़ उसके कदमों में जंजीर बन गई। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है मिस खानम, हानम जई। वो सुख आंखों आंखें लिए पलटा था। हानम ने चौंक कर उसे देखा, लेकिन उसे शर्टलेस देख कर वो फौरन नजरें चुरा गई। उसके सामने बाहिम्मत ही रहना चाहती थी। हानम कुछ कहे सोफी की जानी पड़ी, तुम्हें ये खुशफहमी क्यों है कि तुम्हारी जगह इस कमरे की किसी भी कोने में हो सकती है। वो रही तुम्हारी जगह, वो जालिम बना सिगरेट के कश ले उसके सामने लेता बाहर बलकनी की जानिब इशारा करते बोला तो हानम की आंखें फैल गई थीं। उसने अचानक सितमगर को मुड़कर देखा जो तंदेह नज़रों से उसे देख रहा था। सख्ती से लबों को एक दूसरे में पेवस करते वो बालकनी की जानिब बढ़ गई। माहौल में हल्की सी खनकी थी, जबकि उसके सब की परवाह किए बगैर उसने बालकनी का दरवाज़ा लगाया। मज़े से कंफर्ट में जाकर आंखें मूंद ली थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। बाहर बालकनी में लगे झूले पर वो गहरी सांस भरती टांगे लपेटती लेट गई। ऊपर अपनी शालिनी न जाने उसकी ज़िंदगी पहली रात से और कितनी ज़्यादा तल्ख होने वाली थी। अगर लिफ्ट अब ना खुली तो मैं यहीं मर जाऊंगी, वो अपनी पेशानी पर उंगली रखती बोली थी। घबराहट से उसके माथे पर पसीने कतरे नमदार हुए थे, चेहरा सूखे लिए हुए था, जबकि वो पुरसकून सा सीने पर बाजू बांधे वहीं खड़ा था। एक नज़र उठाकर उसे भी देख लेता था। उफ, इसे भी अभी इस हालत में आना था, वो अपनी चप्पल उतार कर हाथ में पकड़ती बोली थी जो टूटने की हालत में थी। मिर्जा ने चौंक कर उसे देखा जो अजीब तरीके से लिफ्ट में बैठी चप्पल हाथ में पकड़े हुए थी। ये क्या कर रही हो तुम, और नॉर्मल लहजे में उसे देखते हैरानी से बोला था। उसने शायद कभी ऐसी हरकत करते को अपने सामने देख पाया होगा। नज़र नहीं आ रहा कि तुम्हें चप्पल सही कर रही हूँ, अपनी अगर बाहर निकल कर टूट गई तो। वो हाथों से ही चप्पल को ठीक करने की कोशिश करती बोली थी, जिस पर वो एड़ियों के बल नीचे बैठता अब दिलचस्पी से उसकी सारी कार्रवाई देखने लगा था। तुम तो नहीं ले लो, ये तो वैसे भी काफ़ी पुरानी लग रही हैं, अपनी रोबदार आवाज़ में बोलते वो नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में बोला था। गोया उसकी ये हरकत उसे ज़रा बराबर पसंद नहीं आई थी। जमील ने चौंक कर उसे अन्ना के पुतले को देखा था। लाओ तो पैसे, वो अपनी आंखें छोटी करती उसके सामने हाथ करती तड़क कर बोली थी कि हैरान सा हो गया था वो। पहली बार कोई उससे यूं गुफ्तगू कर रहा था। किस खुशी में मोहतरमा, उसके हाथ को बेजारी से देखता वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था, जिसे जमील ने नखवत से हाथ पीछे किया। अगर पैसे नहीं देने तो मशवरा भी मत दो, जमील वहीद मुफ्त में कुछ नहीं लेती, चाहे मशवरा ही क्यों ना हो। अगर पैसे दोगे तो मशवरा भी दे सकते हो, वो अलग बक जूती सही कर चुकी थी तभी नखवत से बोली थी। उसका मगरूर सा अंदाज जमील को एक आग नहीं भाया था, तभी लगे हाथों को अपने अंदाज में लताड़ चुकी थी। आर यू मैड, आई गिव यू एन एडवाइस एंड आई विल पे फॉर इट टू हु हेयर यू हेयर, वो चौंक कर बोला तो उसकी मुंतक मिर्जा की समझ से बाहर थी। वो हैरान हुआ था, साथ ही उसे लिफ्ट इतनी देर अटके रहने से उकता चुका था। यस यू हेयर राइट, वो उतरा कर बोली थी, जिसे मिर्जा आंखें छोटी करते इस आफत को देखा और नफी में सर हिलाया था। और मुझे यहाँ मिर्जा हाशिम सुल्तान ने रखा है, समझे, तो मेरे साथ ज़्यादा शोबाजी मत करें आप, वो अकड़ कर किसी मलका की तरह बोली थी, जिससे एक पल को मिर्जा के लब मुस्कुराहट में डाले, लेकिन वह उसे छुपा गया था। सर बस 5 मिनट लिफ्ट ओपन होने वाली है, बाहर से आती आवाज़ पर वो संजीदगी से लिफ्ट के दरवाजे को देखने लगा था। ठीक 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और बाहर निकल आया। जमील नीचे से अपनी चीज़ें उठाने लगी थी, लिफ्ट में प्रॉब्लम थी तो पहले चेक क्यों नहीं किया गया, उसे मुझे ख़राब चीज़ें हरगिज पसंद नहीं और ना ही गैर जिम्मेदार लोग। अब तमाम लोगों को फायर किया जाता है, गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर, वो सख्त लहजे में बिछे जिबड़े समेत बोला था।
उसके असाब यकदम तने थे, जबकि हाथ में फाइल पकड़े जमील ने उसको रोप झाड़ते देख कर हैरत सब पर नज़र डाली थी। वेयर इज मिस्टर रजा, वो सब पर तायराना नजरें घुमाता हुआ बोला था। तभी एक 32-33 साल मर्द फुल सूट में वहाँ फौरन हाजिर हुआ था। जमील को तो मानो जिसे साफ ही सूंघ गया था, आंखें वे यकीन से मुतहिर हुई थीं। इन सब का हिसाब बराबर करो, नया स्टाफ रखें इस काम के लिए। वो अगर आगे बढ़ता चला गया था, पीछे बाकी लोग सर झुकाए खड़े थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसे कुछ बोलने की। उसकी भारी बूटों की आवाज़ के साथ जमील को अपना दिल भी अजीब तरीके से धड़कता महसूस हुआ था। काश वो जो सोच रही थी वो गलत होता। एक्सक्यूज मी, ये जो अभी गए हैं वो कौन थे? जमील हिचकिचाहट समेत बोली थी, आवाज़ हल्की सी कांप उठी थी। सर मिर्ज़ा हाशिम सुल्तान, यहाँ के बॉस, एक लड़की ने अफसोस से बताया। जमील को लगा अभी कि अभी वो सांस ना ले पाएगी। अगले गले में गिल्टी भरी उभरी कर मद्दूम हुई तो अपनी कई सारी बातें उसके जहन के पर्दे पर घूम गई थीं। उफ़ जमल वही, तुम किसी काम की नहीं। वो अफसोस से सर हिलाते अब मातम कना से आगे बढ़ने लगी थी। इधर उधर देखते उसने ऑफिस मुलाहिजा किया जो वाकई शानदार था। वो काफ़ी मुतासिर हुई थी। मैं सेक्रेटरी हूँ यहाँ के बॉस की, मेरा केबिन कहाँ है? वो एक लड़की को मुखातिब करती सादा लहजे में बोली थी, वरना अंदर से तो डर रही थी कि उसके इस बार भी वो निकाली ना जाए। इस तरफ वो रहा, लड़की ने केबिन की तरफ इशारा किया था। जमील के कदम जाने बड़े, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी लेकिन वो पल में गायब हुई थी। जब शीशे के ग्लास से बना वो केबिन बिल्कुल उसके खड़ूस के ऑफिस के सामने था। दरमियान में बस शीशे की दीवार थी। जमील का सांस रुका था, वो डरी सहमी खुद को नॉर्मल रखती अंदर गई थी। तभी वहाँ रखे फोन पर कॉल आई तो मस्जिद चौकी आस्ते से फोन कान को लगाया था। मिस जमील सर के केबिन में आए, आगे से बस इतना बोलकर कॉल ड्रॉप हो गई। उसने शीशे के पार देखा जहाँ वही इंसान खड़ा था जो कुछ देर पहले दरवाजे को मिर्ज़ा को ब्रीफ कर रहा था। वो गहरे सांस भरती उंगलियाँ चटकाती ऑफिस की जानब बढ़ी। मैं आई कमीन, आहिस्ता आवाज़ में पूछा गया कि रजत साहब ने बामुश्किल सुना था। अब इस बात में सर हिलाया था। वो सकून से अंदर दाखिल हुई और खामोशी से खड़ी हो गई। सर ये आपकी पीए हैं, रजा साहब उसे देखते बोले, जो हाथ में पकड़ी फाइल को देखता बगैर उसकी जानब देखे इस बात में सर हिला गया था। मिर्ज़ा सर उठाकर देखा, सबसे पहली नज़र उसकी जमील की जूती पर गई थी। अचानक से सब याद आ गया। जमील तो मन ही मन में अब वृत करना शुरू कर चुकी थी, उसकी हालत से महसूस हुआ था। मिस्टर रजा उन्हें मॉल लेकर जाए और सबसे पहले उनका जूता तब्दील करवाया है। मैं नहीं चाहता हमारी अहम मीटिंग पर अपने जूते का रीज़न देती लेट हो जाए, वो तंजिया अंदाज में बोला था। जिस पर कुछ ना समझते हुए रजा साहब ने जमील का जूता देखा, जो हैरत से अपनी इंसल्ट पर अपने जूते पीछे करने को लगी थी जिस पर वो छुप जाएंगे। यू मे लीव नाउ, उसे तहजीक से देखते वो आंखें घुमाकर बोला था, जिस पर जमील लब घिंच कर रह गई थी। चले मिस जमील, रजा साहब ने बाहर की जानब इशारा किया तो वो उसे घूरती बाहर की जानब चल दी थी। जूते तब्दील करवाए मुँह बिगाड़ती वो उसकी नकल उतारती आगे की जानब चल रही थी। तभी उसे देखते रजा साहब हंस दिए थे, जिसे देखती वो महफूज सी हुई, फिर सर झटक कर आगे की जानब चल पड़ी थी। फ्रेश होकर वो बाहर निकला था, एक नज़र शीशे के पार झूले पर डाली जहाँ से वो पाँव लपेटे सो रही थी। बाजू सख्ती से एक दूसरे के गिर लिपटे हुए थे, जिसे साफ में मालूम था कि उसे शदीद सर्दी लग रही है, लेकिन वो बेहिस जालिम बना यूं ही खुद को तैयारी मुकम्मल करने लगा था। अपने ऊपर एक नज़र डालकर वो शीशा हटाता बाहर गया था। एक पल को उसे देखता वो ठिठक कर रह गया था। सफ़ेद शफाफ चेहरे पर, जिस पर बालों की लटें बिखरी हुई थीं, अपने ऊपर शाल के लिए वो नींद की वादियों में गुम थी। शाल आधी उसके ऊपर आधी नीचे गिरी हुई थी। उसका नाजुक सा सरापा वाजे था। वो अपना सर झटकता उसे उठाने लगा था। उठो हानम, वो सर से आवाज़ में बोला था, जज्बात से आरी ले जाए, जैसे उसकी इस हालत पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जिसके होंठ अब बिल हल्के नीले पड़े हुए थे और वो सर्दी से ठर कर रह गई थी। मोहतरमा हनम दही उठ जाए, वो हिचकिचाहट समय राजिन ने उसके बाजू पर अपना हाथ रखते हुए हिलाने की कोशिश की। उसके ठंडे वजूद को छूते राजिन को अपनी उंगलियों से सनसनाहट सी महसूस हुई थी। जब उसको सुकून से सोता देखा, उसके अंदर जैसे किसी ने आग लगा दी थी। कितना पसंद था यह झूला समन को। राजिन का ध्यान फौरन उसकी तरफ लपका, कई सलगती यादें दिमाग पर हावी होती, हाल को तबाह करने को तैयार थी।
फौरन अंदर गया था। जग से पानी गिलास में उंडेला और बाहर आकर बेहिसी का भरपूर मुजाहरा करते उस नाजुक अंदाम लड़की पर पानी फेंक चुका था। वो बौखलाकर उठी, जैसे सारी दुनिया उसके आगे घूमकर रह गई थी। सर्दी से उससे अपने दांत बचते महसूस हुए थे। उसने हैरान नजरें उठाकर राजन के हाथ में मौजूद गिलास को देखा। पल में वो गुस्सा उसके दिमाग पर हावी हुआ था। तभी वो उसकी जानिब देखती तड़क कर बोली, ये क्या बदतमीजी है। अपने ऊपर उठने वाले अचानक ठंडे पानी ने जैसे उसे होश घुमा दिए थे। सर्दी में बाहर सोने से उससे पहले ही ठंड महसूस हो रही थी। ऊपर से उसने जेहिस ने अपना सितम दिखाते उस पर ठंडा पानी डाल दिया था। ऐसे बदतमीजी नहीं उठाना कहते हैं। तुम यहाँ महारानी बनाकर नहीं लाई गई, नाश्ता बनाओ मेरे लिए, लेट हो रहा हूँ मैं। गुस्से से झूले के दाएं बाएं हाथ रखता उसकी काली सुरु आंखों में देखता हल्की आवाज में गुर्राया, मिस्टर राजिन मेरे अगर महारानी नहीं हूँ तो नौकरानी भी नहीं हूँ आपकी। तीखे लहजे में उसे खुद के करीब पाते वो जरा पीछे खिसकती हिचकिचा कर बोली थी। उसकी बात पर राजिन ने सर से आंखों समेत उसे देखा। जस्ट शट अप, अब नाश्ता तो तुम्हारे अच्छे भी बनाएंगे। अगर नाश्ता नहीं बनाया तो चलो आज मैं क्यों ना ऑफ लेकर अपनी नई नवेली बीवी के साथ वक्त गुजारूँ। वो यूं ही झूले पर झुका तंजिया अंदाज में बोला था। पुलिस की यूनिफॉर्म पहने वो खासा हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसका गुस्सा आनम को जहर से भी बुरा लगा था। उसकी मायने खैर बात पर वो सुर्ख होकर रह गई थी। पीछे हटने जा रही हूँ, उसके बाद ऊपर हाथ रखते हुए उसे पीछे हटाते हुए गुस्से से बोली थी। आखिरकार जिस इंसान के सामने उसे हथियार डालने ही पड़े थे। गुड फॉर यू, पीछे हटता वो अपना कॉलर ठीक करता उसे साइड स्माइल पास करता वहाँ से चला गया। जबकि हानम ने अपनी गीली शाल को देखा और फौरन से पहले उसे गुस्से दूर किया था। वो बड़बड़ाती फ्रेश होने गई थी। 15 मिनट बाद वो नीचे गई। किचन में कदम रखते ही उसने अपना वहाँ सकीना बेगम को देखा, लेकिन अपनी माँ को देखने के बाद भी वो लब बीच कर रह गई थी। बोलती भी क्या और कैसे, बैठो नाश्ता बनाती हूँ, वो मोहब्बत से बोली थी। वो जानती थी उनकी बेटी का कोई कसूर नहीं, लेकिन फिर भी वो निकाह को नहीं रोक सकती थी। जानती थी कि उसमें हानम की खुशी नहीं, लेकिन वो क्या कर सकती थी। अब मैं किसी की बीवी भी हूँ मम्मा, अब नाश्ता वगैरह तो खुद बनाना आ जाना चाहिए मुझे, वो तल्ख लहजे में फ्रीजर की जानी बढ़ती हुई बोली। इसका लहजा तल्ख था जिस पर सकीना बेगम चुप सात कर रह गई थी। थोड़ी देर तक वो जैसे तैसे नाश्ता बना चुकी थी। थोड़ी लाडली होने की वजह से उसे कम ही किचन में आने दिया जाता था। अब राजन जो उसके सब कुछ बनवा लेना चाहता था। राजन कहाँ है ताईजान, मैना बेगम को बुलाती हुई हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली। तुम्हें उसके लहजे में एक चिड़चिड़ाहट थी जो वो महसूस कर चुकी थी। वो तो चला गया, ताईजान ने नॉर्मल अंदाज में उसके सिर पर बम्प फोड़ा था। कितना बेइज्जत था वो इंसान। आनम का चेहरा गुस्से से सूख हुआ था। क्या हुआ बेटा, टेबल पर नाश्ता लगा दे, ताईजान ने उसके तपे तपे रूप को देखते इस्तफसार किया था जिस पर वो लब बीज गई थी। राजिन ने उठाया था कि नाश्ता बना दो, वैसे ही चला गया। अपने ऊपर पड़ने वाले पानी को याद करते वो आंखें बंद करती आँख की नमी पीछे धकेलती बोली थी। जिस पर ताईजान ने अफसोस से सर हिलाया कि ना उसने आनम को परेशान करने के लिए सब किया होगा। वो बगैर कुछ कहे वहाँ से अपने कमरे में चली गई थी। वो इंसान हमेशा उसे दुख देता था, कभी चैन से रहने नहीं दिया। उस नफरत होने लगी थी राजन मीर से। वो लोग जैसे ही पाकिस्तान पहुँचे जैक के सवाल शुरू हो चुके थे। जैसे कभी चिढ़कर तो कभी हंसकर वो जवाब दे देता था। हवेली पहुँचते उसने अपना बैग मुलाजिम को दिया और अंदर की जानब बढ़ गया था। जैसे ही कदम अंदर रखे उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। गम से निडाल चेहरों ने उसे गोया गम की नवी सुनाई थी। वो हैरत तो परेशानी से आगे बढ़ा था। क्या हुआ, उसकी हल्की सी आवाज़ पर सबने मुड़कर उसे देखा। ताईजान को उसकी जानब बढ़ी थी, उसकी हालत बिखरी हुई थी। क्या हुआ ताई, ये सब क्या है और आप रो क्यों रही हैं, वो किसी अनहोने के एहसास से धीमे लहजे में बोला था। अलबत्ता उनके चेहरा देख वो घबरा चुका था। इब्राहिम पुत्र, यूसुफ ने तेरे बड़े भाई को मार दिया है, वो छोड़कर चला गया मुझे, लड़खड़ाते लहजे में वो रोते हुए अपना गम हल्का करने को उससे बोली थी। लेकिन उस पर तो गोया चौधरी हाउस की छत आन गिरी थी। वो कई लम्हे वहीं सुनसा होकर रह गया था। हाँ बेटा ये सच है, उन्होंने तेरे भाई को मार दिया अमर को उन्होंने, मैं उनके बेटे को छोड़ूंगा नहीं। ताईजान की आंखों में खून सवार था, उनकी आंखें सुर्खी लिए हुए थीं जबकि इब्राहिम के जबड़े बिछे हुए थे। उनका कज़न उनका भाई था जिसकी अब मौत की खबर उसे सुनाई जा रही थी। रोने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ खून का बदला खून है, वो बदला देंगे हमें, शाहनवाज चौधरी तने साहब के साथ बोला था। जबकि बुध बने खड़ा था, कुछ कुछ उर्दू समझ आने की वजह से वो थोड़ा बहुत
समझ पाया था। कल पंचायत फैसला करेगी और फैसला हमारे हक में ही होगा। सब तैयार हो, अगर फैसला हक में ना हुआ तो हम खुद अपना हिसाब ले लेंगे। शाहनवाज चौधरी गुस्से की वजह से बोले तो इब्राहिम को समझ नहीं आई थी। डैड रिलैक्स, कल बात होगी, जैक थक चुका है। वो पीछे जबड़े और सुर्ख आंखों मुलाजिम की जानिब इशारा करता बोला, तो जैक को कमरे में ले गया था। जैक वो खुद बाहर निकल चुका था। सब ने हैरानी से उसे जाते देखा था। वो कितना पुरसकून था। बाहर से इतना ही तूफान वो अपने सीने में दबाए बैठा था। अपने खास आदमी को खुलवाकर उसने सारी हकीकत जानी थी, जिससे पता चला था कि उस घर की बेटी से मोहब्बत कर बैठा था। नाम क्या था लड़की का? वो सिगरेट के कश लेता गहरी आवाज में सर लहजे में समेत बोला था, आयशा नाम था उसका, साईं कल उसका निकाह करवा दिया है। मुलाजिम मुअद्दब लहजे में बोला था। इस पर उसने सर्द सी नजरें उठाकर मुलाजिम को देखा। साइंस की उसकी छोटी बहन मुबरा यूसुफ। मुलाजिम फौरन उसकी नज़रों का मतलब समझ कर बोला था। उसकी आंखों में छुपी जनूनियत से उस पर खौफदारी हुआ था। वो घेरा कश भरता फकत इतना ही बोल पाया था। धुओं के मरगूले उसके इर्द गिर्द फैल रहे थे, जबकि वो इसे नजरअंदाज किए सोचों में गुम हो चुका था। हु डिड दिस, आई एम आस्किंग यू, हु डिड दिस। डाइस पर पड़ी फूलों की पत्तियों को देखता वो गुस्से से बोला था, जहाँ गुलाब के फूलों से लव यू प्रोफेसर लिखा हुआ था। ये सब देख वो हैरान हुआ था। उसे हर किस तवक्को नहीं थी कोई ऐसा भी कुछ कर देगा। क्या हुआ सर, हमें कोई बोलता नहीं और आप चीख रहे हैं? असद बालों में हाथ फेरता मजाक उड़ाते लहजे में बोला था। उसकी बात पर असीम ने फुफार नजरों से उसे घूरा था। सारी क्लास वहीं से मौजूद थी, जबकि उमजा ने आंखें घुमाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं बताएंगे तो आप जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। अभी के अभी सारी क्लास को पनिशमेंट मिल सकती है, और सोचिएगा मत कि मैं यूँ ही इसे जाने दूंगा, वो करक्त आवाज़ में बोला। सबने परेशानी से एक दूसरे की जानिब देखा था। सर वो ये रोहा ने किया है, महविश की आवाज़ गूंजी थी। सुकून से खड़ी रोहा का सुकून जैसे गारित हुआ था। उसने घूर कर महविश को देखा, जबकि बाकी सारी क्लास अब रोहा की जानिब देख रही थी। वॉट इज़ दिस मिस रोहा गिलानी, क्या आपको ज़रा बराबर तमीज़ नहीं है कि अपने प्रोफेसर से कैसे डील करते हैं? उसके चेहरे पर सुर्खी घुलने लगी थी। वो गुस्सा जब्त करता आहिस्ता आवाज़ में बोला, प्रोफेसर वो बस मजाक था। अपनी चोरी पकड़े जाने पर वो इधर उधर देखती शर्मिंदगी से बोली, जबकि असीम को गोया झटका लगा था। जबकि उमजा के लब मुस्कुराहट में ढले थे, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। वो सुकून से रजिस्टर वहाँ रखता फूल नीचे फेंकता रोहा की जानब देखता बोला था, जिस पर रोहा ने एक घूरी से महविश को नवाजा जो कंधे छुपा कर थी। अपना बैग लेती वो क्लास से बाहर निकल गई थी, जबकि अब उनका रुख क्लास की जानब था। क्लास ख़त्म होते ही वो वहाँ से चले गए थे। कुछ तो बात है बंदे में, उमदा बबल चबाती बोली तो महविश की आँख चमकी थी। हाँ ना, कैसे बोल रही थी मजाक के, जबकि पहले केमिस्ट्री उसे पसंद नहीं थी, अब अचानक आ गई पसंद। कैसी नकचिड़ी सी है वो, सीमा रूहा के बारे में बोलती मुस्कुरा गई थी। जिस पर महविश ने अपनी अस्पताल में सर हिलाया, तभी वहाँ रूहा चली आई थी। तुमने अच्छा नहीं किया मिस महविश, रूहा झोंसे की इज्जत से बोली थी। पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट हुई थी। अब आहिस्ता से सबको पता लगने लगा था मैं बुरा ही करती हूँ सबके साथ। महविश की बात पर उमदा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। प्रोफेसर को तो मैं पा कर ही रहूँगी, तब आंसू देखने वाले होंगे तुम्हारे, वो तड़प कर बोली थी। साइमा का शक दुरुस्त साबित हुआ था। वहीं उमदा ने चौंक कर उसे देखा, महविश के बोलने से पहले ही वो बोली थी, प्रोफेसर असीम अकबर मुझसे मोहब्बत करते हैं और तुम उसे कैसे पा सकती हो अपनी एक्सप्लेनेशन। उमजा वहाँ से दूर जाते असीम को देखती बोली थी, न जाने वो मगरूर लड़का किसी को देखता गवारा क्यों नहीं करता था। व्हाट द हेल, ऐसा नहीं है आई नो, वो किसी को देखे भी ना, और कहाँ तुम रोक, उससे की वजह से लफ्ज चबा चबा कर बोली थी। अपने हाथों से अपने पसंदीदा इंसान को निकलता देख वो अंदर से सुलग उठी थी। ऐसा है तो आई विल प्रूफ इट, उसे देखती वो चैलेंजिंग अंदाज में बोलती वहाँ से आगे बढ़ गई, जबकि बाकी सबको कुछ समझ नहीं आया। वहाँ यूं ही उनजा को देखने लगी थी। क्या दिमाग ख़राब है तुम्हारा, कौन सा प्यार, नादिया आंखें छोटी करती उसे घूर कर बोली, जिस पर वो कंधे झुका कर बेफिक्र हुई थी। नहीं है पर हो सकता है, वैसे भी उनजा को वो पसंद आने लगे हैं, जो चीज़ उनजा चाहती है फिर उसे कैसे देख भी नहीं सकता, वो अटल लहजे में बोली थी। उसके लहजे में कुछ तो था कि बाकी सब हैरान हुई थी। वुमरा उमजा ऊंची आवाज़ में बुखलाई से उनकी पोशन की जानब गई थी। क्या हुआ बेटा, तो
ताहिजान ने उसे रोकते हुए पूछा, जिसका सांस फूला हुआ था जबकि चेहरे पर परेशानी वाजे थी। ताहिजान, गुमराह कहाँ है, प्लीज़ जल्दी बताएं, वो लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। आखिर में उसका लहजा रुन सा गया था। पर बेटा हुआ क्या है, ताहिजान ने फिक्रमंदी से पूछा। क्या हुआ हमजा, अंदर से आंखों के गिर हल्के और सुर्ख चेहरा लिए वो बाहर निकली थी। गुमराह मेरे साथ चलो प्लीज़, हमजा ने सख्ती से उसका हाथ थामा और अपने साथ खींचते हुए अपने पोर्शन में ले आई थी, जबकि वो बगैर कुछ समझे उसके साथ चल रही थी। सफ़िया बेगम भी पीछे पीछे चली आई थी। वो लोग हाल में पहुंचे थे जब मुस्तफ़ा साहब को चेहरे पर हाथ रख के परेशानी के आलम में देखा। क्या हुआ चाचू, लब कुचलते किसी अनहोनी के एहसास से उसने अंदर से झंझोड़ दिया था। कल बोले गए उसके सख्त अल्फाज उमरा के कानों में गूंजे थे। बेटा वो ये देखो, मुस्तफ़ा साहब इंतहाई परेशानी में शर्मिंदगी से बोले तो ममरा ने उनके हाथ में पकड़े मोबाइल पर नज़र डाली जहाँ वीडियो कॉल ऑन थी। जियान ये क्या कर रहे हो तुम, वो ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा था जिस पर उमरा का दिल दहल कर रह गया था जबकि वो मज़े से वहाँ खड़ा था। उमरा फाइनली तुम आ ही गई, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए, मुझसे शादी करोगी कि नहीं, हाँ या ना, उसका आस भरे अंदाज में जिद्दी लहजे में बोला तो उमरा का दिमाग माफ हुआ था। वो हैरानी से सबको देख रही थी। बेटा ये सब क्या है, ताईजान ने अपने लाडले भतीजे को देखा तो मानो वो खुद भी डर गई थी। ताईजान इसे बोले कि मुझसे शादी कर ले, मैं इसे खुश रखूंगा, ये आखिर क्यों नहीं मानती, जयान जिद्दी लहजे समय तेज के आलम में बोला था जबकि उमरा की आँख हैरत से फैली थी। यकीन नहीं था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। ओके जयान वापस आ जाओ, मुझे मंजूर है, जयान के कदम मजीद आगे बढ़ते देख वो बोल उठी थी। उसे अपने अल्फाज किसी गहरी खाई से आते सुनाई दिए थे। जयान की आंखों की चमक उसे जहर से भी बुरी लगी थी जबकि अब कॉल ड्रॉप हो चुकी थी। उमरा का दिल किया वो यहाँ से कहीं दूर चली जाए जहाँ कम अज कम वो सरफिरा इंसान उसे ढूंढ तक ना पाए। आधे घंटे के बाद वो रश ड्राइव करता घर पहुँचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था, आखिरकार वो उसे पाने वाला था जिसकी उसने चाह की थी। खुशी उसके चेहरे पर वाजे नजर आ रही थी। बुमरा उसे पुकारते अंदर से मानो उसका दिल झूम रहा था जबकि घर वाले परेशानी से खड़े थे। वेयर इज बुमरा, बुमरा को वहाँ न पाकर वो हैरत से बोला था। पल में सारी खुशी झाकी मानन बैठ गई थी। वो चली गया नंदा ने कहाँ, बताकर नहीं गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आखिर जब बच्ची बोल रही थी कि शादी नहीं करनी तो ये क्या है बेहूदा हरकत थी तुम्हारी, उस पर घर की छत जैसे आन गिरी थी। उसने बेयकीनी लिए सब की जानिब देखा, आंखों में जैसे खून उतरा था, मुट्ठियां बीचे वो जब्त की कटन मराइल को छू रहा था। उसे यकीन था कि उमरा ऐसा भी कर जाएगी, वो तो सोचे बैठा था कि वो डर चुकी होगी लेकिन वो तो उसे छोड़कर ही चली गई थी। उसे लगता है वो मुझसे बच सकती है, छुप सकती है, मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा डैड, वो मेरी सासों के लिए ज़रूरी है, उसने मेरे इश्क को जुनून की हवा दी है, सफाकियत चेहरे पर सजाए किसी पागल की तरह बोला था। होठों को आपस में पेवस्त किए वो बाहर की जानिब चला गया। जयान जयान रुक जाओ, मुस्तफ़ा साहब पीछे से आवाज़ें देते रह गए लेकिन उसके कहे जुमलों ने दरवाजे के पार खड़ी हस्ती पर जैसे लर्जा तारी कर दिया था। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था, उससे अगर उसे मालूम हुआ कि वो घर पर है तो न जाने वो क्या करेगा उसके साथ। फैसले का वक्त हो चुका था, सारी चायत बैठी हुई थी, एक तरफ यूसुफ चौधरी के कुछ लोग बैठे थे तो दूसरी तरफ शाहनवाज चौधरी अपनी पूरी शान से बैठा था। सबके चेहरे पर खास परेशानी थी, आधा गांव जमा था, आखिर अब किसकी शामत आने वाली है। अगर कोई सुकून में था तो इब्राहिम था जो कभी किसी चीज़ की सर पर सवार नहीं होने देता था, इसीलिए अभी भी खुश खामोशी से सारी कार्रवाई सुन रहा था। उन्होंने हमारा बेटा मारा है, या तो हमें हमारा बदला दें या फिर अपनी बेटी को इस घर की कनीज कर दें, इब्राहिम के ताया गुस्से से फनकारते हुए बोले थे। उनकी बात पर यूसुफ चौधरी ने घूर कर उन्हें देखा। देखे पंच साहब, गलती इसकी थी, हमारी बेटी पर नज़र रखी थी उसने, यूसुफ चौधरी तेज के आलम में बोला था। सब खामोश सारा सब कुछ सुन रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि तुम अब उसे मार दो, पहले उसे खबरदार करते, अगर वो ना मानता तो पंचायत फैसला करती, तुमने जानबूझकर दुश्मनी निकालने के लिए मारा मेरे बेटे को, शम्स चौधरी इब्राहिम के ताया फिर से उसे देखते गुस्से में बोले थे। दोनों खानदानों का मौजू पंचायत अच्छे से सुन रही थी, वो भी शम्स चौधरी की बात से मुत्तफिक नजर आती थी। यूसुफ चौधरी, शम्स चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए था, अब या तो तुम अपना बेटा उनके हवाले करो या फिर दूसरा फैसला, तुम अच्छे से जानते हो। पंचायत के फैसले पर वहाँ मौजूद तमाम लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था।
यूसुफ चौधरी ने पहलू बदला वो किसी कीमत पर भी हाशाम को उनके हवाले नहीं करते, जो अभी बाहर उसे मुल्क पढ़ने से मसरूफ था, जैसे उस बात का इल्म ही नहीं था कि अपना बेटा हरगिज़ नहीं दूंगा, यूसुफ चौधरी ज़ेरखंद लहजे में बोले थे, जिस पर गांव के वालों को अब अंदाज़ा हो चुका था अगला अमल क्या हो सकता है। तो फिर ठीक है, इस घर का बेटा यूसुफ चौधरी की बेटी से निकाह कर ले और यही आखिरी फैसला है। पंचायत के आवाज़ पर इब्राहिम पर जैसे सातों आसमान आ गिरे हों, उसने भी यकीनी से अपने बाबा की जानिब देखा था। वो इस फैसले पर हरगिज़ राज़ी नहीं था। इस घर के बेटे से मुराद वो खुद था, ये वो जानता था। उसके माथे पर सिलवटें आई थीं, वो कुछ कहने के लिए लब खुलता कि इससे पहले ही शाहनवाज चौधरी ने उनके हाथ पर हाथ रखकर उसे दबाकर खामोश रहने को कहा। हमें मंजूर है चौधरी यूसुफ समेत शम्स चौधरी की बात रक्त आवाज़ गूंजी थी, जिस पर शम्स चौधरी के चेहरे पर जरखंद मुस्कुराहट थी तो वहीं यूसुफ चौधरी सब्र के घूंट पी रहे थे। फैसले के मुताबिक शाम को ही निकल था। थोड़ी देर में सब अपने अपने घर रवाना हो चुके थे। इब्राहिम ने घर आते ही पूरी हवेली सर पर उठाई हुई थी। पहली बार उसने खुद को इतना बेचैन पाया था। वो लड़की आने से पहले ही उसे का सुकून गारत कर चुकी थी। पीछे हुए लब और सुर्ख ली हुई आंखें, वो दीवार पर किसी गैर मई रुकते पर नज़र टिकाए खड़ा था। वो तैयार नहीं हुआ था। उसकी माँ रज़िया बेगम ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन गुस्से में था, सोच समझने से कासिर था। हवेली में शाहनवाज चौधरी के होते उसकी एक नहीं चली थी। फैसला हो चुका था, उसे ये निकाह किसी भी कीमत पर करना पड़ रहा था। उतर कपड़े पहन ले कर ले निकाह, फिर चाहे तो दूसरा ब्याह जिससे करना चाहे कर लेना, मैं खुद करवाऊंगा, मेरी बात मान। उसकी सीधी तबीयत से वो अच्छे से वाकिफ थे, इसीलिए उसे पुचकारते हुए बोले थे, जबकि इब्राहिम की आंखों में गुस्सा था। वो वाइट कुर्ता शलवार हाथ में पकड़े ड्रेसिंग रूम में बंद हुआ था। शाहनवाज चौधरी ने सुकून का सांस लिया। थोड़ी देर में वो दुश्मनों के घर बैठे थे, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी और यही हाल मुमरा मुमरा था, जो इस अचानक और बेबुनियाद फैसले पर तड़प कर रह गई थी। लाख मना करने और मरने की धमकियों पर भी उसकी नहीं सुनी गई थी। आंखों से बार बार आंसू जारी हो रहे थे। वो अपनी किस्मत पर रोए जा रही थी, जबकि उसके बाबा ने उसके मोबाइल ले लिया था। अगर वो खशाम कॉल कर देती तो हरगिज़ ये ना होता, क्योंकि खशाम यूसुफ चौधरी कभी भी अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं आने देता था। थोड़ी देर बाद उसके सामने निकाह के पेपर थे। उसने बेदर्दी से अपनी मौत पर जैसे दस्तखत करके अपनी तमाम जुमला हकूक एक अनजान शख्स को सौंप दिए थे। न जाने वो कैसा इंसान था। रुखसती के वक्त भी फिर वो किसी से नहीं मिली थी। उसकी माँ ने उसे गला लगाने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें शिकवा करना नज़रों से देखती वहाँ खड़ी गाड़ी में बैठ चुकी थी। किसी चीज़ का होश नहीं था, सर नीचे किए वो बस रो रही थी। जबकि इब्राहिम चौधरी एक नापसंदीदा हस्ती को अपनी ज़िंदगी में शामिल होता देख अंदर जा चुका था। कोई उसकी आमद पर दरवाजे पर नहीं आया था सिवाय रज़िया बेगम के। उन्होंने ही उसे इब्राहिम के कमरे में भेजा और ये भी समझाया था कि वो जिद्दी तबीयत का है और गुस्सा का तेज है, जिस पर वो सब्र का घूट भर कर रह गई थी। वैसे ही सुबह से उसे न जाने क्या क्या करना था। वो कमरे में आया था, उसे देखा जो घूंघट ऊपर किए ही बैठी थी। सुनो, उसे दिलचस्पी से देखता वो सुकून से बोला था, उसे हरगिज़ नहीं तवक्को नहीं थी वो अचानक उसकी ज़िंदगी में कोई आ जाएगा, जबकि उमरा का दिल अंदर से कांप उठा था। उसकी बात पर वो वैसे ही जमी रही थी और उसकी यही हरकत इब्राहिम का दिमाग घुमा गई थी। तुमसे ही बात कर रहा हूँ, वो वापसी से बोला था, लेकिन दूसरी जानिब से कोई जवाब ना आया था। गुस्से से उसकी नीली आंखों में सुर्खी फैलने लगी थी, चेहरे पर सफाक के दर आई थी। उसकी तीसरी आवाज़ में उमरा ने सर उठाकर देखा तो आंखों में कोई तासुर नहीं था, जबकि चेहरे पर उदासी छाई थी। इब्राहिम चलता हुआ सोफे पर जा बैठा था, जब वो खड़ी होती उसके मुकाबिल सामने आई थी। बैठो, उसके सजे सवरे रूप को देखता दुष्ट आवाज़ में बोला, लेकिन वो अपनी जगह जमी रही। मेरे सामने तुम्हें इतराने की ज़रूरत नहीं है, आई से सिट डाउन। वो सोफे पर बैठते हुए खार नज़रों से उसे देखता घुराकर बोला तो वो सहम कर दो कदम पीछे हुई थी। क्या तुम मेरे अल्फाज समझ नहीं पा रही, नीचे बैठो। वो वापस से अपनी बात दोहरा गया, चेहरा सपाट तासुर दे रहा था, जिस पर मुमरा का दिल लरस कर रह गया था। बेसाख्ता सजी संवरी दुल्हन के रूप में अपने तमाम अशर सामानियों समेत वो नीचे बैठ गई थी, बिल्कुल उसके कदमों के पास। तुम यहाँ एक नापसंदीदा शख्सियत के तौर पर मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुई हो,
जैसे डैड ने ज़बरदस्ती मेरे सर पर मुसल्लत किया है, वानी करके सो तुम्हारी औकात यहीं तक है। वो इंग्लैंड से पढ़ा लिखा लड़का जिसके बाल हल्के भूरे रंग के थे, सफ़ेद चेहरे पर वो पूरा अंग्रेज़ मालूम होता था, अलबत्ता आंखें नीली थीं जिनमें अफसरदपन वाजिया। वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था। उमरा ने अपनी इतनी तजलील पर उसकी बेहसी इंसान को देखा जो मज़े से तमस्कर उड़ाते चेहरे समेत उसे ही तक रहा था। उमरा का चेहरे पल में सुर्ख हुआ, दिल किया कि वो सब तहस नहस कर दे, इस इंसान का खूबसूरत चेहरा नोच डाले। लेकिन सद अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो विनी में आई थी, उसका कोई हैसियत नहीं थी। वो खड़ी हुई और जाने लगी तो कमरे में बाहर जब उसके गुस्से से भरी आवाज़ उभरी, यू डैम इट, तुम्हें किसने बोला है यहाँ से बाहर जाओ। वो एक ही जस्ट में आंधी तूफान बना उस तक पहुँचा, उसका बाजू झटका दिया कि मुमरा करा कर रह गई। बाजू छोड़े मेरा, वो दर्द की शिद्दत में अटकते लहजे में आंसू से तरस समेत बोली कि उसके सिवा सोगवार हुस्न को देख एक पल को इब्राहिम शाहनवाज के दिल को कुछ हुआ था। नहीं छोड़ू तो वो सफाकत से अपने गिरफ्त को मजीद सख्तर करता हुआ बोला था कि मुमरा को एक दर्द की लहर सी उठती महसूस हुई थी। अब आप और कर भी कह सकते हैं, मत छोड़े बल्कि ऐसा करें, नोट डालें, मुझे खौफ की वजह से उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसके मुंह से निकले अल्फाज पर हैरत से इब्राहिम ने उसे देखा। इन घटिया लफ्ज़ों का मतलब क्या है मिसेस मुमरा इब्राहिम चौधरी, वो दुष्टगी से उसका चेहरा दबोचता हुआ बोला था। छोड़ें, उनके ले अटके लहजे में उसके वजूद से उठती कलों खुशबू उससे अपने रत्नों में गुस्ती महसूस हुई थी। मेरी मर्जी के बगैर तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता, उसके चेहरे को छोड़ते हुए हल्का सा उसकी जानब झुक कर बोला, जबकि उसकी कुर्बत पर अपनी सांस रोक गई थी। गो एंड चेंज योर क्लोथ, फासला कायम करता हुआ उस पर एक नज़र डालता बोला। तो मुमरा वहाँ से एक ऐसे गायब हुई थी जैसे वहाँ भागने से ज़्यादा उसे कोई ज़रूरी काम ही नहीं था, जबकि पीछे वह हाथों में सर गिरा कर सोफे पर जा बैठा था। थोड़ी देर में वो आम से काटन के सूट में सर पर दुपट्टा जमाए बाहर निकली थी। इब्राहिम ने एक नज़र उसके देखा, वो बगैर किसी बनाव सिंगार के भी बलक ही हसीन थी, ख़ासकर उसके नाक में मौजूद गोल तार जो दूर से ही अट्रैक्टिव नज़र आती थी। मुझे नींद आ रही है, उसे से नज़र चुराती हूँ मुसलसल से खुद पर नरमी नज़रों से खायफ होती बामुश्किल बोल पाई थी, जिस पर उसने आईब्रो उचकाई। हाँ तो सो जाओ, मैं तुम्हें कोई लोरी तो गाकर सुलाने से रहा, वो लहजा तीखा करता तंदिया आवाज में बोला था, जिस पर मुमरा ने बेख्तियार सर उठाकर उसे देखा। उसकी नीली आंखों में सर्दपन था। मुमरा ने जल्दी से नज़रें फेरी थी और वो बगैर कुछ बोले बेड की जानिब चली गई और तकरीबन बेड के एक साइड कोने पर एक जगह जम कर लेट चुकी थी। ज़िद्दी और गुस्से की तेज के अलावा खूस भी है ये शख्स, दिल में सोचा गया जुमला। वो साथ ही आँखें घुमाई उसे बोल कर वो अपनी शामिल हरगिज नहीं लाना चाहती थी। जो फ्रेश होकर सादे से टी शर्ट ट्राउज़र में बेड पर आकर लेट गया था। मुमरा ने बेख्तियार सांस रोकी थी, दांतों तले लब दबा लिए, सो जाओ वरना मर जाओगी जैसे उसे था। उस लड़की क्या करने वाली थी, मुमरा ने हैरत से गहरा सांस लिया था, बेख्तियार ही उससे खौफ महसूस हुआ, झट से आंखें बंद की थी। कितनी गलियां कितनी सड़कों की धूल छान ली उसने, लेकिन मुमरा का कोई पता नहीं चला था, चलता भी कैसे, वो तो उसके अपने घर में दुबकी बैठी थी। उसका कोई हाल नहीं था, सूता हुआ चेहरा, सुर्ख आँखें, बिखरे बाल, मुसलसल दो रातों से ऐसे भारी ढूंढ रहा था। हल्की बड़ी हुई बियर्ड, वो जैसे इस दुनिया में सबसे अकेला और तन्हा इंसान था जिसे अब किसी चीज़ का होश नहीं था। दो दिन से कुछ भी नहीं खाया था। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो मुतमईन सर मुस्तफ़ा साहब उसकी हालत देख परेशान हो गए। ताई जान का भी हाल उससे मुख्तलिफ नहीं था। ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने, ज़ियान, उसके सामने आते ही वो उसे रोकने की कोशिश में बोले जो बगैर किसी आवाज़ की सुने आगे बढ़ रहा था। इधर कमरे में जाती आवाज़ों के दरमियान उसका नाम सुनते उसने ओट में से झांका। उसकी हालत देख वो हैरत से में पड़ गई, कैसी उजड़ी हालत थी उसकी, उसने फौरन झुरझुरी सी ली थी। ज़ियान ने एक नज़र अपने बाप को देखा, फिर खामोशी से नज़रें झुका ली। अगर आगे बढ़ने लगा जब फिर से उन्होंने रोका, खाना खा लो, हालत देखो अपनी, बस बेवकूफियां करते रहना तुम, उसे खाने की मेज की जानिब इशारा करते हुए तेज़ आवाज़ में बोले थे। मुझे कुछ नहीं खाना डैड, क्या पता मैं इस तरह भूख से ही मर जाऊं, इस तरह मुझे तकलीफ़ नहीं होगी डैड,
वो मुरझाए हुए चेहरे समेत संजीदा आवाज में बोला कि मुस्तफ़ा साहब तड़प कर रह गए। उम्र की आंखों में भी नमी उतरी थी। उसने कभी उसे इस हालत में नहीं देखा था। उसे जयान पर शेर भूसता भी आ रहा था जब ऊपर अपने कमरे में चला गया था। चाचू अब खाना दे, मैं देकर आती हूँ, वो उनकी जानिब इशारा करती बोली, जो टेबल पर दोनों हाथ रखे हुए गुमसुम से बैठे थे। पर बेटा, वो बात अधूरी छोड़ गए थे। उमरा ने ट्रे में खाना सजाया और उन्हें तसल्ली देती ऊपर चली गई। दरवाजे की नए पर हाथ रखा तो खुलता चला गया। धड़कने तेज हुई तो कदम मन मन के हो चुके थे। आंसुओं को पीछे धकेलती वो हिम्मत से काम ले रही थी। कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। साइड पर हाथ मारते उसने लाइट ऑन की और बेड पर ऊंधे मुंह लेटे हुए देखने की जिम्मत तक नहीं की। बेबस इतने हैं तेरे इश्क में, तरस से जाते हैं गुफ्तगू के लिए। उसकी आवाज़ पर उमरा को अपना दिल कानों में धड़कता महसूस हुआ। उसने बेयकीनी से सामने लेटे इस इंसान को देखा। वो कैसे जान गया था कि उमरा ही है? उसके लफ्ज़ों में जैसे बरसों की तड़प थी। उमरा का वजूद हौले से लर्जा था। उसने कांपते हाथों से ट्रे साइड टेबल पे रखी। जियान खाना खा लो प्लीज़, वो से इल्तिजा करती बोली थी, जिसे अब आंखें खोले सीधा हुआ था। एक हाथ सर के नीचे रखा था, चेहरे पर एक जख्मी सी मुस्कुराहट थी। वो बगैर पलक झपकाए बस नज़रों से उसके चेहरे को जैसे हिफ्स कर लेना चाहता था। नहीं, खाना ले जाओ, वो खुश्क लहजे में बोला था, जिस पर उमरा ने तड़प कर उसे देखा। वो बहुत जालिम था। प्लीज़ ज़ियान, एक आंसू उसकी आँख से गिरा था। उमरा को सब में अपना ही कसूर नज़र आ रहा था। उमरा, ले जाओ खाना, मुझे नहीं खाना, जाओ यहाँ से। ज़ियान के लिए जब सख्त हुआ साथ इसने नज़रें फेर ली। देखो, जो कहोगे मैं करूँगी, निकाह भी करूँगी, प्लीज़ अब खाना खा लो। उसकी मोहब्बत के आगे घुटने टेकते उसने जब से कहा था, यही वो जानती थी। ज़ियान ने आंखों में चमक लिए फौरन उसकी जानिब देखा। उसके चेहरे पर पल में खुशी आई थी, लेकिन वो सर झुकाए खड़ी थी। ठीक है, पहले हमारा निकाह होगा, फिर मैं खाना खा लूँगा। और ये मत समझना उमरा कि तुम मुझसे बाद में खुलक का कोई सीन क्रिएट कर लोगी, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। इसलिए ये हक भी अब भी से मैं तुमसे छीनने जाएगा। सफाकत से बोलता खुद से दूर जाने के वो सारे रास्ते बंद कर देना चाहता था। उमरा ने उसे इस बारे में सोचा भी नहीं था। उसकी सोच पर उसे हैरत हुई थी। ओके, वो यक लफ्जी कहती खामोश हुई है तो वही जानती थी कि कितनी मुश्किल से होंगी। उसे दिल में ज़ियान के लिए जो नरम गोशा था ख़त्म हो चुका था। उसे बस जबान ज़ियान से जिद सी हो गई थी। वो जल्दी से बेड से उठा, कमरे से गया, घर से भी बाहर निकल गया। उसकी इतनी फरारफ्तारी पर मुस्तफ़ा साहब उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सुनी कर गया था। ठीक है, पहले हमारा निकल होगा, फिर मैं खाना खा लूँगा। और ये मत समझना उमरा कि तुम मुझसे बाद में खुला का कोई सीन क्रिएट कर लोगी। वो जल्दी से बेड से उठा, कमरे से क्या घर से भी बाहर निकल गया। उसकी इतनी बड़ी रफ्तार पर मुस्तफ़ा साहब ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सुनी कदर। थोड़ी देर में उनके साथ एक काजी और एक लॉयर मौजूद था। मुस्तफ़ा साहब ने ना समझी से उसे देखा। डैड, आपके बेटे का निकाह हो रहा है, खुश हो जाएं, आपकी बात मान रहा हूँ मैं। उनके लहजे में कोई खुशी नहीं थी, जबकि मुस्तफ़ा साहब और उमदा ने बेयकीन ही खड़े थे। वो अंदर पैंट कोट पहना, परफ्यूम लगाया, बाल सेट किया, जाजिब नज़र लग रहा था। कहीं से भी वो 20 मिनट पहले वाला ज़ियान नहीं लग रहा था, जबकि वो उन्हीं कपड़ों में बैठी थी। थोड़ी देर में निकाह शुरू हुआ था। उसके हर रूप में खुशी झलक रही थी, जबकि उमरा होंठ पीछे बैठी थी। फिर निकाह कबूल करते उसने पेपर साइन किया, और खुला वाला ऑप्शन को तो वो पहले ही उस पर बंद कर चुका था। वो मुकम्मल उदास उसके कमरे में मौजूद सोफे पर बैठी थी, और वो बेड पर बैठा उसे देख रहा था। अब सिर्फ उसकी थी, उसे ज़ियान से कोई नहीं छीन सकता था। वो आंखों में जज्बात सजाए उसे देखे जा रहा था, जो मुकम्मल पजल हो चुकी थी। ज़ियान, अब क्या तकलीफ़ है तुम्हें? गुस्से में उसे देखती हुई बोली थी। आंखों में किसी किस्म की खुशी थी। वो चलता हुआ उसे उस तक पहुंचा और बिल्कुल पास सोफे पर टिक गया था। अपना बाजू फैलाकर उसके कंधे पर रखा। उमरा उसकी सारी कार्रवाई देखती बेतरतीब होती धड़कनों के साथ उसे घूमने में मसरूफ थी। जो डीट बना बैठा था, उमरा ने उसके बाजू अपने कंधे से झकने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूतर हो गई कि उमरा को उसकी उंगलियां अपने कंधे में धंसती हुई महसूस हुई थी। ये क्या बदतमीजी है ज़ियान, छोड़ो मुझे, वो उससे खुद से दूर करते बोली थी। एक नए रिश्ते का एहसास उसे दिल में मौजूद था। अब उसके करीब जाना ही उसे अजीब सा लगता था। अभी तो मैंने कोई बदतमीजी नहीं की मिसिस, वो मिसिस पर जोर देता उसकी जानब झुक कर बोला था।
वो जो अब उसे खुद में बसा लेना चाहता था, लेकिन जानता था सब इतना आसान नहीं है। हल्के से उसे गुस्से से सुर्ख होते गालों को अपने लबों से छूकर उसे महसूस कर गया था। उसकी इस हरकत पर मोहरा साक्ष से होकर रह गई थी, लेकिन अगर बदतमीजी की इजाज़त देती हो तो मैं कर सकता हूँ, वो मायने कैदी से बोलता उसे सुर्ख कर गया था। उमरा ने हैरत से उसके बदले रूप को देखा, वो तो पल में ही बदल गया था। अब उसकी आंखों में जज्बों का एक समंदर अब आता। जियान प्लीज, वो अटकते लहजे में बोली। उससे अब शदीद नफरत महसूस हुई थी, आंखों में नमी सी दर आई थी। उसके इतना करीब बैठने पर ही वो अपना आप बेबस महसूस कर रही थी। उसकी चलती जबान की बेबाकी पर वो नजरें चुरा गई थी। वो खामोशी और शिद्दत से उसकी आंखों पर लब रख चुका था। उमरा ने सोफे पर सख्ती से हाथ जमा दिए थे, सांसें तेज तर हो चुकी थी जबकि वो उसकी हालत से महफूज हुआ था। ऐसे डरती रहोगी तो मुझसे मुकाबला कैसे करोगी, वो मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला। तो उमरा ने आंखें खोलकर उसे सख्तूरी के साथ उसे देखा था और फिर उसे अपनी पूरी ताकत लगाते उसका हाथ झटका, जिस पर वो अब लब भीग गया था, लेकिन कहा कुछ भी नहीं कि वो अब उसे अपनी आदत डालने की पूरी कोशिश कर लेना चाहता था। तुमसे तो मैं डरूं, छोटे हो तुम और मेरा साथ, ये घटिया हरकतें मत करो, उसे देख तड़क कर बोली थी। आंखों में शदीद गुस्सा भी आया था उसकी बात पर, वो जख्मी सा मुस्कुराया था, गिरे में आंखों में सटपन सा दौड़ गया था। और घटिया हरकतें कैसी होती मिसिस, उसकी बातों को तो अनसुनी करता उसके दाएं में हाथ रखता उसकी जानिब चेहरा करता बोला। जो उसकी तेवर देख अब पीछे को होती अपना सर सोफे के आखिरी कोने पर ले गई। जाओ चेंज करो, सोना है, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, सो जल्दी जाओ वरना मैं कोई भी घटिया हरकत फिर से कर सकता हूँ, उसके कान करीब झुका सरगोशी में बोला। उसकी गंभीर आवाज़ और कान में पड़ती उसकी सांसों की तपिश पर वह अंदर से घबरा चुकी थी, लेकिन उस पर जाहिर न करते उसने फौरन से पहले वहाँ से चले जाना मुनासिब समझा था। जयान ने उदासी भरी मुस्कुराहट से उसे जाते देखा था। वो जो अपनी मोहब्बत से उसके अपने करीब तक लेना चाहता था, वो लड़की से घटिया बोल रही थी और उसके लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हुए थे। अपने ऊपर भारी बोझ को महसूस करते उसकी आंख झट से खुली थी। छत को घूरते थोड़ी देर में उसका दिमाग बेदार हुआ था। उसने साइड पर देखा जहाँ उसका हाथ और एक टांग उस पर मौजूद थी। मुमरा ने बामुश्किल से उठाने की कोशिश नाकाम से कोशिश की थी, लेकिन वो उसका ज़रा बराबर भी ला नहीं पाई थी। किसी चक्की का आटा खाता है ये इंसान, रात को उसके सामने मुमरा की आवाज़ें निकल रही थी। और वो कुता कर बोली थी, उसे उलझन सी महसूस हो रही थी। वो सरनपी में हिला गई, मुश्किल से बाजू हटाए और टांग की बारी थी, लेकिन इब्राहिम बेध्यानी में उस पर बाजू रखता अब उसे खुद के करीब कर गया था। मुमरा उसके सीने में चुपा सी गई थी, उसने ज़ोर से आंखें मीची थी, दिल तेज़ी से धड़क उठा था जबकि वो बेखबर सोने में मसरूफ था। इब्राहिम साईं छोड़े मुझे, वो हमेशा उसे पकड़ने की इजाज़त कर जाता था। मुमरा बामुश्किल मुश्किल से बोली थी, लेकिन वो हिला तक नहीं था। छोड़े मुझे, मेरा दम घुट जाएगा, वो अब अपना चेहरा ऊपर करके उसके कान के पास ऊँची आवाज़ में बोली थी, जिस पर इब्राहिम हड़बड़ा कर उठा था। क्या मुसीबत है तुम्हें, 4 फीट 2 इंच, गुस्से से हुर्रा कर बोला था। उसे अपनी नींद हर चीज़ से ज़्यादा अजीज थी, उसकी छोटी हाइट पर चोट करता बोला। उसकी बात पर मुमरा का मुंह खुल गया, वो इतनी भी छोटी नहीं थी जितना इस इंसान ने बना दिया। रहा उसके हाथ मुमरा की कमर पर थे जिससे वो घबरा चुकी थी। आपने मुझे पकड़ा हुआ है, वो आहिस्ता आवाज़ में मिनमिनाई थी कि उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हुई थी, जिस पर उसकी पलकें रस कर रह गई थी। हाँ, तो वो बेध्यानी में बगैर उसके जुमले पर गौर करता बोला था, फिर अचानक इससे दूर हुआ और उठकर बैठ गया, गर्दन घुमाकर देखा, जो नज़रें नीचे किए सोच सही थी। लंबे बाल किसी आबशार की तरह तकिए पर पड़े थे। तुम मेरे करीब क्यों आई आखिर, अब वो अपनी सारी गलती उसके सर पर ढेल चुका था, जिस पर वो मुमरा का मानो मुंह ही खुल गया था। वो कब उसके करीब आई थी, मुमरा ने खुद से अपने जानिब खींचा था। मुझे इतना भी शौक नहीं करीब आने का, अपनी चलती जबान को खुद ही ब्रेक लगाए और दांतों तले लब दबाए थे। वो भूल गई थी कि इस वक्त वो इस कमरे में बैठी है, वो भी किसी खास की हैसियत से तो हरगिज़ नहीं। क्या मतलब है तुम्हारे इस बात से, हाँ बहुत जबान चला रही हो तुम,
वो उसकी जानिब फुहार नजरों से देखकर सख्त सी आवाज में उसका चेहरा दबोच के बोला कि उसके बदले देवर मुमरा की आंखों में खौफ फैल चुका था। उससे जान बचाती वो नजरें चुराती चली गई थी, अंदर ही अंदर थोड़ी खौफजदा भी हुई थी, जबकि उसके नीचे आता देख ताई जान का पारा हाई हुआ था। उन्होंने नखोत से चेहरुख मोड़ा था, हाल में कोई मौजूद नहीं था, हाँ सिवाय एक नौकरानी और ताई जान के। रजिया बेगम कमरे में मौजूद थी, वहीं इब्राहिम ऊपर फ्रेश हो रहा था। वो लब भींचे चलती हुई किचन की जानिब बढ़ी थी, जहाँ से बर्तनों की आवाज़ें आ रही थी। रुक जा महारानी साहिबा, ताई जान ने कारत ज़्यादा लहजे में कहा तो मुमरा को नौकरानी के सामने ढेरों शर्मिंदगी ने घेरा था, लेकिन खामोश रही थी, वो कर भी क्या सकती थी। आज के सबके लिए नाश्ता तू बनाएगी, ये मत समझना रया राज करेगी, अपना बदतर हाल करूँगी कि रहम की भीख तक नहीं मांग पाएगी। ताई जान उसकी जानब बढ़ती हुई बोली थी। मुमरा ने एक नज़र उन्हें देखा, चेहरा जद की वजह से सुर्ख हुआ था। ताई जान की आंखों में नफरत साफ नजर आ रही थी, उनकी आंखों से निकलते शोले जैसे मुमरा का वजूद जलाकर खाक कर देना चाहते थे। चल अब मुझे घूर क्या देखने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी अकड़ यहाँ नहीं चलेगी, वो उसके बाजू पर झटका देती उसे किचन की जानब हल्का सा धक्का देती हुई बोली कि मुमरा बेख्तियार उसकी आंखों में नमी आई थी, वो खुद को संभालती अंदर चली गई थी। नौकरानी ने उसे सारा काम बताया और ये भी कि किस किस ने क्या क्या खाना है। मुमरा इतना सब बनाने के खौफ से ही डर गई थी, इतना सब कब बनाया था उसने, फिर भी नौकरानी का भला जिसने उसका भरपूर साथ दिया था, और वो मशहूर थी उसकी कि अपने अंदर उठते उबाल को उसने कम करने की कोशिश भरपूर कोशिश की थी। 2 घंटे की कोशिश के बाद थक हार कर उसने नाश्ता बनाया और बर्तन लगाने लगी थी। ये नहीं था कि उसने कभी कुछ बनाया नहीं था, जैसे वो लोग उसे समझ रहे थे। मुमरा यूसुफ ऐसी तो हरकत नहीं थी, यहाँ क्या बैठ रही है, तुम्हारी जगह यहाँ हरकत नहीं, हमारे खाने के बाद अगर कुछ बच जाए तो वो खाना। ताईजान के अल्फाजों पर उसने नाश्ता करते इब्राहिम की जानिब देखा, जो खामोशी से खाने में मसरूफ था। एक आंसू मुमरा की आँख से गिरा था, किसी ने अपने मुंह से उसके हक में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। दिल पर जैसे सुइयां चुभती महसूस हुई थी। इब्राहिम खुद पर जमी उसकी खैब खाती नज़रों को बाखूबी महसूस कर रहा था। वो दूर नौकरानियों के दरमियान खड़ी हो गई थी, जब्त और नजली के एहसास से उसका सुर्ख चेहरा हो गया था, लेकिन ये सब तो उसके वालदेन ने उसके साथ किया था। वो किसी से शिकवा करती, वो इतनी बेमोल नहीं थी कि यूँ उसकी हसासियत जज्बात को रोन दिया जाए। उमरा यूसुफ थी वो, और हालात और वक्त को कैसे वो काबू करना है वो अच्छे से जानती थी। अनुशे कहाँ है माँ, वो ड्यूटी से आता बोला था का सा चेहरा देख कर सुमरा बेगम को उसकी हालत पर बहुत अफसोस हुआ। न जाने वो ऐसा क्यों कर रहा था, कमरे में होगी, वो नॉर्मल लहजा रखती बोली थी। राजन बगैर कुछ कहे अनुशे के कमरे में गया, वो वहाँ मौजूद नहीं थी। उसे फिर फिक्रमंदी ने घेरा था, वो आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ देखने लगा, पूरा घर देख लिया, लेकिन अनुशी नहीं मिली थी। राजन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और साथ ही परेशानी ने भी उसके दिमाग में जगह बनानी शुरू कर दी थी। अनुशे कहाँ है, वो उससे की शिद्दत से दरवाज़ा खोलता अपने कमरे में आया था, जहाँ वो अभी भी नहा कर निकली थी, गीले बाल चेहरे और कमर पर लिपटे हुए थे। राजन ने खूंखार नज़रों से घूरा, उसकी सुर्ख आँखों में देखती हुई एक पल को खौफजदा हो गई थी। मुझे नहीं पता, वो लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। अनुशे को तो अभी उसने देखने जाना था। राजन का उसके जवाब पर दिमाग घूमा था और सख्ती से मुट्ठियां बीट गया था। तुम यहाँ मेरे लिए नहीं लाई गई, डैमिट अनुशे के लिए लाई आई हो मेरी ज़िंदगी में, और तुम्हें इसका ही नहीं पता कि वो कहाँ है, और अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो एक पल नहीं लगाऊंगा तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ने में। उसका नम तेरा चेहरा दबोचे बोला था, उसके सर ठंडी ठार आवाज पर हानम का वजूद होले से लड़ता था। वो उसकी आंखों में आए तेज में से जैसे कहीं खोसी गई थी, वो उसे अंदर से डरा चुका था। दफा हो जाओ, ढूंढो मेरी बेटी को, वो उसे झटके से छोड़ता हुआ बोला कि हानम ने मुश्किल से खुद पर काबू पाया था, उसे कम करके आगे उसकी जान जाती थी। वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकली थी, सफरा तफरी में अपना दुपट्टा कमरे में भूल गई थी। राजन की नज़र कमरे से बाहर जाते वक्त उसके दुपट्टे पर गई तो मिसाखते लब भीज गया, दुपट्टा हाथ में पकड़ा और दांत पीसता हुआ बाहर निकला। सीढ़ों से उतरते उसे अनुशे अपने बाबा की गोद में नजर आई थी, उससे अभी भी कम नहीं हुआ था। हानम ने आहिस्ता से बाबा की गोद से अनुशे को लिया जबकि वो अंदर कमरे में चले गए थे। वो जख्मी नजरों से उसे देखती सीढ़ियाँ चढ़ती अनुशे के रूम में गई, उसे लिटाया, कंफर्ट दूस किया था, वो सो रही थी। आंख से एक आंसू बाहर निकला, अनुशे तो वैसे भी उसकी जान थी, अपनी बहन के बाद वही उसकी आखिरी निशानी थी।
इस तरह राजन ने उसके साथ रवैया अपनाया था। दिल में एक कसक सी जागी थी। वो खामोशी से बाहर निकली जबकि दरवाज़ा धकेल कर अपने रूम में आई। इरादा अपना सामान लेकर अनुषी के कमरे में शिफ्ट होने का था। कमरे में आते ही वो पीछे से उसके हाथ को पकड़ कर कमर पर लगा गया कि हालम के मुंह से एक सिसकी निकली थी। उसकी गिरफ्त हद दर्जा सख्त थी। तुम्हें ऐसे नीचे जाने की इजाज़त किसने दी थी? उसके कान के करीब झुकता मद्दम मगर सर्द आवाज़ में बोला था। हानम रस कर रह गई थी। राजन छोड़े मुझे, मुझे दर्द की शिद्दत से उसकी गर्म सांसों की तपिश ने उसकी धड़कनें बढ़ा दी थी। तनफ्फुस तेज़ हुआ तो दिल में उठते उबाल ने मज़ीद आब उताब खाया था। मेरे सवाल का जवाब दो हानम जई। वो दांतों पर दांत जमाए लफ जमा जमा कर बोला। हानम ने सख्ती से लब बीचे थे। मुझे जैसे मुनासिब लगेगा मैं वैसे ही जाऊंगी। सुन लिया जवाब, छोड़े मुझे, उससे मैं बोली जबकि वो अंदर से चिढ़ चुकी थी। क्या उसे पता नहीं था? इसी के डर और खौफ की वजह से वो फिक्रमंदी से बाहर को भागी थी। मैं ऐसा खड़ा हो सकता हूँ हानम, पर तुम का सोच लो। वो मजीद कदम कदम उसकी जानिब बढ़ कर दरमियान का फासला ख़त्म कर गया। उसके पास आने से वो ज़्यादा खौफजदा हुई थी। कजा के उसके सवाल पर वो उसके दिल की दुनिया मुंतशिर कर चुका था। उस दुपट्टे की जगह तुम्हारे वजूद पर रहे जैसे दूर सिर्फ मैं हटा सकता हूँ। उसकी उंगलियों का सख्त लम्हा तुमको अपनी कमर पर मैं महसूस हुआ तो जबकि उसके बातों और उसकी गर्म सरकती सांसों पर हानम को अपनी धड़कन चलती महसूस हुई थी। वो इंसान उसे हराने का हर तरीका जानता था। वो जानता था हानम जई कहाँ बेबस पाई जाती है। ठीक है, छोड़ो मुझे अब। वो उसकी बात पर हामी भरती हुई बोली थी। आंखों में नफरत उभर गई थी। सुर्खी की एक लकीर दौड़ गई थी। दिल में ख्वाहिश होगी मेरा मुंह नोचने की। उसका रुख अपनी जान करता हाथ उसकी कमर पर सख्ती से रखता उसे मजीद जलाने को बोला। हानम ने शदीद गुस्से में उसे देखा जिसका मुस्कुराता चेहरा जहर से भी बुरा था। मुँह का तो पता नहीं मिस्टर राजन मीर, लेकिन आप पर अफसोस और तरस दोनों बेवक्त आता है मुझे। एक तल्ख मुस्कुराहट उसके साथ बोली कि राजन की गिरफ्त उसकी कमर पर मजीद सख्त हुई थी। हानम को उसकी उंगली अपनी कमर में धंसती हुई महसूस हुई थी। बकवास बंद करो, अपनी जो तरस है ना हानम, वो तुम्हें खुद के वजूद से महसूस होगा। और ये वादा है राजन मीर का तुमसे। वो नीचे झुके सख्त उसके गाल पर दांत गाड़ता हुआ बोला कि एक पल को हानम साख हो गई थी। वो पहली बार उसके इतने करीब आया था चाहे गुस्से में ही, लेकिन वो उसके पास था। हानम का दिल जोरों से धड़का था जबकि उसकी हरकत और लफ्ज़ सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त कर गई थी। याद रखना हानम जई, मेरी ज़िंदगी में दूसरी औरत की कोई जगह नहीं। वो दूसरी औरत पर जोर देता बोला कि एहसास तोहिन से हानम का चेहरा सूख कर होता चला गया। कुछ उस सितमगर की नवाजिश थी कि उसके गुलाबी गालों पर उसके दांत खड़े हुए थे जिन पर उसे तकलीफ हुई थी जबकि वो तंदे मुस्कुराते से छोड़कर फ्रेश होने चला गया था। वो जल्दी से सारे अहम पॉइंट नोट करने में लगी हुई थी। इतने बड़े होटल में मीटिंग थी जमल की तो आंखें हैरत से फटे पड़ने को तैयार थीं। उसने रजा साहब से बार बार पूछा था, सर हम इस होटल में मीटिंग करेंगे ना? जमील ने कोई 10वीं दफ़ा पूछा तो मिर्जा भी ये नोट कर चुका था। उसकी हैरत को भागते उसे एक पल को हंसी भी आई थी। रजा साहब, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आप कानों के डॉक्टर के साथ रख लें और मैं मिस पीए को उनके पास लेकर जाएं इससे पहले कि आप किसी के पास जाना पड़े। वो मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला कि उसकी बात पर रजा साहब ने बामुश्किल हंसी दबाई थी जबकि जमील बस उसे घूर कर रह गई थी। जब से आई थी उसकी इंसल्ट किए जा रहा था, न जाने कौन सी मनूस घड़ी थी जब जमील उसके साथ लिफ्ट में गई थी। मीटिंग के बाद वो सीधा घर चला आया। जमील और रजा साहब वापस चले आए थे। घर में भी एक शदीद हंगामा उसका मुंतजर था। डैड की तबीयत ख़राब थी। देखिए मिस्टर हाशिम, आपके डैड काफ़ी टेंशन ले रहे हैं जिससे उनका बीपी शूट हो गया था। फिक्र मत करें, पर उन्हें टेंशन से दूर रखें। डॉक्टर साहब ने बेड पर मस्किन सी सूरत बनाए लेटे हुए सुल्तान साहब को देखते बोले थे। मिर्ज़ा ने एक नज़र उन्हें देखा फिर डॉक्टर को छोड़ने बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद देर तक कमरे में आया था तो उनके चेहरे पे जो मस्कीनपन था वो मजीद कमजोरी में ढल चुका था। मिर्जा ने नफी में सर हिलाया था। डेड, व्हाट आर यू सो वरीड अबाउट? वो फिक्रमंदी से उनका हाथ थाम कर बोला था जिस पर उन्होंने एक नज़र उसे देखा। पुत्र शादी कर ले, पता मैं रहूँ ना रहूँ मुझे अपनी पोते पोतियाँ देखनी हैं। सुल्तान साहब आहिस्ता कमज़ोर सी आवाज़ में बोले कि उनकी आखिरी बात पर खुजल सा हुआ था। डैड, बस इतनी सी बात, मुझे वैसे भी आपको कुछ बताना है। उन्हें तसल्ली देता वो साथ ही मेडिसिन निकालने लगा था जिस पर सुल्तान साहब की चलाकी को देखने लगे थे।
आपको पता है आपके बेटे ने निकाह कर लिया है, आज शाम अपनी बीवी से मिलाता हूँ आपको। इसकी बात सुल्तान साहब ने हैरत से और खुशी के मिले जुले तासरात से उसे देखा और झट से बगैर कुछ बोले उसे गले से लगाया था। सच यार, तू सच बोल रहा है, कहाँ है मेरी बहू, वो कुछ ही से बोलते उसे देखने लगे थे, जो फकत उनकी तबीयत की वजह से झूठ बोल गया था। बहू कहाँ से लाए गए, एक नई फिक्र ने सताया था। सुल्तान साहब का हार्ट का ऑपरेशन होना था 3 माह के अंदर, इस वजह से वो उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहता था। हम शाम को मिलवाऊंगा ना डैड, अभी मेडिसिन खाकर रेस्ट करें। अब आप उन्हें मेडिसिन देता बोला था जबकि उनकी कमरे की लाइट ऑफ करता वो वापस ऑफिस के लिए रवाना हो गया था। इतनी जल्दी लड़की कहाँ से मिलेगी, फिर कुछ सोचते उसने एक नंबर पर कॉल मिलाई थी। अब वो पुरसकून था, घुमरा भारी आवाज बोझल आवाज़ में उसे मुकम्मल खुद की आगोश में लिए बोला कि उसकी तपिश देती सांसों से पर वो हल्के से आंखें खोल गई थी। उठ जाए जानम, शोहर को रेडी होने में हेल्प करें, एक केस के सिलसिले में जाना है। वो उसकी चिन पर हल्के से होंठ रखता बोला कि उसकी असार में लेटे वो पजल हो गई थी, खुद को वहाँ महसूस करते मुकम्मल होश में आई थी और अब उठने की नाकाम कोशिश करने लगी थी। जबकि उसके हाथ अपने कमर पर लिपटे देख उसकी बाकी पर गूंग रह गई थी। अट्ठे से गुड मॉर्निंग विश तो कर दें, इतना हक तो अब ये नाजीज रखता है, उसे देखता खुमारदा नजरों लिए बोला था। उसकी आवाज़ में छलकती खुमारी और उसकी उंगलियों के सरसराहट अपने कमर पर बर्दाश्त करते उसकी जान हवा हुई थी। वो उसे मुकम्मल अपनी पनाहों में लिए हुए अपने मखमूर नज़रों से उसके चेहरे के अतराव चुड़ाव देख रहा था। ज़ियान लीव मी, वो उसकी हरकत पर गुस्से से बोली, लेकिन न चाहते हुए भी उसकी शर्म महसूस हुई थी। दिल बुरी तरह धड़क उठा था, कानों में पड़ने वाली धड़कनों की आवाज़ पर वो लब भीज गई थी जो उसकी गुर्बत पर पिघली जा रही थी। माई गर्ल, दिल की बात तो को ठुकराते नहीं हैं, वो मोहब्बत पाश नज़र से उसे देखता बोला, साथ झुक कर उसके रुखसार पर अपने सुलगते लब रखे। वो सख्ती से आंखें बंद कर गई, सांस घेरा हुआ था। वो क्यों उसे इतना बढ़ावा दे रही थी, वो क्यों उसकी शिद्दत को रोक नहीं पा रही थी। ध्यान, दफा हो जाओ, उठ जाओ, उसे परे धकेलते बोली थी जो 1 इंच ना हिला था। उसका कसरती सीना शर्ट से झलक रहा था, उमरा ने नजरें चुराई थी। पहले प्रॉमिस करो आप अपने खूबसूरत हाथों से नाश्ता करवाएंगी, फिर कुछ सोचा जा सकता है। दूसरे गाल पर रब रखते उसे सुर्ख होने पर मजबूर कर गया था। उमरा का दिल बुरी तरह कांप उठा था उसकी गुस्ताखियों पर, वो लब भीग चुकी थी। हाँ समझो के ना, रियान ने अपना लफ्ज़ की गर्दन पर छोड़ा था। उमरा ने जल्दी से अस्पत में सर हिलाया तो उसकी जल्दबाजी पर वो मुस्कुराहट दबा गया था। दैट्स लाइक अ माई गर्ल, उसके वजूद को अपने खुद में समोए वो उसके बालों में चेहरा दिए एक गहरी सांस भर कर उसके वजूद की खुशबू ढेल गया था उसकी वो ढेल गया था उसकी इस हरकत पर। उमरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। ओके इजी हो जाओ, फ्रेश होकर नाश्ता लेकर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ, उस पर से उठता बेड पर टांगे बिछाकर बैठता हुआ बोला। तो उमरा ने जल्दी से उठती हुई बोतल के जिन की तरह फ्रेश होने के बाद वहाँ से गायब हुई थी। 10 मिनट बाद वो ट्रे हाथों में पकड़े दांत पीसती उस तक गई और ट्रे रख दी, जबकि वो उसकी हर हरकत नोट कर रहा था। खिलाओ मुझे, भूख बढ़ रही है, अगर खाना ख़त्म हो गया तो। वो बाद उधूरी छोड़ता आंखों में शरारत लिए उसे चेहरे पर गहरी नजरें जमाए बोला। तो उमरा उज्जल थी, फिरने वाला थोड़ा उसे खिलाने लगी। आई प्रोमिस यू आई विल होल्ड यू वैन यू आर से आई विल किस यू वैन यू आर क्राई आई विल मेक यू स्माइल वैन एवर यू फील डाउन एंड आई विल लव यू टेल आई डाई। माहौल में घेरी खामोशी में माइन खैदी से पूछती उसकी आवाज़ ने उमरा के नईम के दिल में अपनी छाप तो छोड़ी थी, बेशक थोड़ी सी, लेकिन वो उसकी गहरी ग्रे आंखों में कई लम्हे देखती रही थी जैसे वो सब भूल चुकी थी। उसकी आवाज़ में छुपी सच्चाई पर वो बेकाबू होती धड़कनों के लिए उसकी जानिब निवाला बढ़ा गई। जबकि वो अपनी जगह से थोड़ा ऊंचा होता उसके बेहद करीब आ चुका था कि उमरा ने अपनी सांसें रोकी थी। वो उसके बेसख्ता मल कर गई, उसके तलहन भरे जादू में जिगड़ी चली गई थी और जब वो ऑटो से उसके माथे को छू गया था एक एहसास एक सुकून सा उतरता में सू हुआ था। जहान को वो जल्द या देर उमरा के दिल में खुद के लिए मोहब्बत पैदा ज़रूर कर देगा। बस मेरी जान, बाकी तुम खाओ, मुझे बर्दाश्त करने के लिए ताकत की भी ज़रूरत है, वो मायने खैजी से बोलता उठ खड़ा हुआ कि उमरा ने बेसाख्ता लब कुचलते निवाला वापस रख दिया था।
जबकि ज़ियान की नज़र उसकी दो पंखड़ी पर अटक गई थी। तुम खुद मेरा हक अदा मत करो। वो झुक कर अंगूठे से उसके लबों को आज़ाद करता बोला कि था उसका सरसरी सा लेजा था, जबकि उमरा ने बेसाख्ता सर उठाकर उसकी जानिब देखा। यही वो पल था जब बेलगाम होते जज्बात के हाथों पहली बार उसके करीब तर चला गया था। उसकी हर आती जाती सांसों पर वो काबिज हो चुका था। उसके वजूद को खुद की पनाहों में जैसे वो छुपा लेना चाहता था। उमरा ने सख्ती से उसके सीने पर हाथ धरे, उसे खुद से दूर करना चाहा। जो उसकी हालत को देखता उससे दूर हुआ था। वो गहरे सांस भर रही थी, साथ गुस्से भरी नज़रों से उस ढीठ इंसान को देखा जो एक अनजाना सा लम्स था उमरा के लिए। जानम तुम्हें वाकई और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। वो मुस्कुराहट दबाए बज़ाहिर संगीजी से बोलता अपनी वॉच उठाता उसके रिक्सार को छूता चला गया था। और पीछे उसकी हरकत पर वो शर्म और गुस्से से दोहरी होती चेहरा तकिया चेहरे पर रख चुकी थी। रोहा करती हुई साथ उसके टेबल पर हाथ मारती बैठी थी। उमजा ने आंखें छोटी करते उसे घूरा, जैसे उसे उसका यहाँ बैठना हरगिज नागवार गुजरा था। ओ मिस उमजा, आपके मुताबिक प्रोफेसर आपसे मोहब्बत करते हैं, राइट? मरहा कलेजा ज़ेरखन था, जबकि उमजा के साथ बाकियों ने भी उसकी दूर जानिब देखा। यस आई एनी डाउट? कुर्सी की एक साथ टेक लगाते वो बाजू सीने पर बांधे फुल कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रही थी, जिस पर मरा के दिल पर जैसे सुइयां चुभी थी। ओ ऐसी बात है तो तुम प्रोफेसर से बात तो करती होगी, कहाँ है नंबर उनका या कोई कॉल मैसेज एनीथिंग? नंदिया मुस्कुराहट के साथ वो आबरू चुका कर बोलती उनजा का पारा हाई कर गई थी। उनजा ने खामोशी से उसे देखा, उसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। नो मेरे पास नहीं है क्योंकि कभी ज़रूरत पेश नहीं आई, वो खुद को पुरसकून रखती झूठ बोल गई थी। मरहा का हल्का सा कहकर गुंजा, ओके आइनों के मोहतरमा उनजा आप झूठ बोल रही हैं, लेकिन फिर भी वो देखिए सामने से प्रोफेसर आ रहे हैं, जाएं और उनका नंबर लेकर आए, उनका तुम्हें तो वो ज़रूर दे देंगे। मरहा का लहजा चैलेंजिंग था। उनजा ने सामने से आते असीम को देखा, फिर कुछ सोचते उठ खड़ी हुई थी। वो चलती हुई असीम का रास्ता रोके खड़ी हो गई। पीछे कर्ज ने बेहद फिक्र से उसको देखा। यस मिस, असीम उसे देखता मध्यम मगर संजीदा आवाज में बोला था, प्रोफेसर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, पर यहाँ नहीं, बात बहुत ज़रूरी है, आप ही की मदद कर सकते हैं, क्या मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? मुझे अभी यहाँ से निकलना है, प्लीज़ मैं आपसे घर जाकर रब्ता करूँगी। उमजा परेशानी सजाए आंखों में हल्की नमी लाए चेहरा इधर उधर देखती बोली कि असीम को उसकी बात समझ में तो ना आई, लेकिन उसकी परेशानी देख असीम ने सर हिलाते उसे अपना नंबर दे दिया। उमजा चेहरे पर एक गैरमामूली मुस्कुराहट थी जिस पर वो हर वक्त छुपा गई थी। उमदा नंबर हाथ में लहराती टेबल पर आकर बैठी थी। मरहा ने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा, पहले का तो पता नहीं मरहा, पर अब प्रोफेसर मुझसे ज़रूर मोहब्बत करेंगे, वो साइड स्माइल उसे देती तंजिया बोली तो मरहा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था, लेकिन परवाह किसे थी, अपना बैग उठाती वो वहाँ से निकलती चली गई। जेगा हाथ आगे करता उसका नाम अच्छा खासा बिगाड़ चुका था, रेशमा अपने नाम में अटक गई थी। पल में सारी खुशी झाग के मान बैठ गई। नो नो नूर नियाजी, रेशमा अपने होठों को नाम के साथ अंदाज में हिलाती वो उसे अपना सही नाम बता रही थी। यस इट्स रेशमा, जेक फिर से बोला तो रेशमा ने अपना माथा पीट लिया। अंग्रेज़ खुद चले गए, फिर सच्ची मुच्ची अपनी औलाद में ऐते छट के नाम लेना नहीं आंदा आया वड्डा अंग्रेज़, उसे देखती है वो गुस्से से बड़बड़ाती वहाँ से चली गई। जबकि जैक बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाया, वो कमरे में बैठी थी जब दरवाज़ा खोल कर उसकी जानिब बड़ा उमरा ने एक एक पल उसे देखा और फिर चेहरा फेर गई। अब नीचे ताई जान उसे खाना खाने को बुला बोला था, जबकि वो साफ मना करती ऊपर आ गई थी। इसी वजह से अब इब्राहिम के कान भर के उसे भेजा गया होगा। उसके पास ये उमरा की सोच थी। वो सोफे पर उठने वाली थी जब इब्राहिम एक जश्न में उस तक पहुंचा और सोफे पर दाएं में हाथ जमाते उसकी उठने का रास्ता रोका था। उमरा ने एक नज़र उसे देखा, आंखों में गुस्सा वाजे था, वो अंदर से खौफ ज़्यादा होने लगी हुई, लेकिन वो उसके सामने कमज़ोर नहीं बनना चाहती थी। किस बात की अकड़ है तुम में? हाँ, वो उसका बाजू दबोची गरजती आवाज़ में बोला। एक पल को वो सहम सी गई थी, वो इंसान कितना बेरहम था, किसी की अकड़ होनी चाहिए मुझ में। हाँ मुझे समझ नहीं आता मैं इस घर के वारिस की बीवी हूँ या मुलाजिम की, वो तड़क कर बोलती। अकेले पिछले सारे हिसाब बेबाक कर गई थी उसकी इतनी हिम्मत पर। इब्राहिम ने चौंक कर उस नाजिक लड़की को देखा। बकवास बंद रखो, अपनी खाना क्यों नहीं खाया, क्या मरने का इरादा है तुम्हारा? वो उसका मुँह दबोचे बोला था। उमरा को उसकी उंगलियाँ अपने चेहरे में गड़ती महसूस हुई थी, आंखों में नमी सी छलकी थी। कौन सा खाना
जो नौ नौकरों को दिया जात उससे भी बदतर था वो खाना। समझे आप कैसे शोर हैं आप? आपके सामने मेरी तोहीन हुई और आप खामोशी से बैठे थे। वो अटकते लहजे में बोली, एक उसकी कुर्बत और दूसरा उसके हाथ अपने चेहरे पर होना। उमरा का दिल बुरी तरह धड़का गया था। जबरदस्ती का शोहर हूँ तुम्हारा, और रही बात तोहीन की, तो किसी खुशी में तुम्हारा साथ दूँ मैं? हाँ विनी, मैं आई हूँ तुम। वो उसका चेहरा झटके से छोड़ता हुआ बोला था। उसकी नीली आंखों में गुस्सा सवार था, माथे के रगे फूली हुई थी। जब उसके बार बार वही लफ्ज दोहराने पर उमरा का दिल एकदम ही शदीद नापसंद करने लगा था। बिने में किसी मुलाजिम के घर नहीं आई, समझे आप? यहाँ पर अब आप मेरे वालदेन ने भेजा है मुझे, खुद नहीं आई मैं। जब खुद आई ही नहीं तो ये बेखानगी क्यों सहूँ मैं? अगर इस रिश्ते में आपकी मर्ज़ी नहीं थी तो भी नहीं थी, मेरी भी नहीं थी। एक ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में हरगिज़ नहीं चाहती थी जो यूँ मुझे बीच मैदान में छोड़ दे, जिसकी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं थी। आप तो हमारे गांव में बने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे से भी कम पढ़े लगते हैं, किसी खुशफहमी में हैं आप। गुस्से में चीख कर बोली। जैसे जैसे उसके मुंह से अल्फाज निकल रहे थे इब्राहिम का दिमाग वैसे वैसे तेजी से गुस्से से फटा जा रहा था। उसने खून आशा नज़रों से उसकी जलती जबान को घूरा। मिनट से पहले उसे दीवार के साथ लगाए उसके बेहद तस्दीक हुआ था कि उमरा की आंखें हैरत से फैल गईं। उसमें ज़रा फासला नहीं था जबकि इब्राहिम के हाथ उसकी कमर में थे। क्या चाहती हो तुम? हाँ तुम्हें इज्जत दी जाए। देखो मुझे शादी नहीं करनी थी, अभी मेरी तुमसे पर्सनल पर कोई दुश्मनी नहीं, सो यूँ अपनी जबान मेरे सामने चलाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, वरना तुम ना तुम रहोगी और ना तुम्हारी जब चलती जबान। वो गुस्से से चेहरा उसके करीब तर करता फनकार कर बोला कि उसकी हिलते होंठ और उसकी जब्जों की तपिश उमरा को अपने गालों पर महसूस हुई थी। उसके लब उमरा के गाल को छू रहे थे। वो बेसाख्ता दीवार के साथ चिपक गई। उसकी हरकत को नोट करते हुए पहली बार हल्का सा हंसा था। क्या करती थी तुम? वो वैसे ही उसे थामे पूछ रहा था। नजरें अब भी उसके चेहरे पर थीं। दिमाग गुस्सा दिमाग से जाने का लगा था। उसके आम से लहजे में पूछे गए सवाल पर उमरा का दिल लर्जा। मैं लौ पड़ रही थी और ये सब उमरा ने कहते लब दांतों तले दबा, जबकि उसकी बात पर इब्राहिम ने चौंक कर उस नाजुक लड़की को देखा। तभी वो इतनी अकड़ रखती थी, वो महफूज सा मुस्कुराया। तो उमरा ने पहली बार उसके मुस्कुराते देखा, वो उसे छोड़कर कुछ फासले पर हुआ था। डोर बढ़ने वाली थी हो इसीलिए इतनी अकड़ी है? हाँ, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आबरू झुका कर बोला। तो उमरा ने दांत पीसे थे। अकड़ नहीं है इसे ज़्यादा नफ्स कहते हैं मिस्टर इब्राहिम, वो दांत पीस कर बोली और जाने को कदम बढ़ाए थे। जब अपने कंधे पर उसके हाथ देखा मतलब साफ था उसे रुकना था। अभी नीचे बैठो, सख लहजे में कहता वो उसे नीचे बैठने को बोला था। उमरा ने हैरत से उसे देखा और फर्श पर बैठ गई, साथ ही वो भी नीचे बैठ गया। उमरा को हैरत का झटका दूसरा झटका लगा था। मैं तुम्हें नहीं जानता उमरा, और ना तुम मुझे, हमारी फैमिली की वजह से ना तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो ना मैं करता हूँ। 4 माह हम एक साथ रहेंगे, अगर इन 4 माह में हमें लगा कि हम एक साथ रहना चाहेंगे तो हम साथ होंगे, वरना मैं तुम्हें इज्जत से आज़ाद कर दूंगा। सोच समझ कर जवाब देना। मम्मा के जाने के बाद मुझे ये बलश्ती ज़िंदगी पसंद नहीं रही। वो बात नीचे कुछ ना बोलने की तो ताई जान का जख्म अभी नया है, उनके लिए कुछ नहीं बोला, वरना जाते हुए जो वादा मैंने अपनी माँ से किया था कि मुझे हर लड़की की इज्जत करनी है वो अभी भी कायम है, और तुम मेरी इज्जत हो, मैं ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूँगा। और आसानियत से उसे अपने हर लफ्ज़ से जोर देता बोला था। उमरा ने कुम चेहरे समेत उसे देखा। वो मगर अकड़ू इंसान अपनी ऐसी बातें भी कर सकता था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। दिल में ख्याल आया कि अब तो मजाक कर रहा था, पर उसके चेहरे की जानब देखा जहाँ साफ संजीदगी थी। एक नज़र उसे देखता वो उठ कर चला गया था। घर पहुँचते ही उनजा फ़ौरन कमरे में गई, कपड़े वगैरह तब्दील किए, वो सुकून से बेड पर औंधा लेट गया था। फिर मोबाइल फ़ोन निकाला और कुछ सोचते नंबर डायल किया था। प्रोफेसर असीम का नंबर तो अब उसके दिल पर भी जैसा नक्श हो गया था। लबों को कुचलते हुए उलझन का शिकार थी कि कॉल की जाए या नहीं। दिल अनजान न जाने क्यों तेज़ी से धड़क रहा था। आखिर धड़कते दिल के फरियाद को सुनते उनजा ने कॉल मिला ही ली थी। दूसरी बेल पर कॉल रिसीव हुई तो उनजा ने दांतों तले लब दबाते खुद को नॉर्मल करते मध्यम आवाज़ में हेलो बोला था। कौन? स्पीकर से मर्दाना आवाज़ गूंजती उनजा के कानों में जैसे रस घोल गई थी। वो हंसी जब्त कर गई। इतनी जल्दी भूल जाने वाली हस्ती तो नहीं हूँ मैं, एक अदा से कहते वो अपना लहजा शरारती बना गई थी। जबकि क्लास की जानब तायराना डालते असीम ने क्लास से बाहर जाने में ही आफियत जानी थी।
कौन है मिस, क्यों वक्त बर्बाद कर रही हैं? असीम माथे पर बल डाले हुए बोला कि उसका कर ले जा। उनका को एक आंख ना भाया था, साथ ही आंखें छोटी की। आप हर वक्त सिर्फ करने को बर्बाद वक्त नहीं कहते प्रोफेसर, उसे खुशकिस्मती कहते हैं। हमजा के लहजे में कुछ तो था कि असीम चौका जरूर लेकिन सख्ती से लब भींच लिए थे। गो टू हेल विद योर चीपनेस, वो दांत किचकिचा कर बोला कि हमजा का चेहरा सुर्ख हुआ। वो हर किस बात की तवक्को नहीं रखती थी। वेट प्रोफेसर असीम अकमल खान, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। मैं हमजा हाथ मुस्तफ़ा, जिसने आज तक किसी लड़के को आंख भर कर नहीं देखा, वो आप पर दिल हार बैठी है। हमजा आपके साथ खुश की ख्वाहिशमंद है, वो एक जज्बे के आलम में बोली थी कि कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी, जबकि दूसरी जानिब वो अपने जहन पर दबाव डालते उसे याद कर चुका था। हैरत और गुस्से के मिले जुले तासरात ने असीम का दिमाग माफ किया था। मिस उन्जा हाद मुस्तफ़ा, अपनी बकवास अपने पास रखें और दोबारा मुझे कॉल करने की ज़रूरत कोशिश मत कीजिएगा, असीम ने दांत पीसते दुस्त लहजे में कहा कि उन्जा का चेहरा तोहिन से सुर्ख हुआ था, जबकि अंदर जिद्दी खुसर सी उन्जा ने जैसे जन्म लिया हो। प्रोफेसर आपको तो मैं किसी कीमत पर भी पाकर रहूंगी और ये वादा है मेरा, अटल लहजे में कहते हुए असीम को गुस्सा दिला गई थी, जबकि उसकी बेबाक लहजे पर वो कहीं ना कहीं खायब हुआ था। जबकि उमजा का गाल काटती बेड पर डे गई थी, शदीद बुरा लगा था उसे अपना रिजेक्ट हो। ये सब क्या हो रहा है डैड, जियान सीढ़ियाँ उतरता बोला जहाँ घर की सेटिंग हो रही थी। उसने सरसरी से नज़र इधर उधर डाली थी। मेरा कज़न अपनी फैमिली के साथ आ रहा है बेटा, जी ज़रा शरीफ बन जाओ, उनके घर कुछ काम होना है इसलिए वो कुछ दिन यहाँ रहेंगे, मुस्तफ़ा साहब ने तफसील से जवाब दिया था, जिस पर जियान ने हंसते हुए इस्बात में सर हिलाया। लोग आ गए, मुस्तफ़ा साहब सामने दरवाजे की जानिब देखते खुशी से बोले और आगे बढ़कर मिले थे, जबकि जियान भी उनके साथ था। कैसे हैं आप अब्बू जी, मुस्तफ़ा साहब अपने वालिद के भाई और अपने बाप का दर्जा देते थे तभी सर आगे करते गोया हुए तो उन्होंने मुस्तफ़ा साहब को गले से लगा लिया था। कैसे हो यंग मैन, जियान आगे बढ़ता राजन से मिलता बोला था, जिस पर वो हाथ मिला था। मोहित मुस्कुरा गया था। अंदर ले जाते वो सब बहुत खुश थे, कितने सालों बाद इकट्ठे हुए थे। दादा जी ने राजिन को अच्छे से समझाया था कि हानम के साथ वो कम से कम अच्छे दिन अच्छे से रहे, वरना अंजाम का जिम्मेदार वो खुद होगा, जिस पर राजिन ने कन अखियों से हानम को घूरा था, जो कर सहम कर रह गई थी। चाय के बाद मुस्तफ़ा साहब ने ही दादाजी और बाकी सबको रेस्ट कर बोला था। सब अपने कमरे में चले गए तो जियान को उमरा का ख्याल आया था, वो सीधा कमरे में गया जहाँ खाली कमरा उसका मुँह चढ़ा रहा था। जियान ने बेजारियत से आँखें बंद की फिर बाहर चला आया, मुलाजमा से पूछा तो पता चला मुहतरमा अपने घर गई हैं। सुबह से ही आहिस्ता उसका उसे अब गुस्सा आ रहा था उमरा की हरकतों से। आहिस्ता से जाते उसने उमरा के कमरे में कदम रखे थे, वार्डरोब में मुंह दिए न जाने क्या ढूंढ रही थी वो। खामोशी से चलता उसके बिल्कुल पास हो गया कि अगर उमरा ज़रा सा भी हिलती तो सीधा उसके सीने से टकरा जाती। इस दूरी की वजह प्रिंसेस अपने हाथ उसकी गिरदार की सूरत बांधते हुए उसकी धड़कने बढ़ा गया। जियान उसकी लेजी की गहराई और उसकी इतना करीब होने पर वो अंदर से कांपती हुई बोली कि वो मुस्कुराहट दबा गया। जी जाने जियान, हुक्म करें। उसका रुख अपनी जानिब करते हुए उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उमरा ने एक पल नज़रें उठाकर उसकी गिरे आँखों में देखा जहाँ मोहब्बत का समंदर आबाद था। ऐसे मत देखो, बहक गया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर मुझे ही चिचोरा बोलोगी। वो झुकते हुए शिद्दत से उसके गाल पर रब रख गया था कि उमरा ने उसके कंधों से थामते दूर करना चाहा था। जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी, कुछ उसके बेबाक नज़रें बाकी का कान अंजाम दे रही थी। घर चलें जान, वो उमरा के कंधे के गिर्द बाजू फैलाए पुरसकून लहजे में बोला कि उमरा ने भी साख तलब भीचे बाजू दूर हटाया था। मैं अपने घर में हूँ जियान, और दोबारा अभी वो बात मुकम्मल कर पाती कि उसे खुद में भीज गया था। वो उमरा को अपनी पसलियाँ टूट चटकती महसूस हुई थी, जबकि उसकी गिरफ्त में शिद्दत थी। उमरा ने ज़ोर से आंखें मिची थी। उमरा घर चलो, इस वक्त कुछ मत बोलो प्लीज़, वो गहरी सांस लेता उसकी खुशबू खुद में उतारता बोला कि उमरा उसके बदले तेवर देख हैरत ज़्यादा थी। वाई डोंट यू बीट मी उमरा, तुम्हें पता है जब मैं तुम्हें ना देखूँ तो ये दिल जैसे धड़कना भूल जाता है और ये आंखें जैसे कुछ भी देखने से इनकार कर देती हैं। क्यों तुम नहीं समझती उमरा, तुम्हारा होना मेरे लिए कितना ज़रूरी है। उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरे वो मोहब्बत से चूर आवाज़ में बोला कि एक पल जो उमरा उसकी आंखों में छुपे दर्द में खोसी गई थी,
लेकिन फिर फौरन उसे पहले से सर झटका। तुम्हें क्या लगता है ज़ियान, इस तरह तुम मुझे फंसा लोगे? नहीं, अभी नहीं, तुम्हारी मौत भी मुझे तुमसे करीब नहीं कर सकती। वो बेदर्दी से उसके हाथों को झटकती, नफरत ज़दा लहजे में बोलती, ज़ियान को हैरत में डाल गई थी। ज़ियान को एहसास नहीं था कि उसकी इंतहाई कदम इमरा के अंदर उसके लिए इतनी नफरत भर देगा। जबकि इमरा नफी में सर हिलाती वहाँ से निकलती चली गई थी। उसे वहाँ खड़ा था जैसे कड़कती धूप में एक घना दरख्त जो साया रहने के बाद भी वहीं रह जाता है जबकि मुसाफिर आगे को निकल जाता है, और वैसे ही खड़ा रहता है। वो बात सुनो, ऑफिस चेयर पर बैठा था जब जमील को देखते वो पेपर वेट घुमाते बोला। जमील जो फाइल में मसरूफ थी उसकी पुकार पर सर उठाकर सवालिया नज़रों से देखा। मिर्ज़ा ने उसके भरपूर जायज़ा लिया था, वो खूबसूरत थी, ज़्यादा ना सही पर पुरकशिश थी। वो धीमा सा मुस्कुराया था अपनी सोच पर, तो जमील को जैसे उसकी दिमागी हालत पर छुपा हुआ। मेरा एक काम करोगी? वो बहुत पुरसकून लहजे में बोला, जैसे बहुत आम से काम कह रहा हो। सर, मेरे ख्याल में आपके काम करने के लिए ही मुझे यहाँ रखा गया है। पिछली 2 बार की बेइज्जती वो कहाँ भूली थी, तभी तड़क कर बोली तो मिर्ज़ा साहब उसकी लहजे पर गौर ना करते अस्पताल में सर हिला गया था। मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करोगी, तुम्हें पैसे मिलेंगे इसके। वो कुर्सी से उठता इंतहाई आम लहजे में बोला, जबकि उसकी बात पर जमील के पैरों तले से ज़मीन खिसकी थी। चेहरा गुम चेहरा लिए उसका मगरूर अमीर दादे को देखने लगा। ज़्यादा हैरान मत हो, आइनों के इतना अमीर लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, 3 माह की। मैं तुम्हें इसके लिए 50 लाख दूंगा। जेबों में हाथ डाले वो उसके जवाब का मुंतजर था, जबकि उसकी बातें और एहसास एक कमतरी करवाता लहजा जमील को आग लगा गया था। अच्छा, आपको लगता है मैं मर रही हूँ आपके लिए या आप जैसों के लिए? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल करने की? वो अपनी जैसों पर जोर देती दबी आवाज़ में घुरा कर बोली। उसकी बात पर मिर्जा के माथे पर बर नमूदार हुए थे। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे तुमसे कोई शदीद किस्म की इश्क नहीं है, जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, समझी तुम? इतनी तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम शादी करो। मैं वैसे भी तुम्हारे पापा बीमार हैं और तुम लोगों के ऊपर कर्जा है, तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा था, वरना मेरे लिए लड़कियां मौत हैं। वो उसकी सुने बगैर नखुत ज़्यादा लहजे में बोला कि जमील के सर पर लगी और तलबों पर जमी थी। जैसे हाँ है कर्जा तो आपसे मांगा है कि दो, और ये क्या बेतुकी बात की है? आपने शादी आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट है? किस्म किस्म के इंसान हैं आप, क्या किसी ने आपको तरबियत नहीं की? रिश्ते एहसास से बनते हैं मिस्टर मिर्ज़ा, अपनी ज़ात की तोहिन इस पागल और आम सी लड़की के कहाँ बर्दाश्त थी, तभी अकड़ कर बोली थी। जबकि मिर्ज़ा ने मुठियाँ भींची, आंखों में गुस्सा ऊद आया। नहीं चाहिए मुझे आपकी ये जॉब, समझे आप? और ढूंढ लें और लड़कियाँ जो बहुत ये आपके लिए। फाइल टेबल पर रखते हुए गुस्से से बोलती, उसका सुर्ख चेहरा देखती ऑफिस से क्या बिल्डिंग से ही निकल गई थी। जबकि मिर्ज़ा की अना को जैसे ठेस लगी थी कि पहली बार किसी लड़की ने उसे बुरी तरह ठुकराया था। अनुषी को सलाई वो सुलाती वो खुद अपनी बुक्स लेती बैठ गई थी। यूनिवर्सिटी कितना अर्ज हो गया था, कई दिन से वो नहीं जा पा रही थी, इसलिए कल से यूनि जाने का सोचा था। जबकि राजन दादाजी की डांट सुनकर आ रहे थे कि जाना उसके कमरे में क्यों नहीं है, यकीनन उसने हानम को कमरे से निकाला होगा। वो गुस्से में से अपने कमरे में आया था कि एक तो उस लड़की ने उसकी ज़िंदगी अजाब कर रखती थी, गुस्से से कॉल मिलाई कि खुद जाकर बुलाकर लाना भी शान के ख़िलाफ़ था। जैसे कमरे में आ वो तेज़ी से कहता कॉल ड्रॉप करने लगा। जब हानम की आवाज़ कानों में पड़ी तो हाथ थम गए थे। मैं अनुषे के साथ हूँ और इधर ही रहूँगी, मैं पढ़ रही हूँ, सो फिलहाल परेशान मत करें मुझे, वो नॉर्मल अंदाज में बोली थी। जबकि उसकी मन मर्जी पर रादिन का दिमाग घूम गया था। वैसे तो हानम उसे जहर लगती थी लेकिन वो उससे दूरी भी नहीं चाहता था। ओके जस्ट वेट, वो माथा मसलता फ़ोन रख कर दूसरे कमरे की जानब बढ़ा था। दरवाज़ा खोलने को जैसे हाथ बढ़ाया लॉक दरवाजे ने उसका मुँह चढ़ाया था। वो दांत पीस कर रह गया, दिल था बुरी तरह उकता चुका था। हानम दरवाज़ा खोलो वरना तोड़ दूंगा मैं, वो गुस्से की शिद्दत से होते सुर्ख चेहरे समेत बोला। जबकि अंदर दरवाजे के साथ लगी खानम का दिल बुरी तरह कांपा था। बर वक्त उसके शेर को छेड़ चुकी थी, दरवाज़ा लगा चुकी थी। नहीं खोलूंगी, तोड़ लें अगर किसी और के दरवाजे का ना, नहीं आना आपके रूम में, हिम्मत जमा करती हुई तरख कर बोली थी। उसका ज़िद्दी लेजर राजन को अंदर से सुलगा गया था। आई सी, रिलैक्स अंदाज में कहता उसने जेब से दूसरी चाबी निकाली जो आते हुए ज़ियान लेकर आया था। जबकि ज़ियान ने उसकी बात पर हंसी दबाई तो वो उसे घूर गया था। हानम जो मुझे टहलती हुई मज़े से कुछ कदम आगे बढ़ी थी, दरवाज़ा
खुलने की आवाज पर चौंक कर पलटी। जब राजे ने दरवाजा लॉक किया था, हानम उसका गुस्से से तना चेहरा देख सहम गई, गले में गिल्टी सी उभरी। समझ आई कि वो उसे छेड़कर कितना बुरा काम कर चुकी थी। भागकर वॉशरूम जाना चाह, जब वो एक जस्ट में उस तक पहुंचा था, बहुत जबान चल रही थी ना आपकी मिसिज राजन मीर, इसके बदले तेवर देख हानम खौफ से आंखें बंद की थी। वो इंसान था ही मक्कार। कुछ देर पहले क्या बोला जा रहा था, दरवाज़ा नहीं खोलूंगी मैं, उसकी कमर पर हाथ डाले उसे खुद के करीब करता बोला कि राजन की गर्म सांसें हानम को अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हुई थी। वो आंखें और जोर से मींच गई थी, जबकि उसकी हरकत पर वो पहली बार राजन के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। उसकी वजह से वो पहली बार मुस्कुराया था। अगर हानम देख लेती तो यकीनन शायद शॉक जरूर होती। मेरी बात नहीं मानेंगी आप, वो उसके गाल पर रब रखता बेसाख्ता पीछे हुआ था। हानम का दिल बुरी तरह धड़का था, जबकि राजन के दिल ने बीट मिस की। वो पहली बार उसके करीब हुआ था। किसकी इजाज़त से उस कमरे में रुकी हो तुम, क्या मैंने इजाज़त दी तुम्हें? उसके बालों को मुट्ठी में दबोचे दबी आवाज़ में वो रोया था कि हानम ने नफी में सर हिलाया। उसकी सख्त गिरफ्तार बेसाख्ता अपना नरम मोमी हाथ उसके मजबूत हाथ पर रख चुकी थी। फिर किस वजह से यहाँ रुकी हैं आप? हाँ मेरे बुलाने पर फिर किस वजह से यहाँ रुकी हैं आप? हाँ मेरे बुलाने पर क्यों नहीं आई? वो आहिस्ता आवाज में उसके कान के करीब झुकते हुए बोला कि हानम ने उसके बेसाख्ता आँखें खोल कर उसे अपनी बेहद करीब देखा था। सीने में सांसें जैसे उलझ गई थी। वो बिना बल्ब झपकाए उसे देखी गई, जिसकी गर्म पुरतपी सांसें उसके कान को झुलसा रही थी। आइंदा ऐसा होगा? वो अपना लम्ब छोड़कर उसके बालों में मुंह दिए गहरे सांस भरता बोला, जिस पर हानम ने नफी में सर हिलाया। उठ चलो अब जाओ, उसे छोड़ता सोई हुई मुशी के पास चला गया, जबकि हानम सीने पर हाथ धरे सांसों को दुरुस्त करने की कोशिश की थी। धड़कनें तेजी से चल रही थी, वो पहली बार महसूस कर रही थी। जल्दी से अपनी किताबें उठाई और वहाँ से फौरन गायब हुई थी। जबकि राजन ने बालों में उंगलियां फंसाई, अपने बेसाख्ता किए गए अमल पर वो खुद हैरान था। ए महारानी, किचन में बर्तन पड़े हैं वो धो जाकर, घर में क्या चक्कर लगा रही है और किस खुशी में इतना तैयार हुई है? तेरा शोर तो मुँह नहीं लगा था, तुझे क्या कोई चक्कर है? ताई जान का तंजिया लहजा उमरा को एक आँख नहीं भाया था, लेकिन वो खामोश रही थी, जबकि उनकी दूसरी बात पर उसका पारा एकदम हाई हुआ था। चक्कर जिनके चल रहे थे वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, वो भी कहाँ कम थी। फिलहाल चुप थी, लेकिन अब बोल रही थी कि जहाँ बात किरदार की आती है वहाँ उमरा यूसुफ से ज़्यादा बदतमीज़ कोई नहीं होता था। वो सीधा तन ताई जान के बेटे पर करती बोली थी और मजे से कुर्सी घसीट कर बैठ गई। साथ ही नौकरी से सेब निकाल कर खाने लगी थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मरे बेटे के बारे में ऐसी बोलने की? बदजात, ताई जान की जानी बढ़ती गुस्से से चीखी थी कि मुमरा ने उठते हुए कंधे झुकाए। बिल्कुल वैसे जैसे ताई जान आपने मेरे बारे में अभी बोला, मुस्कुराकर सुकून से कहती हुई ताई जान को जैसे आग लगा गई थी। मुमरा इब्राहिम की आती तेज आवाज पर मुमरा ने चौंक कर उसे देखा था, जबकि ताई जान ने आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाती फौरन उससे पहले इब्राहिम की जानी बढ़ी थी। बेटा देख कैसे बात कर रही है ये मुझसे, एक इसके बाप ने मेरे बेटे को मार दिया और अब ये मेरे मरे हुए बेटे पे इल्ज़ाम लगा रही है। ताई जान मुंह पर हाथ रखती अब बाकायदा ऊंची आवाज़ में रोने लगी थी। उमरा ने आंखें घुमाई, जबकि हैरत से इब्राहिम को देखा था जो गुस्से से उसे ही घूर रहा था। मुमरा माफ़ी मांगो ताई से, वो दांत पीस कर बोला था, जिस पर मुमरा ने मुतय्यन नज़रों से उसे देखा। फिर पर मेरी गलती नहीं है, इनसे पूछें क्या बोला था इन्होंने मुझे? मुमरा नफी में सर हिलाती सरासर इनकारी हुई थी, जबकि इब्राहिम ने उसे घूरा। मुमरा नो आर्गुमेंट से सॉरी, मैंने कहा माफ़ी मांगो, वो इंतहाई ऊंची आवाज़ में बार धाड़ कर बोला था कि मुमरा सहम सी गई। मुलाजिमों की जानिब देखा पिताई जान की मकारी, मुझे माफ़ कर दे ताई, आंखों में आंसू लाते वो किचन में चली गई थी। बार बार पलक झपकाते आंसू पीते धकेलने की नाकाम सी कोशिश की थी। पहले वो इंसान रहम दिल बना और अब सारे मुलाजमों के सामने कैसे उसकी इज्जत की ज़रा परवाह नहीं की थी। आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। वो बर्तन धोकर फारिग होती ऊपर कमरे में चली गई, जहां वो पहले से मौजूद था। जानता था वह नाराज़ तो ज़रूर हुई होगी। मुमरो बात सुनो, आम से लेजे में वो सामने बार गिर नफ्स एलईडी को देखता बोला था, जबकि मुमरा ने कोई जवाब ना देते हुए सोफे पर टिक जाना ज़्यादा मुनासिब समझा था।
उम्र आवाज दे रहा हूँ तुम्हें मैं। टीवी बंद करते हुए उसकी जानिब देखता बोला, जो आंखों पर हाथ रखे लेटी थी। बारीक होंठ एक दूसरे में पेवस्त थे। वो जल्दी से उठा और सोफे तक पहुंचा, उसे बाजू में भर कर बेड पे ले आया। जबकि मुमरा ने हैरत से उसके अचानक अमल को देखा था। ये क्या बदतमीजी है, अंदर का गुबार निकालने को चिल्ला कर बोली थी। जिस पर इब्राहिम ने सुकून से उसे देखा, जबकि मुमरा की छोटी सी जान अटकी हुई थी। वो उसके लिए इतने पास तक के बात तक ठीक से नहीं कर पा रही थी। मैं शरारतें करता हूँ बीवी, बदतमीजी मुझे नहीं आती, वो आंख दबा के बोला। तो मुमरा का चेहरा सुर्ख हुआ। उसकी बात पर धड़कनें मुंतशिर हुई। साइड पर हूँ, मुझे नींद आ रही है। वो दोनों हाथ उसके चौड़े सीने पर धरती बोली, जबकि वो उसकी आंखों में नमी देखते नीचे झुक लबों से उसकी चुन गया था कि मुमरा ने जोर से आंखें बंद की थी। सॉरी बीवी, ताईजान रिप्रेस हैं, वो किसी पर अपना गुस्सा जरूर निकालेंगी, क्योंकि तुम उस खानदान की हो, इसलिए वो किसी अब तुम हो। वो कुछ भी नहीं बोले। इब्राहिम बस मुझे ही बुरा कहा, उन्होंने मेरे किरदार को बुरा भला कहा था। मुमरा की आवाज़ रुन गई थी, जबकि उसकी कमर पर दोनों हाथ जमाए वो पूरी तवज्जो से सुन रहा था। किरदार की गवाही मैं देता हूँ, तुम्हारा शोहर, जिसे यकीन है कि तुम बाकिरदार हो। मेरी जान, बस रोना बंद करो, वो उसकी थोड़ी पलक रखता बोला था। जिस पर मुमरा ने उसे देखा, वो कितनी जल्दी अपनी बात पर कायम हुआ था, वो कितनी जल्दी उस रिश्ते को टाइम देने लगा था। ताई जान के साथ साथ वो उसका भी ख्याल रख रहा था। आप अच्छे हैं, वो लब कुचलती पलकें झुकाती हुई बोली। कि इब्राहिम ने मुस्कुरा कर उसे देखा था। कितनी अनाह है तुम में, इंसान तारीफ अच्छे से कर देता है, वो तंदिया लहजे में शरारत से बोला था। उमरा ने उसे देखते बुरा सा मुंह बनाया था। अच्छे से किए, आप बता दें कैसे अच्छे से करते हैं, आंखें घुमाती वह तेजी से बोली थी। जिस पर वो लब दबा गया। नाजुक उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। वो नन्ही सी जसारत कर गया। उसकी अचानक कमर पर उमरा का दिल कांप गया था। उसने बेसाख्ता उसके सीने पर मुंह छुपाया, जबकि इब्राहिम का कहकर बेसाख्ता था। इंतहाई कोई फजूल बेशरम इंसान है, नाराज हूँ मैं आपसे। वो सुर्ख शर्म से सुर्ख चेहरा होते चेहरे समेत बोली थी। जितना वो बुरा दिखता था, इतना बुरा तो नहीं था। नाराज हो जाए मैं मना लूंगा, वो उसके माथे पे लब रखता मसरूर सा बोला था। जबकि मुमरा ने मजबूती से उससे थामा, जैसे वो गिर जाएगी। यूं ना इंग्लैंड में मेरे साथ इतनी लड़कियां थी, लेकिन दिल में वो मीठा सा एहसास सिर्फ तुम्हारे करीब जाने से महसूस होता है, वो महसूस होता बोला। कि मुमरा ने बेसाख्ता उससे देखा था, अब लड़कियों के साथ रहते थे, वो मासूमियत से बोली थी। जिस पर इब्राहिम का दिल के अपना माथा पीट ले, यानी वो यही बात नोट कर पाई थी। मैंने कुछ और भी बोला था स्वीट हार्ट, वो आंखें बंद करता बोला था। अंदर जैसे सुकून सा उतर गया था। बेसाख्ता वो सर उठाता उसके गाल पर रब रख गया था। फिर अचानक होने वाले अमल पर वो नजरें फेर गया। वो गहरा सांस भर कर रह गई थी। एक शरीर घूरी से उसे देखा, सॉरी। अपने गलती के एहसास हुआ तो फौरन लम्ब पीछे, जबकि उसके चेहरे पर हया के रंग बिखरे देख वो मिसमराइज हुआ था। सो जाए, उसका सिर सीने पर टिकाए वो मद्दम आवाज में बोला। तो उमरा ने आंखें फौरन बंद की थी। इब्राहिम की धड़कने वो अपने कानों में साफ सुन सकती थी। दिल में अजीब सा एहसास जागा था, एक अलग जज्बा जिसे वो अभी कोई नाम देने से कासिर थी। जबकि वो उसके बालों में उंगलियां चलाते एल्सा के बारे में सोच रहा था। सोचें मुख्तलिफ जगहों पर जा रही थी, लेकिन उस वक्त वो थका हुआ था, इसलिए दिमाग में सारे सोचों को छटकता वो आंखें मूंद गया था। थोड़ी देर में उन दोनों की भारी होती सांसें कमरे में गूंज रही थी। चलो, वो मुकम्मल तैयार कर रहा था। मुमरा ने अचानक उसे देखा, उसकी नीली आंखों में एक अलग सहर था। वो कई सहाने उसे देखती रही, मुसलसल खुतब पड़ती उसकी नजरे पर। इब्राहिम ने उसे देखा तो नजरे फेर गई। अपने किए बेसाख्ता अमल पर शर्मिंदगी महसूस हुई थी। कहाँ, वो एक लफ्जी बोली थी, अभी उसकी जानिब नहीं देखा था। तुम्हें यूं ही छोड़ने, वो सरसरे सा बोला। मुकम्मल तैयार वो उसकी जानिब देखने लगा था, लेकिन यूं ही शहर में है और घर वाले, वो उंगलियाँ चटखाती बोली थी। हैरत आंखों में डर आई थी, जबकि वो चलता वो उस तक गया था। घर वालों को कहेंगे कि इब्राहिम की बीवी इब्राहिम की मर्जी से कानून सीखने जा रही है, ताकि बाद में वो अपने दाव पे से इब्राहिम चौधरी को मात दे सके। वो मुस्कुराहट दबाता उसे अपनी जानिब खींचता आसार बनाता बोला। तो जिस पर मुमरा ने हैरत ज़दा नज़रों से उसे देखा, शायद इब्राहिम चौधरी को मात महंगी पड़ जाए। चौधरी हारते हुए अच्छे कहाँ लगते हैं,
वो भयभीत हुआ तो उसके गले में बाजू डाले, बोले कि उस पर वो उसे देखता रह गया। छोटे चौधरी मुलाजमा फौरन कमरे में दाखिल हुई, जिस पर मुंबरा जल्दी से इब्राहिम से अलग हुई। वहीं इब्राहिम ने खूंखार नजरों से मुलाजमा को देखा, वो नजरें झुका गई थी। तुम्हें तमीज़ नहीं, मेरा रूम है और किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक करते हैं, गुस्से में दबी आवाज़ में बोला था, जिस पर उमरा ने उसे आंखों ही आंखों में पुरसुकून रहने का इशारा किया था। माफ़ी छोटी चौधरी, वो आपकी दोस्त आई हैं एल्सा, मुलाजमा ने शर्मिंदगी से सर झुकाते कहा था। जबकि अलीसा का नाम सुनकर जहाँ इब्राहिम के चेहरे पर खुशी आई, वहीं परेशान भी हुआ था। जिस पर उमरा ने अच्छे से नोट किया था कि तुम जाओ, मुलाजमा फ़ौरन से पहले गायब हुई थी। जबकि उमरा ने इब्राहिम की जानिब देखा, अलीसा मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, मैं जैक की सो मिलने आई है मुझसे, इब्राहिम से देखते जब से बोला। जबकि उमरा के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी थी। छोटे चौधरी, सफाई तो आप ऐसे दे रहे हैं जैसे अदालत में खड़े हैं, बिल्कुल किसी मुलजिम की तरह, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। फिर सर झटका, वहीं इब्राहिम ने उसकी आंखों में देखने से गुरेज किया था। ओके उन्हीं कल जाएंगे बीवी, अभी मैं मिल लूँ, वो शिद्दत से उसके माथे पर लब रखता बोला, जिस पर वो उम्र का दिल एकदम तेजी से धड़का। वो अचानक उसके बहुत पास आ गया था, हंसता हुआ वो उससे वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल चुका था। प्लीज़ आप खुल कर बताएं आप कहना क्या चाहती हैं। ध्यान अपने ऑफिस में बैठा था जब एक लड़की उसके ऑफिस में चली आई थी, पूछने पर वो रोई जा रही थी। सर मेरा नाम पूरब है, मेरे वालिद और वालदा की वफात के बाद आप मैं अपने ताया के पास रहने लगी थी, पर उन्हें मुझ पर नहीं मेरी जायदाद से गर्ज थी। उनका बेटा सलीम उनमें से मेरे साथ ज़्यादती की। सर मेरे ताया ने मुझे समझाया और सलीम से मेरी शादी कर दी, लेकिन मुझे मारता पीटता था और कल ही उसने दूसरी शादी कर ली। जब मैंने पुलिस में जाने की धमकी दी तो मुझे मारने पर उतर आया, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मेरी जायदाद में से एक पैसा नहीं दे रहे, प्लीज़ सर मेरी मदद करें। बड़ी सी सुर्ख शाल अपने गिर लपेटे बालों के लटे चेहरे पर बिखरी हुई थी, रोने के सबब आँखें सुर्ख हो रही थी। जियान ने कुछ सोचते उसे देखा, ठीक है मोहतरमा, आप पुलिस में कंप्लेन करें, मैं आपका केस लूंगा और आपको कुछ नहीं होगा, वो अपना कार्ड उसे देता बोला। लहजे में साफ हमदर्दी थी। जबकि उरफ ने उसकी नौजवान को देखा, वो नज़रों में उसकी मशहूर हुई थी। फिर वहाँ से चली गई तो जियान ने कुर्सी से टेक लगाई, मोबाइल फ़ोन निकाला और उसके हाथों मजबूर होकर उमरा को कॉल कर डाली थी। कल जो हुआ था, जिस तरह उमरा ने उसे झटका, उसके बावजूद वो उसने फैसला किया था कि वो उमरा से अब मजीद बात नहीं करेगा, लेकिन कमबख्त इसने बड़ी बला का नाम है, जो किसी बादशाह को हो जाए तब भी वो कहीं का नहीं रहता, और अगर फकीर हो जाए तो उसका हाल भी बादशाह से जुदा नहीं होता। तीसरी बेल पर कॉल उठाई गई थी, क्या है सर फाड़ ले जा था उसका तवक्को के ऐन मुताबिक ज्ञान ने गहरा सांस भरते बालों में उंगलियां चलाई थीं। आपका लहजा इतना मीठा क्यों है विमरा, वो तंजिया बोला था। फ़ोन के इस पार उसने कान से हटाकर फ़ोन को घूरा, फिर कान से लगा लिया है कि इंसान उसकी जान नहीं छोड़ता था। क्यों फ़ोन किया है, काम बोलो, वो बेरुख से बोली, जिस पर ज़ियान को अपने दिल में सुइयां सी चुभती महसूस हुई थी, लेकिन नज़रअंदाज कर गया। काम हो तो ही फ़ोन कर सकता हूँ, वैसे भी जब आपका ये आशिक आपको कॉल करता है तो आपकी आवाज़ सुनने के लिए, ना कि काम के सिलसिले में। आप मुझ पर सितम धारते हुए इतनी लेट कॉल पिक करती हैं, काश कॉल करते करते ये मर ही जाए, उफ़ ये आपकी झूठी छोटी खुशियाँ, वो ज़ख्मी सी मुस्कुराहट ली बोला। लहजा अलबत्ता ठहरा हुआ था, उसकी बात में उमरा के चेहरे के तेवर बदले, वो संजीदा हुई थी, वो उसका दोस्त था, किसी ज़माने में वो मर जाए ऐसा उमरा तो नहीं चाहती थी। फिर कल रात वो अल्फाज मुझसे क्यों निकले, शायद नफरत और बेबसी की वजह से। तुम कहाँ इतनी जल्दी मरने वाले हो जियान मुस्तफ़ा, जब तक मेरा खून नहीं जला लेते सारे का सारा कहा तुम्हारे सीने में ठंडक पड़ेगी। वो बेड पर बैठी अपनी किताबें साइड पर कर चुकी थी, जिस पर दूसरी जानिब जियान का कहका बुलंद हुआ तो वो फिर से आंखें घुमा कर रह गई। तो तुम्हें पता है बीवी के मुझे तुम चाहिए हो, इंटरेस्टिंग, वो शौक लेजे लिए शरारत से बोला, उससे बात करके एक सकून सा उसे महसूस होता था, एक अनजाने सी खुशी। हाँ 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 वेरी फनी, वो कहकर लगाती आँखें में तीखे लहजे में बोली तो जबान की मुस्कुराहट बेख्तियार थी। अच्छा चलो छोड़ो, भूख लगी है, मुझे खाना बना कर ले आओ मेरे लिए, वो उमरा को मजीद जलाने को बोला था और उस पर तवक्को तब भी गई थी। क्या नौकरानी हूँ तुम्हारी, जो खाना लाऊँ तरक कर बोलती, वो नाक चिड़ा गई थी। शोहर के काम करने चाहिए क्या, तुम्हारी किताबों ने इतना नहीं सिखाया तुम्हें, वर्रा संजीदा लहजे में बोला था। एक तो हर बात पर उसका इनकार जान को सख्त जहर लगता था, बीवी के भी काम करते हैं, वैसे तो लॉ पड़ा है पर सब बराबर है, ये नहीं पता आपको जियान जी, वो तंजिया लहजे में बोली के अंदाज ऐसा था जैसे वो सामने मौजूद हो। मैं तो काम आना चाहता हूँ आपके उम्र जी, आप आने तो दें,
वो शरारत से मायने कैदी से बोला कि उसका जुमला समझते हुए मुमरे का चेहरा तप गया। वो फोन को घूर कर रह गई। दफा हो जाओ जियान, वो चीख कर बोली थी। दिल में अचानक हलचल सी हुई थी, धड़कने मामूल से ज्यादा बढ़ी थी। काश मैं यहाँ होता तो आपका चेहरा देख पाता जो मेरे नाम से हया के रंग लिए हुए है, वो भरपूर मुस्कुराहट से बोला था। उमरा ने बेख्तियार इधर उधर देखा था। वो कैसे जान गया था कि वो वाकई उसके चेहरे पर उस पल गुलाल बिखरा है। वो बेसाख्ता लब दबा गई थी। ओके वाइफी, केस पर काम करना है फिर बात होगी। और ये जो जान जी बोला है ना, कसम से दिल करता है अब अपने केस पर भी काम कर ही लूँ, वो शरारत से बोला कि उमरा ने लब भीचे, बेशरम ही रहना तुम। वो जल्दी से कॉल कट कर गई। जबकि जान घेरा मुस्कुराया था, वो डीट ही बना रहा था। वो कर भी क्या सकता था, सारा कसूर उस दिल का था जिसे दिमाग बार बार समझा भी देता तब भी वो उसके पीछे दीवाना था। उमरा से बात ना करके वो खुद को बेचैन नहीं करना चाहता था। ये तो वक्त ही जानता था कि उसके इश्क की इंतहा और कितना सब्र मांगेगी उससे। सिबिल घर पहुंची तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसकी थी। हमसायों ने जो खबर उससे दी यकीन नहीं हुआ था। वो फौरन से पहले हॉस्पिटल पहुंची थी। उसके बाबा तो पहले ही बीमार थे, क्या ज़रूरत थी घर से बाहर निकलने की। एक्सीडेंट हो गया था वही साहब का। सिबिल हॉस्पिटल में पहुंची तो मिर्ज़ा को वहाँ देख वो शौक में मुबला थी। दिमाग में मनफी सोचें आने लगी थी। वहाँ मुराद से पप्पो का बेटा भी मौजूद था। जमील फ़ौरन से पहले उसके पास गई थी। मुराद भाई क्या हुआ, बाबा को ठीक तो हैं, आंसू साफ करते वो खुद को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश में थी। मिर्जा ने दिलचस्पी से उसे देखा। वो रोना नहीं चाहती थी लेकिन आंसू बह रहे थे, थम नहीं रहे थे। ना जाने क्यों वो रो सकती थी लेकिन शायद मिर्जा की वजह से उसके सामने हारना नहीं चाहती थी। जबकि मिर्जा ने लब बीचे उसे देखा, पागल लड़की, हल्की सी सरगोशी में मुँह से लफ्ज अदा हुए थे। मज़ीद टाइम गुजरा तो वो लोग परेशानी से खड़े थे। अजमिल ने एक दो बार उसे देखा, वो यहाँ मौजूद क्यों था उसे इल्म नहीं था लेकिन वो जानना चाहती थी। मुराद भाई ये कौन है और यहाँ क्यों है, अजमिल की बात पर मिर्जा भी सुन चुका था। हल्की सी मुस्कुराहट में उन नाबी लोगों को छुआ और जैन गायब हो गई। वो जानने के बावजूद उसे ज़ार कर रही थी जैसे पहले बार मिल रही हो। ये मामू को इधर लाए हैं अजमिल, और तुम्हारा दूसरी बात मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मुराद लफ्जों पर जोर देता बोला था। एक नज़र मिर्जा पर और दूसरी जमल पर डाली। जमील ने सख्ती से मुठ्ठियाँ बीछी थी। ये मुराद नामी भला ना जाने कब उसका पीछा छोड़ेगी, उस वक्त भी उसे यही बातें करनी थी। मुराद भाई क्या आपको उस वक्त भी बातें करनी है, सख्त आँखें लिए वो बरहमी से बोली थी। उस इंसान के सामने अपनी ज़ात की तोहिन हरगिज़ गवारा नहीं थी। मुराद खामोश हो गया। डॉक्टर बाहर आए तो जमील फ़ौरन उनकी जानब लपकी थी। पेशेंट खतरे से बाहर है लेकिन उनका मुकम्मल ख्याल रखा जाए। इसके अलावा अंदर बुला रहे हैं अपनी फैमिली को, डॉक्टर मुखलिस तरीके से बात करता आगे बढ़ गया। तो जमील फ़ौरन अंदर दाखिल हुई। मुराद साथ था जबकि मिर्ज़ा बाहर खड़े दरवाजे के पास खड़ा था। दिल में ख्वाहिश जागी गुफ्तगू को सुना जाए। बाबा आपको क्या ज़रूरत थी बाहर निकलने की, उनका हाथ थामती अब रोने लगी थी। वो दुरुस्त था, कितनी ज़िद्दी लड़की थी वो, उसके सामने खामोश और अब उसे ना पाकर रोने में मशगूल थी। रो मत बेटा, ठीक हूँ मैं, ना जाने कब चला जाऊँ दुनिया से। बेटा तेरे फर्ज से आज़ाद शादी चाहता हूँ, तेरे पप्पो पूछ चुकी हैं मुराद से शादी का। मुराद अच्छा लड़का है, मेरे होते हुए शादी कर ले बेटा, फिर पता नहीं ना जाने क्या हो, वो कमज़ोर से लहजे में बोलते जमर को फिक्रमंदी में हम डाल गए। उसने बेयकीनी से मुराद की जानिब देखा, जिसकी दिली ख्वाहिश जैसे पूरी हो। फिर न जाने क्यों उसे मिर्ज़ा याद आया लेकिन सर अटक गई। जबकि बाहर बातें सुनते हुए बेताबी से उसके जवाब का मुंतजर था। ठीक है बाबा, जैसे आप कहें, वो उनके हाथों पर बोसा देती बोली थी। आंखों से आंसू टूट कर गिरा। ये बाहर खड़ा ये मंजर देखता वो अंदाज़ा नहीं लगा पाया था कि आंसू बाबा की परेशानी का था या मुराद से शादी का। वो दवाइयों का कहता बाहर आई थी जबकि वो कुछ फासले पर अब खड़ा हो चुका था। जमील ने एक नज़र उसे देखा, वो महंगा हॉस्पिटल था, यकीनन खर्च भी ज़्यादा आया होगा। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे वालिद को टाइम से पहुंचा दिया। क्या आखा चाहिए है सर, इस पर आप बता दें या फिर हर माह मेरी सैलरी से काट लें। और सानियत से बोली तो मिर्ज़ा ने जेबों में हाथ डाले, उसे देखा, वो लड़की यकीन उसे पागल करके रहेगी। कभी इतनी अखर मिजाज और कभी शुक्रिया बोलने वाली लहजा शाशनी में डूबा हुआ था और कभी जबान से जैसे शोले गुल रहे हो। मिर्ज़ा ने सर झटका। ओके, वैसे मैं भी अपने पैसे के किसी पर उधार नहीं रखता। 50,000 खर्चता और आपकी सैलरी है 30,000। अगर 10,000 भी डिडक्ट करें तो आपको पैसे चुकाने में 5 मंथ लगेंगे और आपको तो थोड़े दिन में शादी भी है ना। फिर वो भवें चुकाता आम से लहजे में बोला लेकिन उसके लहजे में काट जमेल अच्छे से समझ पा रही थी। सर किसी की पर्सनल बातें नहीं सुनते और बड़े लोग तो लोगों से बातें सुनने के भी पैसे लेते हैं।
अगर देखा जाए तो 10,000 तो अभी काट लिए आपने, वो आम से लहजे में बोली तो, लेकिन उसे सबक जरूर सिखाना चाहती थी। मिर्जा ने लब नीचे, ख्याल रहे मिस जमील वाहिद, बड़े लोग लेते हैं बड़े लोग, वो बड़े लोग पर दबाव डालते देते बोलो, और आगे बढ़ गया। जबकि जमील उसकी बात समझती उस पर घूर कर रह गई थी, फिर आगे की जानब बढ़ गई। मिस के आप थी वो दबी आवाज़ में गुर्राया, गुस्सा सा पर अब भारी पड़ने लगा था। प्रोफेसर इतनी सितम जरफी कि आप आवाज़ तक याद नहीं रखते। वो सीने पर बाजू बांधे असीम के सामने खड़ी थी। असीम ने गैर जहर खंद नज़रों से उस लड़की की जानब देख, बेहूदा हरकत का क्या मतलब है मोहतरमा हमजा, वो आंखों में गुस्सा लिए बोला था जैसे अभी उसे जला कर खाक कर देगा। प्रोफेसर मैं आपको बता चुकी हूँ और अब भी साफ तरीके से बता रही हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है, अच्छी खासी अच्छी हूँ मैं, क्या एतराज़ है आपको, वो आंखें छोटी करती बोली। असीम का लहजा और अल्फाज दोनों ही गिरा गुजरे थे उस पर, जबकि वही हाल असीम का भी था कि उसका गला दबा दे। अपनी बकवास बंद करो, इस वक्त यूनि में खड़े हैं वरना मैं तुम्हारा गला दबा देता बदतमीज़ लड़की, अगर दोबारा मेरे सामने आई तो सीधा बात तुम्हारे वालिद से होगी मेरी, वो गुस्से को जब्त करता बोला। कि उनका एक पल को उसकी बात पर घबरा गई थी जो असीम नोट कर चुका था, जबकि उसके साइड से होता वो निकल गया। इधर नादिया और महविश उसके पास आई थी, उनका का धुआं धुआं होता चेहरा देख वो काफ़ी परेशान हुई थी। यार बस कर, ये प्रोफेसर नहीं आएंगे तुम्हारे जाल में, महविश लब दबाए बोली तो अंजा ने एक सख्त भूरी से उसे नवाजा। अपने अल्फाज दुरुस्त करो महविश, मैं उसे जाल में फांस रही मोहब्बत करती हूँ उससे, और किसी कीमत पर पाकर रहूँगी इन्हें चाहे कुछ भी हो जाए, वो ज़िद्दी लहजे में बोली थी। इस पर महविश और नादिया ने एक दूसरे को देखा जबकि वो क्लास के अंदर चली गई थी। अलीसा हाउ आर यू, वो उसकी जानिब जाता बोला ही था कि अलीसा ने झट से उसके गले लगाया, जबकि नीचे आती उमरा ने मंजर देख अंदर तक जल गई थी। खूंखार नज़रों से अलीसा और इब्राहिम को देखा, कम घूरा ज़्यादा। रेशमा भी वहीं खड़ी थी, मुँह पर हाथ जमा गई। ए 14.5 शादीशुदा हुई कहंदा चिपकन लगी तू वहाँ, रेशमा आगे आती हुई बोली। पास खड़े जैक को साइड कर किया तो बेचारा गिरते की वजह, जबकि इब्राहिम मुस्कुराहट दबाए। वहीं अलीसा के दिमाग में कुछ खास गया ही नहीं था। रेशमा, इब्राहिम ने अलीसा की हालत देखकर मसनू भूरी से नवाजा। रेशमा यहाँ काम तो करती थी लेकिन बाकी मुलाजमों में सबसे ऊपर थी, कि घर के कई लोग उसे पसंद करते थे खास कर इब्राहिम साहब जी। ज़रा नज़रें पीछे भी पालो, फिर एंद ना होवे के तुसी कहंदे नज़र आवे पान जोगे ना रहन, रेशमा तड़क कर बोली। साद एक भूरी से अलीसा को नवाजा। इब्राहिम ने पीछे देखा जहाँ मुमरा खड़ी सुख चेहरा लिए इस सब को ही देख रही थी। सीधा मुंह करते इब्राहिम ने रेशमा को फिर से घूरा तो वो कंधे झुकाती किचन की जानिब चली गई थी। मेरे नीचे आते ही वही खड़ी हो गई। अलीसा ने इब्राहिम की जानिब देखा जैसे पूछना चाह रही हो कि ये कौन है, जबकि जैक उसे सब बता चुका था। दिस इज माई वाइफ मुमरा इब्राहिम चौधरी, इब्राहिम ने मुमरा का हाथ थामे उसकी जानिब हल्की से मुस्कुराहट से देखते कहा था। कि अचानक मुमरा का दिल उसके लम्स पर धड़का, वो बेसाख्ता नखरे चुरा गई थी। जबकि उन दोनों को देखती अलीसा ने जहरखंद मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई थी। ओ नाइस टू मीट यू उमरा, अपना हाथ मुमरा के जानिब बढ़ाते बोली कि मुमरा ने हाथ मिला लिया, लेकिन अलीसा की गिरफ्त आहिस्ता से सख्तर हो गई। मुमरा ने अचानक उसकी जानिब देखा, मुमरा का हाथ सूख हो रहा था जबकि अलीसा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वहीं मुमरा का चेहरा सूख हो रहा था। मी टू, वो अपने नाखून उसके सफ़ेद हाथ में गाड़ती बोली। जबकि उसकी जानिब देखते इब्राहिम ने पल में सारा माजरा समझा था, और अब दर्द सी एक झलक अलीसा के चेहरे पर देख नफी में सर हिला गया था। एक तो बीवी कोई जीत नहीं सकता, और दूसरा अगर बीवी दलीलें पेश करने में माहिर हो तो फिर चांस कम ही पाए जाते हैं। यू गाइस कैरी ऑन आई विल कम, इब्राहिम की जानिब चाय देखती मुस्कुरा कर बोलती किचन में चली गई थी जहाँ रेशमा पहले से मौजूद थी। तुम्हें उर्दू आती है ना, उमरा मुस्कुराहट दबाए बोली के रेशमा ने चौंक कर उसे देखा। बहुत कम लोग जानते थे उसे उर्दू आती है, बेवजह उसका ज़्यादा पंजाबी बोलना था। आहो मेरा मतलब आती है, वो जल्दी से बोली कि उमरा हल्का सा मुस्कुराई थी। जैक और अलीसा से उर्दू में बात किया करो, समझ जाएंगे, उमरा उसकी मदद करवाती बोली थी कि लहजा आम था। इन सफ़ेद लोगों से बात फोन करना चाहता है बीबी जी, नीरे चिट्टे बंदर बंदरी दी जोड़ी लग दी, रेशमा आँखें घुमाकर बोली थी। जबकि उमरा की आँखें हैरत से फैली वो लब दबा गई। मुझे मुमरा कह सकती हो, मुमरा आम लहजे में बोली तो रेशमा ने आंखों में दुनिया जहाँ की मोहब्बत समाया उसे देखा तो मुमरा का कहकर बेसाख्ता था। बाजी तुझसे अपने शोर पर नज़र रखो, वो चिट्टी चुहेल लाजमी कोशिश थे कचरी पकान लगे गया, रेशमा दी नजर कदी चूट नहीं होल दी आए, रेशमा आँखें छोटी करती राजदराना अंदाज में बोली कि मुमरा ने कुछ सोचते अजबत में सर हिलाया था।
दादाजी, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो सर नफी में हिलाता माथा मसलता हुआ बोला था, बच्ची झूठ बोल रही है, तुमने बदतमीजी की उसके साथ, फेजा दुरुस्त के करके बात किया करो वरना मत किया करो। और हानम बेटा, तुम आज से अनुशे के रूम में ही रहोगी, कोई ज़रूरत नहीं इसके कमरे में जाने की। दादाजी की रूम में वो दोनों खड़े थे। हानम अपने कमरे में जाने के बजाय दादाजी के पास आई और सारी बात उन्हें बताई। अलग बात थी कि वो बात अपने अंदाज में बयान कर गई थी और अब राजन गुस्से में से घूर रहा था। दादा जी, जहाँ मर्जी में रहे, ये मेरे काम कौन करेगा? किसी भी तरह वो हानम को दबोचने को तैयार था। उसके बाद पर हानम ने पहलू बदला। हानम तुम्हारे काम कर देगी, तुम्हारी ड्यूटी से आने से पहले और जाने के बाद। दादाजी ने हल पेश किया तो हानम की सांस में सांस आया था। वो गहरा सांस भर कर रह गई। वैसे भी उसके साथ कैसे गुजारा करती वो? जाओ अब तुम लोग अपने कमरे में। राजन गुस्से से उठकर चला गया, जबकि हानम दादाजी के मशहूर थी। साथ जानबूझकर 5 मिनट बाद कमरे से निकली थी कि राजन रास्ते में भी कुछ ना बोले, आराम से कमरे की तरफ जा रही थी। जब मुंह पर भारी हाथ रखते वो उसे साइड पिलर के साथ लगा गया था। हानम की आंखें रस से फैल गईं। उसका इतना चेहरा गुस्से और से भरे तेवर देख वो सहम गई थी। सब चीज़ें बहुत महंगी पड़ेंगी तुम्हें हानम जई, बहुत महंगी। भले मेरी बीवी को मुझसे छीना और अब ये नाटक कर रही हो, मेरी बेटी के साथ रहकर उसे मुझसे दूर करना चाहती हो। राजन उसके मुंह पर हाथ रखे दबी आवाज में गुर्राया। उसकी सांसों की तपिश से हानम को अपना चेहरा जलता महसूस हुआ था। वो उसके फिर से बेहद खड़ा करीब खड़ा था। उसकी बातों में छुपे तीरों से वो घायल हुई, अब रोने लगी थी। बाहरी हाथ हटाने की कोशिश नाकाम गुजरी। जिस दिन मेरा बस चला ना, उस दिन तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर करूंगा मैं। वो हाथ उठाता उसके बाजू को कमर पर बांधे उसके करीब होता, गहरा सांस लेके बोला था कि हानम ने सांस लेते गुस्से से उसे घूरा, काश वो दिन जल्दी आए। राजन मीर आंखों में नफरत समोए वो बोली कि राजन की गिरफ्त मजीद सख्तर हो गई। हनम की आंखों से निकलने वालों आंसू पर वो तंजिया मुस्कुरा गया था। अभी उनको बचा कर रखो, अभी तो ये कई और जगह इस्तेमाल होने हैं, दूसरी औरत बहुत कुछ सहती है। अल्फाज थे कि सुइयां जो मुसलसल वो उसके वजूद में चुबो रहा था। हनम की आंखें सुर्ख थीं, उसके शख्स से करीब तर भी नहीं जाना चाहती थी जो उसे गुस्से लगाए खड़ा था मौज उसे जलाने तड़पाने को। आई जस्ट हेट यू राजन, ऊंची आवाज़ में बोली। आंसू पे साफ्ता बह निकले, चेहरा तर हुआ तो राजन की गिरफ्त हल्की हुई थी। वो लब भीचे उसे देखता रहा, न जाने क्या सूझी। वो हाथ बढ़ाकर आंसू साफ कर डाले, जबकि एक हाथ उसकी दोनों हाथ जकड़े हुए थे। हानम ने सितमगर को देखा, जो इंसान क्या था समझ से बाहर था। वो शख्स पहले जुमले ऐसे बोलता कि इंसान का दिल छलनी हो जाए और बेख्तियार ही उस पर मरहम रखने को तैयार हो जाता। अपना दिया हुआ दर्द मैं खुद ही दूर करता हूँ कि अपनी चीज़ें मुझे दूसरे के पास गवारा नहीं। वो आहिस्ता आवाज में बोला था, लेचा सर सा था कि हानम की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। इस सब चीज़ों का हिसाब एक मखसूस दिन होगा। उसका चेहरा करीब करते हुए हल्की आवाज़ में बोला कि हानम ने चेहरा फेर लिया, मुस्कुराहट दबाए साइड हुआ था। मेरी बेटी को अगर खरोंच भी आई ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और हाँ, सुबह सुबह मेरे कमरे में चाय देकर जाना, क्योंकि बीवी बनने का शौक है ना तुम्हें, शौहर का काम करना सीखो। नखवत से बोलकर हानम का दिल किया कि गला दबा दे उसका और दुनिया का एक बोझ ही आज़ाद कर दे। पर काश खैर हो जाओ और दोबारा दादाजी को दरमियान में लाए तो मैं अपने हुक्म देखूंगा। फिर वो उसे वार्न करता मोदी से डराने को बोला। और वही हवा था, हानम की रंगत उड़ गई जो जल्दी से वहां से गायब हुई थी। वकील ये केस छोड़ दे, एक नौजवान को अचानक अपने सामने खड़ा पाकर वो चौंका जरूर था, जो खूंखार नजरों से हूरब की जानिब ही देख रहा था। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जयान ने आंखें छोटी करते पूछा था, जिस पर उस नौजवान ने गुस्से से घूरा। केस तो मैं लड़ूंगा और जीतूंगा भी, तुम्हें जो करना है कर लो। जयान उसे साइड करती हूरब को लेता ताला चला गया था। जज के आते ही सारे लोग खड़े हुए थे। जयान अपने केस में मसरूफ था, वो देखा नहीं था पाया था कि उसके मुखालिफ कौन केस अलर्ट डिफाइन कर रहा है। यू मे प्रोसीड नाउ, जज के बोलने पर जयान उठा और बोलना शुरू किया। माय लॉर्ड, इस शख्स ने मेरी क्लाइंट के साथ ज्यादती की है, निकाह के ऊपर निकाह जायज़ नहीं, और अगर भी हो तो पहले आपको अपनी पहली बीवी से इजाज़त तलब करनी चाहिए। जबकि इस इंसान ने मेरी क्लाइंट से कोई मारा पीटा ना से इजाज़त ली, बल्कि इसकी सारी प्रॉपर्टी भी छीन ली। वो उसे घूरता बोल रहा था जब पीछे से गूंजती आवाज़ पर मजबूरन से चुप होना पड़ा। वो पीछे मुड़ा। ऑब्जेक्शन माय जज साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है, उसने खुद इजाज़त दी थी अपने शौहर को दूसरी शादी की। प्रोसिक्यूटर के बोलने पर जियान ने आंखें छोटी करते उसे देखा।
एनी प्रूफ मिस प्रोसिक्यूटर, वो धीमे लहजे में बोला, जिस पर प्रोसिक्यूटर मुना ने खड़े होते एक लिफाफा आगे बढ़ते पकड़ाया। जज ने खोलने पर उसमें साफ गुरब की रजामंदी लिखी हुई थी, वो एक साइन किया हुआ पेपर था। मैंने नहीं किए, ये धोखे से करवाए हैं शख्स ने, वो रोते हुए बोली, जिस पर सामने खड़े नौजवान ने घूर कर उसे देखा। आप क्या कहना चाहेंगी रियान? जज के बोलने पर रियान चौंका। जज साहब अच्छे से रियान को जानते थे, वो कभी कोई गलत केस नहीं लेता था। उनके चेहरे पर पड़े मारपीट के निशान साफ वाजह होता है कि आदमी मेरी क्लाइंट को मारता रहा है। वो तहम्मुल से बोला था, उसके चेहरे पर कोई परेशानी या टेंशन नहीं थी। वाह, इज दिस सेम काइंड ऑफ अ जॉब? ये निशान ये केस जीतने के लिए खुद भी लगा सकती है, मुना आंखें घुमाती हुई बोली थी। आज तो वो ज़रूर रियान को हरा कर ही दम लेगी। जज साहब मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए, मैं चाहता हूँ आप इस केस का फैसला 2 दिन बाद सुनाएं प्लीज़। कुछ सोचते हुए वो बोला था, ठीक है, इस केस का फैसला पीर के दिन 12 बजे सुनाया जाएगा। तब तक के लिए मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर रहेंगे और कोई कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। द कोर्ट इज़ अर्जेंट। आहिस्ता आहिस्ता लोग जाने लगे थे। जब चीज़ें समेटते रियान के पास मुना चली आई। हारने की तरह के लिए तैयार रहिएगा मिस्टर हाथ, वो तंजिया बोली थी, जिस पर रियान को कुछ खास फर्क नहीं था। मैम, मिस मुना, आप जीत के लिए तैयार रहें, मेरा हारना मुझ पर छोड़िए, अपनी जीत सेलिब्रेट करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ वो हो जाए कि आप हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वैसे भी सच का जितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो पुरसकून सा बोला था कि मोना ने घूर कर उसे देखा और मुंह बनाती वहाँ से चली गई। इस पर रियान कंधे झुका गया। गुरब काफ़ी परेशानी से उसके साथ चल रही थी। रियान नोट कर चुका था, वो खुद गहरी सोच में था। जब तक केस मुकम्मल नहीं हो जाता आप मेरे घर चलें, वरना आपके शोर से आपको खतरा है, वो चलता हुआ मसरूफ से अंदाज में बोला था, जिस पर गुरब ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो उसके साथ ही गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो एक घर के सामने खड़े थे। गुरब झिझकते हुए अंदर दाखिल हुई, जहाँ सब खाना खाने में मसरूफ थे। बाजू पर कोट डाले अंदर दाखिल होता पहली ही नज़र में अपनी नकचड़ी बीवी को देख चुका था। उमरा समेत बाकी सब ने चौक पर इस लड़की के साथ देखा था। बेटा ये कौन है? मुस्तफ़ा साहब के बोलने पर ध्यान ने एक नज़र उमरा को देखा, चेहरा देख मुस्कुराहट दबाई और गुरब के बोलने से पहले खुद ही बोल पड़ा, डैड मुझसे बड़ी गलती हो गई, उमरा के साथ मुँह शादी करके, इसलिए वो बादाधुरी छोड़ने एक नज़र सबके संजीदा चेहरों पर डाल गया था। हुरब बुद बने खड़ी थी, जबकि उमरा ने खुशी से चम्मच पकड़ा हुआ था। आहिस्ता से छोड़ दिया, क्या बोले जा रहे हो ज़ियान? बात बताओ मुस्तफ़ा साहब की, बहरहमी से बोलने पर वो शर्मिंदा चेहरा लिए एक नज़र सब पर डाल गया। राजन के अलावा सब लोग मौजूद थे। तो मैंने डैड वो गलती सुधार ली है, ये मेरी बीवी है और उमरा जब चाहे मुझसे तलाक ले सकती है, वो आहिस्ता आवाज़ में बोला कि हुरब की आंखें फैल गईं, जबकि उसका एक एक लफ्ज़ सुनते हुए उमरा का चेहरा धुआं धुआं हुआ था। वो एक के बाद दूसरी नज़र डाल ही नहीं सकी थी। रियान की बात पर दादाजी समेत रियान के डैड भी गुस्से में आए। उमरा खामोशी से उठकर चले गई, जबकि रियान के नज़रें दूर तक उसका पीछा किया था। ये क्या बकवास, मुस्तफ़ा साहब चीख कर बोले। रियान हुरब की कुर्सी पर बैठने का इशारा करता खुद ट्रे में मुख्तलिफ चीज़ें रखने लगा था। सकून ऐसा कि मुस्तफ़ा साहब को भी गुस्सा दिला दिया था। हमजा मुँह खोले अपने भाई की हठधर्मी देख रही थी। मैं अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ, कोई आए आकर डिस्टर्ब ना करे हम दोनों को, और ये लड़की मेरी क्लाइंट है डैड, इसके शोर ने इसकी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी की, उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली है और इसे मारा पीटा, इस वजह से उसकी जान को खतरा है, ना हो के इधर ले आया हूँ, आप 18 मंजिला छत से मैं तलाक देने को कूदूंगा क्या? वो शौक से बोलता जल्दी से निकल गया। मुस्तफ़ा साहब ने अपना सर थामा था, जबकि उमदा और हानम मुस्कुराहट दबाए वापस सारे खाने में मसरूफ हो गए थे, जबकि मुस्तफ़ा साहब गुरब से बातें करने लगे थे। ओ माई गॉड लेडी एट द फूड, वो ट्रे को इधर उधर घुमाता गुनगुनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ, जहाँ वो किताब पकड़े सोफे पर बैठी थी। वो एक नज़र उसे देख ट्रे सामने पड़े टेबल पर रख चुका था, फिर जाकर उसके करीब होकर बैठ गया। खाना खा लो, किताब उसे पकड़कर साइड पर रखता बोला था। उमरा का चेहरा सख्ती लिए हुए था। शायद आपको नज़र नहीं आया कि मैं खाना खा चुकी थी, अपनी दूसरी बीवी से नज़रें हटा दे तो पता लग जाता। वो वापस किताब उठाने को आगे बढ़ी थी, जब वो वापस उसके दोनों हाथ पकड़े अपने हसार में लेकर सोफे पर ही लेट चुका था। पहली बीवी की जानिब देख रहा था, इसी वजह से तो पता है खाना अधूरा छोड़ आई थी। खैरियत तो है, जलन हो रही है? उसकी कमर पर ग्रिप बनाए शौकी से बोला तो उमरा ने मुझे उसे घूरा, मुझे क्यों जलन होगी? तेरा लहजा रुंध सा गया,
उसकी बात पर जियान ने बेचैनी से उसे देखा। लहजे की नमी को महसूस करता वो उसका सर अपने सीने से लगा गया था। माई लव, रो क्यों रही हो? वो तुम्हें मजाक कर रहा था। तुमसे मेरे साथ हो या ना हो जियान, मुस्तफ़ा सिर्फ तुम्हारा रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। भला छत से छलांग लगाना मैंने इसी दिन के लिए लगाई थी। वो उसका मुंह ठीक करने को आखिर में शौक से उससे के बालों पर लब रखते महफूज सा बोला था। वो मेरी बीवी नहीं है, क्लाइंट है मेरी। सबको बाहर तफसील बता चुका हूँ, अब उनसे पूछ लेना। वो उसका सर ऊपर करते बोला था, साथ ही माथे पर अपना सुलगता लम्स छोड़ा। वो मौज उसे देखती रही। बात तो है मैंने मजाक में की थी, लेकिन तुम्हारा जो रिएक्शन आया है उससे मुझे मेरे वजूद में सुकून उतरता महसूस हो रहा है। वो उसकी आंखों में झांकता बोला था, बस उस दिन का इंतज़ार है जब तुम मुकम्मल खुलकर इजहार करोगी, और मैं जानता हूँ उमरा वो दिन ज़रूर आएगा जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी। नन्नी सी जसारत से वो उसे गड़बड़ाने पर मजबूर कर गया। दिल तेज़ी से धड़का था, नजरें फेर गई। उसकी आंखों में एक समंदर आबाद था जिसमें मोहब्बत, तड़प, उम्मीद थी। वो उसके लिए वापस सीधा हुआ था, वैसे जलन हो रही थी ना। मुझे किसी और के साथ देखकर हार ना मानते हुए वो मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोला। उमरा ने उसे घूरा, जी नहीं गलत फहमी है तुम्हारी, मैं तो सोच रही थी कि इस बेचारी के नसीब खराब हो गए जो तुमसे शादी करेगी। वो मान नहीं सकती थी इसकी चालाकी पर वो मुस्कुरा कर रह गया। गलत फहमी बड़ी खूबसूरत है, वैसे चलो खैर मैं अब चला जाता हूँ, उसके पास उठते हुए बोला। जब उमरा का हाथ बिसाखते उसके हाथ पर गया, पहली बार खुद से जियान को रोका था उसने। जियान के दिल ने बिट मिस की थी, वो वापस बैठ चुका था। काश ये हाथ यूं ही मेरे हाथों में रहे, आमीन। मसूर सा मुस्कुराता वो बोला, तुम इमरा ने अपना हाथ खींचना चाह जिसे नकाम बनाते वो उसके लबों तक ले गया था। लबों से छूते वो उसका देख वो उसे देखता रहा था। मैं फ्रेश होकर आती हूँ माई लेडी, जाने तो प्लीज़ यूं ना रोका करो, फिर शरारती लहजे में बोला। तो उमरा ने अपना हाथ खींचा जबकि वो उसका हाथ खुद छोड़ चुका था। बहुत से सिंपल तरीके से निकाह रखा था। जमील उदास थी, वो सब अपने बाबा की वजह से कर रही थी जो अलबत्ता खुश थे। जमील के बाबा और मोहल्ले के चंद लोग और साथ ही मुराद लोगों की फैमिली थी, जबकि अपने ऑफिस में बैठे था कि निकाह वो कोर्ट उठाता मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए खड़ा हुआ। बेटा मुराद तुम्हें खुश रखेगा, वही साहब ने उसके सर पर हाथ रखते कहा था। गाजी साहब आ चुके थे, निकाह पढ़वाना शुरू हो गया हुआ। काजी साहब जमील की मर्जी जानने को बोल रहे थे जब वो खामोश बैठी थी। मुराद ने उसे गुस्से से देखा जब वही साहब ने सर पर हाथ रखा, नहीं कबूल। आवाज़ गूंजने पर वही साहब समेत मुराद और बाकी सब हैरान हुए थे, जिनमें खुद जमील भी शामिल थी। अल्फाज सामने खड़े नौजवान ने बोले थे जो बड़ी शान से सामने खड़ा था, कौन हो तुम और ये सब क्यों बोला? नज़र नहीं आता तुम्हें कि निकाह की रस्म हो रही है? वही साहब गुस्से में बोले थे। जमील ने हैरानी से घूंघट के पाल खड़े इस खड़ू अकड़ू इंसान को देखा। प्रेजेंटिंग अ न्यू वाइफ ऑफ मिस्टर मुराद, मिसेस असफा मुराद, वो ऊंची आवाज में बोलता मुराद को परेशान कर गया। उसके चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। जमील ने चौंक कर पीछे खड़ी लड़की को देखा। ये क्या बकवास है? मुराद चीखा था। काजी साहब आप निकाह पढ़ाए से क्या देख रहे हैं? वो सुर से बोला था। ना 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 मुराद, पहले से शादीशुदा हो और बाप भी बनने वाले हो, और इतना सितम अपनी बीवी पर के बताया तक गवारा नहीं किया? उसे इंसान कम से कम अपनी शादी पर इनवाइट ही कर लेता है भाई, कुछ तो लगती है यह आपकी। वो आगे बढ़ता आखिर में असफा की जानिब इशारा करते बोला, जो रोते हुए ये सब देख रही थी। साथ ही पुलिस को अंदर आता देख मुराद समेत सब शौक लगा था सबको। पापा इस इंसान ने धोखा दिया मुझे, असफा पुलिस कमिश्नर के गले लगती रोते हुए बोली थी। बेटा पहले कहा था तुम्हें इस लोगों पे भरोसा मत करो, पर खैर असफा के डैड के इशारे पर आदिन आगे बढ़ा और मुराद को गिरफ्तार किया था। जमील और बाकी घर वालों ने परेशानी से उसे देखा। जो कोई इसमें शामिल है वो भी जेल जाएगा, मुजरादिन के बोलने पर जो बोलने लगे थे वो खामोश हो गए थे। मुराद अपना हाथ छुड़वाने लगा, आदिन ने कांस्टेबल को हथकड़ी पकड़ाई। थैंक यू मैन, मिर्जा राजन के गले लगता बोला था, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। मुराद को वहाँ से लेकर गए जबकि जमील हैरानी से अभी भी ये सब देख रही थी। लोगों में चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी। वो बिजनेसमैन मौके का फ़ायदा कैसे ना उठाता फौरन पहुँचा था। शुक्रिया अदा करो, मेरा बचा लिया तुम्हें। अब देखो अपने वालिद के झुके हुए चेहरे को, चिच चिच अब क्या करोगी तुम? हाँ बेहतर है मेरी बात मान लो, ये लो पेपर साइन करो, अपने वालिद की इज्जत बचा लो। आराम और सुकून से छोटे से शीशे के पेज पर पेपर फेंकता हुआ बोला था। वही साहब ने सोफे पर ढेर से गए थे, काजी साहब जाने लगे थे जब जमील ने उन्हें रोका। कुछ सोचते हुए नीचे झुकी और पेपर साइन कर दिया। आंखों से आंसू निकले जिसे बेदर्दी से साफ कर गई थी।
निका पढ़ाएं वो दो लफ्जी जुमला बोलती सबको हैरान कर गई। काजी साहब ने निका शुरू किया, वही साहब हैरान परेशान थे, जबकि कुछ ही लम्हात में निका हो गया था, जिसकी अहमियत उन दोनों की नज़रों में महज कागज के टुकड़ों के बराबर थी। बेटा ये क्या किया तुमने, वही साहब परेशानी से बोले थे, जुमला उनके गले लग गई। बाबा बाप के अलावा बाकी दुनिया तो जालिम ठहरी है, वो अटकते लहजे में आंसू पीती बोली। उसकी बात पर वही साहब की आंखों भीग गई थी। मैंने जो भी किया मुझ पर यकीन रखें, अच्छा ही किया है, वो तहमुल से उनसे दूर होती बोली थी। जिस पर वही साहब ने उसे देखा, अगर रोना धोना हो गया हो तो चले मिसिस, वो बेजारी से बोला। तो जुमिल ने में सर हिलाया था। टू मच शुगर इन द टी, अलीसा चाय का एक घूंट भरती बोली। तो रेशमा ने आंखें घुमाई, वहीं सामने बैठी मुमरा मुस्कुराई थी। आई थॉट यू शुड हैव मोर शुगर फॉर योर बेटर वर्ल्ड, वो तीखी नज़र से घूरती बोली थी। इब्राहिम ने इस पर तंबी नज़र डाली, जबकि अलीसा नासमझी से सर हिलाया था। रेस्ट करोगी अब, मैं वो मुंह के जाविये बनाती उर्दू में बोली। तो मुमरा ने दोनों भवें ऊपर उठाई, जबकि रेशमा की ऐसी बेख्तियार थी। ओके श्योर, मुमरा मुस्कुराहट दबाते हुए बोली। साथ रेशमा को इशारा किया था, जैसे समझती वो अलीसा को कमरे में ले गई थी। मुमरा खुद भी उठती कमरे में चली गई। आज का दिन सुकून से गुजरने वाला था कि ताई जान और बाकी सब घर वाले घर पर मौजूद नहीं थे। मुमरा का ये हरकत क्या थी, वो अपनी नीली आंखें उसके चेहरे पर गाड़े बोला। तो मुमरा ने कंधे झुका आगे बढ़ना चाहा कि जब भी वो उसकी बाजू थाम कर झटका देता, उसे अपनी जानब खींच चुका था। आपको बड़ा दुख हो रहा है, उसकी आंखों में देखती तंजिया बोली। जिस पर वो मुस्कुराया, हो रहा है पर इस बात का, मेरी बीवी ने कभी मुझे तो मीठा खिलाया नहीं, वो उसकी नाक दबाते बोला। तो मुमरा की आंखें हैरत से फैली थी। आपको मीठे की ज़रूरत नहीं, जूतों की ज़रूरत है, वो आहिस्ता आवाज में बड़बड़ाई, जिसे बखूबी सुन चुका था। मैं पहले बता दूं, अलीसा मुझे चाहती थी, उसका गाल सहलाते बोला। तो मुमरा का चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। लेकिन मैं अपनी स्वीट डिश को चाहता हूँ, वो शौकी से बोला था। लेकिन मुमरा ने तो पहले जुमले पर अटक गई थी। हूँ मुझे पढ़ना है, छोड़े मुझे, वो खुद को छुड़वाती बोली, जबकि इब्राहिम के माथे पर बाल नबुदार हुए थे। वो किताब खोलकर बैठ गई। इब्राहिम ने गुस्से से उसे घूरा, उसका यूँ बैठना हटना उसे सख्त नागवार गुजरा था। वो खामोशी से कमरे से निकल गया था। सिगरेट सुलगाते वो खिड़की के बाहर देख रहा था। मोबाइल पर समन की तस्वीर, जिसमें वो हंस रही थी, नज़रें झुकी हुई थी। जब दरवाजे पर हानम अंदर दाखिल हुई, समन की याद और दूसरी हानम का गलत वक्त पर आना, वो पहले से ही गुस्से में था। चाय, वो खामोशी से चाय टेबल पर रखती हुई बोली, इधर आओ। गहरा कश लेते वो बोला, जिस पर हानम धीमे कदमों से चलती वहाँ तक पहुँची थी, जब वो खींच कर उसे खिड़की के साथ पिन कर चुका था। मेरी बीवी को कैसे मारा था, उसके बाजुओं पर दबाव बढ़ाते हुए आंखों में गुस्सा लिए बोला। उसका गुस्सा देख हानम की आंखें फैली थी। छोड़े मुझे राजन, मैंने कुछ नहीं किया, उसकी जानिब देखती वो खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगी थी। बहुत मोहब्बत थी मुझे उससे, बहुत ज़्यादा, वो यहाँ हंस बसती थी मेरे, और तुमने उसे मार डाला, वो किसी पागल की तरह बोला था। सिगरेट जो जल कर आधी हो चुकी थी, बेअख्तियारी हानम के बाजू में पेवस्त की थी। हानम की चीख बुलंद हुई, वो पागल होता जा रहा था। राजन दर्द के मारे आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसकी गिरफ्त हल्की होने के बजाय मजबूत हो चुकी थी। मेरे गुस्से की वजह तुम हो और मेरा गुस्सा तुम पर है निकलेगा, मेरी बीवी के कातिल को मैं हरगिज़ माफ़ नहीं करूंगा, वो उसके कान करीब झुकते हुए बोला था। उसका सर सरसराता लहजा हानम को खौफ में डाल गया था। दफा हो जाओ यहाँ से, वो उसे छोड़ता धक्का देने के अंदाज में खुद से दूर कर गया था। जिस पर हानम ने नम आंखों से उसे देखा। आई सेड गेट लॉस्ट, वो शिद्दत से घुरा कर बोला कि आनम खड़ी सांस लिए वहाँ से मिनट में गायब हुई। पीछे वो बालों में उंगलियाँ फंसा कर रह गया था। आनम को अपने बाजुओं पर जलन महसूस हो रही थी। हाय हैंडसम, वो एक क्लब में मौजूद था जहाँ लड़के लड़कियाँ डांस में महफ थे। वहीं से एक लड़की चलती हुई उसके पास आई थी, कंधे पर हाथ सजाते उसने मदोशी होती नज़रों से सामने बैठे खूबसूरत मर्द को देखा। हाथ हटा उसने सर तरीके से वॉर्न करता, वो मोहित इतना बोला कि उसका सर लेजा लड़की महसूस कर चुकी थी, लेकिन हाथ नहीं हटाया। ओ कम ऑन हैंडसम, कुछ फासले पर खड़े उसके दोस्त हंस रहे थे। शाम ने घूर कर उसको देखा, तुम्हें सुनाई नहीं देता, ऊंची आवाज़ में सख्त लहजे में बोला कि लड़की कुछ फासले पर हुई थी। बस यार क्या करें, तेरा लड़की खुद तुझे बोल रही थी और तूने किस बेदर्दी से उस नाजिक कोली को झटका है, उसके दोस्त उसके पास जाते हंसते हुए बोले थे। जिस पर शाम ने खसर नज़र से उसे देखा था। चल ये क्लब है, यहाँ मौजूद इतनी लड़कियों में से किसी एक लड़की को
तुम्हें किस करना है? खशाम को दोस्त चैलेंजिंग अंदाज में बोला, जिस पर खशाम ने आंखें छोटी करते उसे देखा। मत कर यार, ये इससे नहीं होगा, दूसरे ने हाथ पर हाथ मारते कहा था। जिस पर खशाम ने गहरा सांस भरा, वो इधर उधर देखने लगा, जहाँ कोने में बैठी बातें करती एक लड़की की जानिब कदम बढ़ाए। बाकी दोस्तों ने जाते देखा कंधे झुकाए थे। वो सीधा लड़की के पास गया और झुककर उसके हाथ थामा और वहाँ अपने होंठ जमाए कि लड़की की दोस्तों समेत लड़की ने मुंह खोले उसे देखा, जो फुल नेवी कलर की फ्रॉक में मौजूद थी। इन तमाम लड़कियों ने चेहरे पर रुमाल बांध रखे थे, जिसमें से वो उसकी आंखों में ही देख पाया था, जो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी। हाउ डेयर यू इडियट, महा छीक कर बोलती खड़ी हुई थी, जिस पर वो मबहम सा मुस्कुराया था। किसने कहा था आपको मिस इतना खूबसूरत बनकर आने को? होठों के किनारे पर मुस्कुराहट सजाते वो बोला कि उसकी बात पर माँ ने हैरत से उसे देखा। योर आईज इज सो ब्यूटीफुल, लबों पर मुस्कुराहट सजाए बोला तो महा ने उसके घूरा। वो कंधे झुकाता चला गया था। महा ने अपने दोस्तों की जानिब देखा और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी। ये क्या था खुर्रम, बोला तो खशाम ने कंधे झुकाए थे। अब ये सारा बिल तुम पे करोगे, वो अपना कोट लेता बोला, क्लब से बाहर निकल गया। पीछे खुर्रम बेचारा अपनी सिर्फ शक्ल लेकर रह गया। है बहुत मगरूरी लड़का, खुर्रम ने नफी में सर हिलाया, उसे सब गुस्सा आया, सारा बिल उसे देना पड़ा था। वो दुल्हन बनी बेड पर बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर छाई उदासी, जैसे हर शेर पर अफसुर्दगी तारी कर रही थी। वो लब से सीए बैठी थी जब दरवाज़ा खुला और हमेशा की तरह मकरूर अंदाज अपनाए अंदर दाखिल हुआ था। सिबिल ने लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस किए, जबकि वह तंजिया मुस्कुराहट लिए अपने उन नाभी लबों पर मुस्कुराहट सजाए बेड के पास आकर ठहर गया था। जमील ने चेहरा उठाते सवाली नजरों से उसे देखा था, जबकि वो उसे बागौर देख रहा था। सो कैसा लग रहा है इतने बड़े बिजनेसमैन की मिसिस बनकर? उसका लहजा किसी भी किस्म की मोहब्बत या चाहत से आ रही था, लहजे में साफ मकरूरियत झलक रही थी। जमील ने एक तेज नज़र उस पर डाली, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है सर, इतना छोटे और कमज़ोर इंसान की बीवी बनकर। एक नज़र अपने हाथों को देखती वो लबों पर जबान फेरती पूरे एतमाद से बोली थी। नजरें उसके आहिस्ता आहिस्ता खुशी से मान पड़ते चेहरे पर टिक गईं। तुम्हें ये अकड़ अब सूट नहीं करती मिस जमील वहीद, वो जेबों से हाथ निकालते जरा झुककर बोला, और आखिर कार तोड़ ही दी मैंने तुम्हारी अकड़, वो बैठ के करीब वापस खड़े होते हुए बोला था। जिस पर जमील ने एक शिपकना नज़र से उसे देखा, आपको भी आप कर भी कह सकते हैं, और नजरें फेरती वो बोली थी। जब अचानक वो उसकी जानिब झुका, जमील थोड़ा पीछे खिसकी, कर तो मैं बहुत पूछ सकता हूँ बीवी, इजाज़त हो तो, वो शौक से बोला, जिस पर ना चाहते हुए भी जमील के गाल दहक उठे थे। दूर होकर बात करें, वो तीखी नजरें से घूरती हुई बोली, जिस पर वो मुमिन सा मुस्कुराया, मैं पागल थोड़ी हूँ जो अपनी बीवी से दूर होकर बात करूँ, वो उसके पास टिकता बोला था। जिस पर जमील की धड़कनें बढ़ी, इनाम के तौर पर कुछ तो बनता है बीवी, गहरी नजरें उसे देखते वो बोला था, जो दुल्हन के रूप में बहुत प्यारी लग रही थी। जमील ने गुस्से से उसे देखा, वो इंसान जब से उसकी ज़िंदगी में आया था सिर्फ अजियत दे थी, और अब वो उसे तंज के तीर मारने से बाज नहीं आ रहा था। मैंने कहा दूर होकर बात करें, मिस्टर मिर्ज़ा दांत पीस कर बोली, जिस पर मिर्ज़ा ने हाथ का उसका बाजू दबोचा। इतनी खुशफहमी, वो कहर आलूद नजरों से उसे देखते बोला, आंखें सुर्खी लिए हुए थी, बहुत तकलीफ़ हो रही है ना आपको, एक लड़की से हारते हुए मुझे हासिल नहीं कर पा रहे, तस्किन मिल रही अना को, वो बाजू पर दबाव बढ़ा तो वो कर्रा कर रह गई, गिरफ्त हद दर्जा सख्त थी। तुम जैसे को मिर्ज़ा हासिल करना चाहेगा, मोहित पैसों के लिए किसी से भी शादी कर ले, पैसों के लिए बिक जाए, ये तुम्हारी खुशफहमी है, उसे झटकता बोला। उसके अल्फाज पर जमील का चेहरा तोहिन से सुर्ख हुआ था, बेसाख्ता नाजुक हाथ उठा, मिर्ज़ा साहब मिर्ज़ा सुल्तान के चेहरे पर अपनी छाप छोड़ गया था। आपके घर औरत नहीं है, ऐसे लफ्ज तो मुंह से निकलेंगे ही, वो आंखों में नमी लिए बोली कि उसकी हरकत पर मिर्ज़ा ने खूम अशाम नज़रों से उसे देखा था। मुठिया गुस्से से बीछी, यूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर हाथ उठाने की? गुस्से से माथे की रगें भुरी थी, वो सख्ती से उसके हाथ को पकड़कर मोड़ चुका था। जमील के मुँह से एक चीख बरामद हुई थी, वो सोच नहीं सकती थी कि मिर्ज़ा ऐसा भी कर लेगा। बेटा सब ठीक है, दरवाजे पर होती दस्तक पर मिर्ज़ा नफरत भरी नज़रों से उसे देखता उसका बाजू झटक कर उठा। जमील अपने हाथ पकड़ कर रह गई, हाथ में शरीर दर्द उठता महसूस हुआ था। यस डैड सब ठीक है, आप उठ गए, आए किसी से मिलवाना है आपको, कोट उतार कर सोफे पर फेंकते वो झट से दरवाज़ा खोलते बोला, लहजा नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। सुल्तान साहब अंदर दाखिल हुए तो जमील ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर सर झुका लिया। डैड माई वाइफ माई लव जमील मिर्ज़ा हाशिम सुल्तान, वो किस अंदाज में लफ्ज़ों पर दबाव डालते बोल रहा था। जमील अच्छे से जानती थी, लेकिन पहली बार उसने जमील का अपने नाम
अपने नाम के साथ पुकारा था, सलाम अलैकुम। मुस्कुराहट सजाए बोली, बेड से उठ खड़ी हुई। सुल्तान साहब ने आगे बढ़ते उसके सर पर हाथ फेरा था। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो बेटा, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। बस शुक्र है तू लेकर आया तो अपनी बीवी को। बेटा कोई भी मसला हो मुझे बताना, अगर ये उल्लू का पट्टा तंग करे तो तब भी मुझे बताना। सुल्तान साहब मिर्जा की जमील को बारी बारी देखते खुशी से बोले, जिस पर जमील ने एक कारदार नज़र मिर्जा को देखा, वहीं मिर्जा ने लब खींचे। याद आया चीख किस चीज़ की थी? सुल्तान साहब ने जमील की जानिब देखते बोले, जिस पर मिर्जा की नज़रें फौरन उसकी जानिब उठी थी। कुछ नहीं डैड, मेरी बेगम डर गई थी काकरोच से, आपको पता है लड़कियाँ कैसे डरती हैं। मिर्जा जमील के दोनों कंधों पर हाथ रखते बोला, लेकिन उनके हाथ से पड़ने वाले दबाव से जमील को तकलीफ महसूस हुई थी। अरे बेटा गधा तेरे साथ है, इससे नहीं डरती, काकरोच तो छोटी चीज़ है। फिर खैर रेस्ट करो, आप फिर रात को डिनर पे मिलते हैं, वो हंसते हुए बोले तो जमील हल्का सा मुस्कुराया। उनके कमरे से निकलते ही जमील ने ज़ोर से मिर्जा के हाथ झटके थे। इतना बड़ा बिजनेसमैन और डर, वाह इंटरेस्टिंग। यही डर था ना कि मैं बताना दूँ अंकल को कि उनके बेटे ने मेरे साथ क्या किया है। वो उसके गिर चक्कर लगाते, आखिर में उसके सामने खड़ी आबरू झुका कर बोली तो मिर्जा ने नफरत से उसे घूरा, खुशफहमी है तुम्हारी। और रही बात डरने की, तो तुम जैसी छुपकली से तो हरगिज नहीं डरता मैं। वो सर को एक साइड पर हिलाते बोला कि जमील लफ्ज़ छुपकली पर अटक गई थी। उसका बस नहीं चला था कि सामने सुकून से खड़े इंसान को आग लगा कर खुद फरार हो जाए। मुझे कमज़ोर हर किस्मत मत समझना, अंकल को नहीं बताया ना बताऊंगी, तुम जैसों से मुझे अच्छे से डील करना आता है। और रही बात काकरों से डरने की, तो मैं हर किस नहीं डरती। वो सर से पांव तक उसे देखती तंजिया बोली थी कि मिर्ज़ा अंदाज़ा लगा चो तक के काकरोच किसे बोला जा रहा है। खैर अब आपके वालिद ने कहा है मुझे रेस्ट करना चाहिए। वो वापस बेड पर जाती बोली और लेट कर सर तक कम्फर्ट ओढ़ लिया तो मिर्ज़ा ने एक बेजार सी नज़र डाली और रूम से बाहर निकल गया, जबकि वो बेआवाज आंसू बहाने लगी थी। उसे जिद्दी इंसान के सामने रोना हरगिज़ नहीं चाहती थी। ये क्या हरकत है मिस, इसका मतलब आप बाज नहीं आएंगी? वो रख लेजे में बोला। मुसलसल 2 दिन से वो उसे कॉल कर रही थी, नंबर ब्लॉक होने पर की सूरत में वो दूसरे नंबर से कॉल करने लगी थी। असीम उकता चुका था, नॉट बिग थिंग प्रोफेसर, शादी कही तो पूछ रही हूँ, वो आहिस्ता आवाज में बोली थी। लेकिन उसकी बातें सुनता असीम लब भीज गया। आंखें बंद करते उसने अपने गुस्से को दबाना चाहा था। मोहतरमा मुझे शादी नहीं करनी, आप जानती हैं क्या है मेरे बारे में, वो दांत पीस कर बोला था। पानी सर से ऊपर जा रहा था, उनका किसी दौर मान नहीं रही थी, खासी ढीठ मालूम होती थी। मेरे दिल को पता है आप बहुत अच्छे हैं, वो एक अदा से बोली, हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी जिद्दी था। शायद मुझे आपसे शादी तो दूर बात भी नहीं करनी, हटिए मेरे रास्ते से। वो उसे बाजू से थामे साइड से गुजरता बोला। अंदर ने पास से गुजरते स्टूडेंट को देखा था, क्यों बात नहीं करनी? हाँ मुझे बात करनी है आपसे बात, आखिर मान क्यों नहीं लेते आप? उसके सामने फिर से आती कदरे ऊँची आवाज़ में बोली थी, जिस पर असीम ने इधर उधर देखा था, सबकी नज़रें उन पर ही थी। उनजा वो आंखों में गुस्सा लिए नाम पर दबाव डालता उसे बाज रखने के नाकाम कोशिश में था। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहाँ ना मोहब्बत करती हूँ, वो फिर से धीमे लहजे में बोली कि असीम ने ना चाहते हुए उसका बाजू ज़रा सख्ती से पकड़ कर उसे दूर किया तो उनजा का चेहरा सुर्ख हो गया। आई लव यू प्रोफेसर, वो ऊँची आवाज़ में बोली थी। असीम जो अब परेशानी से जा रहा था उसकी इतनी बुलंद आवाज़ पर चौंका। आसपास स्टूडेंट जमा होने उसका गुस्सा सवा नेजे पर पहुंचा था। मिस हुंजा क्या ये क्या बदतमीजी है, उसने दांत पीस कर उस लड़की को देखा जिसे ये तक परवाह नहीं थी कि वो यूनिवर्सिटी में खड़ी है और अब वो भी अपने प्रोफेसर के सामने। ये बदतमीजी नहीं, इसे प्यार कहते हैं, यू नो लव, वो ढीठों की तरह बोली जब कुछ हवा हासिले पर खड़ी उसकी दोस्तें सब देख रेख कर अब परेशान हो रही थी। जबकि असीम का चेहरा सूख हो रहा था, उसे हर किसी तवक्को नहीं थी कि वो ऐसा कुछ बोलेगी। क्या आपको तमीज़ नहीं है, वो दांत पीस कर बोला था। पैंट कोट पहने, कोट के बटन खोले, बालों को सेट किए वो खूबरू नौजवान था जिस पर उमदा अपना दिल हार बैठी थी। वो शुरू दिन से उसे ट्रैक कर रहा था, वैसे तो सीखने आते हैं यहाँ प्रोफेसर, वो किसी तौर पर मान नहीं रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ कुछ स्टूडेंट जमा होना शुरू हो चुके थे। असीम का दिल किया लड़की को जान से मार दे, जो खुद तो सोच नहीं रही थी, ऊपर से पूरी यूनि के सामने उसकी इज्जत का भी तमाशा लगा रखा था। मिस उन्जा हाद मुस्तफ़ा गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर, वो गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। उसकी गर्जदार आवाज़ से उन्जा 2 कदम खौफ से पीछे हटी थी। आसपास देखा तो चेहरा तोहिन के साथ से सुर्ख हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा जिद्दी लड़की कहाँ बाज आने वाली थी। व्हाट्स द मैटर विद यू प्रोफेसर, इट अ सिन साइन टू लव फर्स्ट, योर ट्रैप मी इन लव एंड When I ask you to marry me, you are
पुशिंग मी अवे, वॉट इज माई फॉल्ट। उसके साथ मसला क्या है प्रोफेसर, क्या मोहब्बत करना गुनाह है, या पहले आपने मुझे मोहब्बत के जाल में फंसाया और जब मैंने आपको शादी करने के लिए कह रही हूँ तो आप मुझे धक्का रहे हैं। आखिर क्यों, क्या गलती क्या है मेरी, इतने सारे लोगों की मौजूदगी में खुद को तोहिन को बर्दाश्त ना करते। उस सरफरी लड़की ने सरासर झूठ बोला था, यह जाने बिना कि इस झूठ से दूसरे की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। असीम ने हैरत से उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज देखे जो उसे नजरे तक नहीं मिला रही थी। वहाँ अब प्रिंसिपल भी मौजूद थे, सारे स्टूडेंट की कन अखियों से असीम को देख रहे थे। उसका चेहरा शिद्दत से सुर्ख हुआ था, उसकी एक जिद ने असीम को अकमल खान को न जाने कहाँ ला कर खड़ा कर दिया था। असीम, ये क्या मसला है, प्रोफेसर की तेज़ आवाज़ असीम को होश की दुनिया में लाई थी। वहीं उमदा भी चौंकी थी, उसे अंदाज़ा नहीं था कि प्रिंसिपल भी आ जाएंगे। डैड इज़ नॉट माई फॉल्ट, वो दांतों को एक दूसरे में जमाए उमदा की जानब घूरता बोला तो जहाँ सब डैड लफ्ज़ पर अटक गए थे। प्रोफेसर, असीम यूनिवर्सिटी है, यू कॉल मी प्रिंसिपल और आप दोनों मेरे ऑफिस आएँ। ये ज़रा वो कदरे सख्त लहजे में बोले थे। असीम सर झुका लिया था, उनजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकले। सब स्टूडेंट क्लास में जाएं, वो एक नज़र उन दोनों पर डालते आगे बढ़ गए। जबकि असीम ने एक गहरा सांस भरा, वहीं उनजा गुमसुम सी आगे बढ़ी थी। मैं कराची जा रहा हूँ एक केस के सिलसिले में, वो मीर साहब को देखता बोला तो हानिम ने सबको चाय थमाई, उसके कमरे में जाकर उसे चाय देने का इरादा तर्क करती। वो यहीं सबके लिए चाय ले आई थी, किसी बहाने वो भी पी लेगा। हम ठीक है बेटा, हानम को भी साथ ले जाओ। दादाजी की बात पर हानम समेत राजिन भी चौंका, एक नज़र हानम को देखा था जो चाय रख कर साइड पर खड़ी हुई। मैं वहाँ घूमने नहीं जा रहा दादाजी, केस के लिए जा रहा हूँ, राजिन ने आम से लहजे में बोला था। वो हानम को हरगिज़ अपने साथ नहीं ले जाकर जाना चाहता था। तो फिर क्या हुआ, हानम घूम लेगी, तुम काम करते रहना अपना, दादाजी ने हल पेश किया और चाय का घूंट भरा था। नूशे घर में अकेली रहेगी, मैं उसे छोड़ कर नहीं जा सकता। वो हर मुमकिन कोशिश में था कि वो उसे अपने साथ ना लेकर जाए, नहीं तो किसी ने कहा अनुषा अकेली, हम सब उसके साथ हैं और अनुषे को तुम्हारी माँ और उमरा बेटी देख लेगी। हर रास्ता मस्तूत कर दिया था उन लोगों ने। राजिन ने लबों पर जबान फेर कर तो उसकी हालत देखता ज़ियान हंस पड़ा। राजिन ने सख्त नज़रों से उसे देखा, क्या भाई इतना अच्छा मौका मिल रहा है, ले जाओ एक हमें जिन्हें लोग देखते ही नहीं। वो अपना गम सदा बुलंद करता एक नज़र उमरा पर डाल गया था। बेटा ज़रा हौसला रखो, मुस्तफ़ा साहब के बोलने पर दोनों के दांतों की नुमाइश कर गया था। उमरा ने नफ़ी में सर हिलाया, ओके मैं फ्रेश होकर चाय पीऊँगा, मेरे कमरे में चाय दे जाओ। वो हानिम की जानिब देखता बोले तो हानिम गले में गिल्टी उभर कर मद्दूम हुई थी, यानी अब उसकी शामत आनी थी। मेरे साथ आना, 2 मिनट मुमरा को अपने साथ घसीटते वो किचन में ले आई थी। मुमरा ने भवे सुखेड़े उसे देखा, क्या मुसीबत है, वो ताकर बोली थी। एक तो वैसे ही आजकल वो ज़ियान की हरकतों से परेशान थी, एक ही तो मुसीबतों के राजा हैं। यार तुम प्लीज़ दे आओ चाय, क्या ज़रूरत थी सबको मुझे इसके साथ भेजने की, सब इससे बाहर है, क्या तुम लोग मेरे दुश्मन हो। वो माथे पे सिलवटे सजाए परेशानी से बोली। उसकी बात पर मुमरा ने मुस्कुराहट दबाई, 2-4 दिन जो सुकून से गुजरे थे उनको भी जहन्नुम बनाने पर तुले हैं सब। वो चाय गर्म करती बोली थी, एक तो उसकी सर्द नजरें, वो मुझे कराची नहीं घुमाएंगे बल्कि पूरी दुनिया ही घुमा देंगे। देखा था ना कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, क्या तुम लोगों में ही मिली थी वो कप में चाय डालती उठा कर बोली थी। मुमरा ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे हौसला दिया, ये लो दे कर आओ। हानिम उसकी जानिब कप बढ़ाते बोली थी, जिस पर उमरा ने 2.5 दिखाते नफी में जवाब दिया, मैं नहीं जाऊंगी अगर मुझे कुछ बोल दिया। फिर वो हाथ खड़ी करते बोली थी, प्लीज़ देख लो किसी दिन तुम्हारी मदद कर दूंगी, तुम्हारे को किसी तुम्हें बचाने में। हानम सरसरी अंदाज में बोली थी। मुमरा ने उसे घूरा, ही इज़ अ नाइस मैन, वो चाय पकड़ती बोली, जिस पर हानम का मुंह खुल गया। उसकी बात पर कहाँ इतनी चिड़, और अब नाइस मैन वो कुछ बोलती कि मुमरा पीठ दिखाती वहाँ से चली गई थी। दरवाज़ा नॉक करते वो इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हुई थी। भाई चाय, वो चाय को मेज़ पर रखती धीमे अंदाज में बोली कि नीम दराज हुए। राजिन ने विमरा को देखा, दिली दिल में हानम को शाबाशी दी। रुको गुड़िया, वो उसे रोकते चाय का कप उठाता उसे पीने लगा था। चाय गर्म थी, राजिन की जबान पर जलन होने लगी थी लेकिन वहाँ पिए जा रहा था। उमरा खिड़ी बुत बनी उसे थक रही थी, ये लो एक कप चाय ले आओ। वो चाय का खाली कप विमरा को पड़ाता बोला था, साफ मतलब था हानम को यहाँ चाहिए चाहता था। उमरा ने सावत में सर हिलाया और कमरे से निकली, सीधा जाकर किचन में दम लिया था। एक कप और चाय बोला है, मिनट में चाय ही गए पी गए, सांस कैसे रह लेती हो इस पागल के साथ तुम, मेरे ख्याल से वो तुम्हें अपने हुजरे में तलब कर रहे हैं। उमरा बड़े शाही अंदाज में बोली कि हानम ने हाथ में पकड़ा कप उसके कंधे पर मारा था। उमरा ने उसे घूरा,
आपके सरताज भी आपको अपने हुजरे में तलब कर रहे हैं, क्या आप आना चाहेंगे? मलका आलिया मुस्कुराहट लोगों पर सजाए किचन में दाखिल होता बोला। उसकी बात पर जहाँ हानम ने मुस्कुराहट दोहराई, वहीं मुमरा ने एक तीखी नज़र से देखा जिस पर वो दिल के मकाम पर हाथ रखता आंखें मूंद गया। उमरा वहां से निकलकर सीधा कमरे में गई जहाँ जयान हानम को बेस्ट ऑफ लक बोलता उसके पीछे गया था। इब्राहिम कहाँ है? उमरा नीचे आती रेशमा को देखती बोली, जो सफाई करने में मगन थी। रजिया बेगम ने मुस्कुरा कर उसे देखा था। बेटा वो बाहर गया है, रजिया बेगम सुकून से बोली थी। वो नीचे उतरती सोफे पर टिक गई। पास बैठी ताई जान ने घूर कर देखा उसे। हाँ वो तो अपनी उस बाहर से आए दोस्त को लेकर गांव घूमने गया है, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ताई जान ने कनखियों से उमरा को देखा था जो खामोशी से बैठी रही थी। रजिया बेगम ने उसका उतरा चेहरा नोट किया था। हाँ अलीसा ने गांव नहीं देखा ना, इसलिए इब्राहिम बोल रहा था तुम्हें भी साथ ले जाने को, पर तुम सोई थी तो तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। रजिया बेगम किसी भी तौर पर उसे हौसला देना चाहती थी, शायद तभी बात को हल्के फुल्के अंदाज में बोला। अल्लाह बचाए भाभी पर झूठ ही होता है। आप इब्राहिम को तो खबर भी नहीं थी उसकी, अब इतनी अच्छी दोस्त हो तो कहाँ रहती है, मर्द को फिक्र। ताई जान मुंह में बादाम रखती बोली, साफ जाहिर था कि उमरा को तपाने को सब बोल रही थी। आप चाय पियेंगी? मैं चाय बनाने जा रही हूँ। उमरा को वहाँ से उठ जाना ज़्यादा बेहतर लगा था। रजिया बेगम ने हामी भर ली, वो मुस्कुराते हुए चाय बनाने गई थी। थोड़ी देर बाद चाय का एक कप रजिया बेगम को देते वो खुद भी उनके साथ टिक गई। चाय अच्छी बनी है बेटा, रजिया बेगम खुशी से उसकी तारीफ कर गई। तो उमरा का दिल उनकी नरमाहट पर झूम उठा था। वो वाहिद खातून थी जिनके दिल में उमरा के लिए कोई बोगस नहीं था। शुक्रिया अम्मी, वो धीमे लहजे में बोलती चाय पीने लगी थी। जब सामने से इब्राहिम के कंधे पर बाजू रखे अलीसा को आते देखा, ताई जी ने तंज भरी नजरें से उमरा को देखा जो खुद को नॉर्मल जाहिर कर रही थी। बहुत ही खूबसूरत गाँव है, अलीसा से सीने पर हाथ धरे बोली। और इब्राहिम ने एक उमरा को देखा जो यूं जाहिर कर रही थी जैसे मौजूद ना हो। मुमरा तैयार हो जाओ, यूं ही चलेंगे, कुछ डिस्कस हो जाएगा, वो आम से लहजे में बोला। तो मुमरा ने कोई जवाब नहीं दिया और चाय का कप रखती ऊपर जाने लगी थी। जब रेशमा उसके पास आई, गल ना करी एंदे नाल शोखा ना होवे इंदा, वो रात दराना अंदाज में मुमरा की जानब झुकती हुई बोली, जिस पर मुमरा हंस कर अपने सर हिलाती रह गई थी। इब्राहिम भी उसके पीछे सीधा ऊपर गया था। अलीसा की नज़रों ने ओझल होने तक उसका पीछा किया था। मुमरा रेशमा को मेरा पैगाम दे दो कि किचन में चीज़ें ना जल आया करे, कमरे तक स्मेल आ रही है। वो अलमारी में मुंह दिए खड़ी थी जब वो चलता उसके तक आया और कंधे पर हाथ रखते बोला था। मुमरा अच्छे से समझती थी कि वो किस बारे में बात कर रहा है। आप पानी लेकर उसके पास खड़े हो जाएं, जाकर वो तरक कर बोली। वैसे भी इस वक्त बहस के मूड में नहीं, हर किस नहीं थी। एक तो ताई जी ने अलग दिमाग ख़राब किया था, वैसे भी वो कल से उससे नाराज़ थी। कितने सुकून से बोल रहा था, अलीसा मुझसे पसंद करती है, अब जलने वाले के पास ही पानी लेकर खड़ा हुआ जाता है और मैं वहीं खड़ा हूँ, वो मुस्कुराहट दबा के बोला। जानता था वो कल उसे नाराज़ कर चुका था। उसके कंधे पर सर टिकाए वो मसरूर सा हुआ, जबकि मुमरा ने कंधे झटका और साइड पर हो गई थी। अब ये मक्खन किसी और को लगाएं, वो हाथों में सूट के पकड़े एक वॉशरूम में जाती बंद हो गई। तो इब्राहिम एक भोजन सांस खींचता थोड़ी देर तक वो काले सूट में बाहर निकली थी। इब्राहिम सीटी बजाकर रह गया तो मुमरा ने उसे घूरा, उसके अंदाज पर मुमरा का दिल तेजी से धड़का, गाल लाल हुए, जबकि वो इग्नोर करती शीशे के सामने खड़ी हो गई थी। नाराजगी जितना बनता था, अबाया पहन लेना, उसके करीब जाते एक हाथ ड्रेसिंग पर रखता हल्का से झुकते बोला। तो जिस पर वो मुमरा ने आप रुचकाई, क्यों आपकी मर्जी तो नहीं कुछ पहनूंगी मैं, तो कभी चिल्लाई है आप पर मर्जी मैंने चलाई कभी आप पे मर्जी, वो दांत पीस कर खफगी से बोली थी। जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया, रोका किस कम जरफ ने है, जता लिया करो हक, उसके बाल कान के पीछे उड़सते बोला था। उसके छूने पर मुमरा का दिल बेकाबू हुआ, हक जताने पर आऊँ तो आवारा लोगों को पास भटकने ना दूँ, वो उसकी नीली आंखों में आंखें डाल गाड़े बोली थी। ये मंदिर कितना खूबसूरत था, इब्राहिम के चेहरे पे धीमे मुस्कुराहट थी। देखे यूं न देखे हमको, देखिए फिर बहक रहे हैं हम, वो आहिस्ता आवाज में उसकी जानिब झुककर सरगोशी करते बोला। कि मुमरा ने फौरन नजरें फेरी थी, वहीं उसका कहका बेसाख्ता था। मुमरा मुंह बनाती उसे साइड करती तैयार होने लगी, वो सोफे पर जाकर बैठा उसकी सारी कार्रवाई देख रहा था। आखिर में वो अबाया पहन चुकी तो इब्राहिम के लबों पर जानदार मुस्कुराहट ने छुआ, वो अंदर तक मसरूर हुआ था। जबकि मुमरा ने कनखियों से उसे देखा था, उसके होंठों पर पहले मुस्कुराहट वो असीर होती जा रही थी। वो फौरन उठा और आहिस्ता से कदमों से चलता उस तक आया। प्यारी लग रही हो, उसे देखते वो आंखों में मोहब्बत का जा बात किए बोला था। जिस पर वो लफ्ज नजरें उठाकर उसे देखने लगी थी, फिर आंखों में उलझन वाजे हुई। आप
अब कैसी प्यारी लग रही हूँ, अब तो नज़र भी नहीं आ रही। मेरा फेस वो पुरसोच अंदाज में बोली थी उसकी बात पर उसने हमरा का रुख आईने की जानिब किया। वो मेरी नज़रों से देखो बहुत खूबसूरत हो, जैसे किसी हसीन शहजादी की तरह, हर चीज़ से पाक दिलकश मंजर की तरह, बहुत बहुत खूबसूरत। वो आईने में उसे देखना मदम आवाज़ में बोला कि उसके लहजे की तासीर से मुमरा को अपना धड़क दिल कानों में धड़कता महसूस हुआ था। शायद मोहब्बत हो रही है मुझे आपसे। उसका रुख अपनी जानिब करता उसके माथे पर लब रखे बोला था। मुमरा ने इस्तेकाक से आंखें बंद की थी जब दरवाज़ा खोलते अलीसा अंदर दाखिल हुई और उन दोनों को देख चेहरे पर फर्जी मुस्कुराहट सजा गई थी। मुझे शहर जाना था, तुम लोग जा रहे हो तो सोचा मुझे भी ले जाओगे, वो मुस्कुराहट सजा कर बोली कि इब्राहिम ने एक नज़र मुमरा पर डाली थी। अलीसा हमें ज़रूरी काम से, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, उमरा के बजाय इब्राहिम ही बोला तो अलीसा के चेहरा उतर गया। उसे इल्म नहीं था इब्राहिम ऐसा बोलेगा। ठीक है, नो इशू, मुस्कुराहट बा मुश्किल चेहरे पर लाते हुए पलट गई। उमरा ने मुस्कुरा के इब्राहिम को देखा था जो अपनी कीज उठाता उसे आने का इशारा करता बाहर निकल गया था। वो भी उसके संग कदम उठाती आगे बढ़ी थी।